हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर बैंग। लेके आ चुके हैं फिनाले हमारा, जिस चीज़ का काफ़ी दिन से इंतजार था गाइस। लिटरली हमारा जो पैराडाइज बीजीएमआई चैंपियनशिप कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था एमकेसीजी बीजीएमआई चैंपियनशिप की तरफ से, बट उसके बाद यहाँ पे आपको पैराडाइज बीजीएमआई चैंपियनशिप का आज फाइनली फिनाले देखने को मिल रहा है, जिसका पहला मैच शुरू हो चुका है, एडवांस रूम कार्ड में देखने को मिलेगा। सो देन अगेन एक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा परिपक्व यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, काफ़ी क्लियर कट फाइट्स देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कहीं ना कहीं एग्रेशंस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो आई होप यू गाइज आर मोर देन रेडी टू सी दैट हाउ द फाइट्स आर एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन, और देखते हैं किस तरीके से मैच यहाँ पे निकल के आ पाता है। हालांकि देखिए क्लैशेस आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, फाइट्स निकाल पाना इन टीम्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जरूर से हो सकता है, बिकॉज शुरुआत की जोन्स हैं। अभी देखिए पहली जोन हमारी बहुत ही जल्द बनती हुई दिखेगी, तो चलिए देखते हैं गाइज हमारी पहली जोन किस तरीके की निकल के आ पाती है, कैसी फाइट्स रहेंगी जोन के अंदर, किस तरह का एग्रेशन रहेगा। ओ ये देखिए गाइज जोन कंप्लीटली नॉर्थ ईस्टर्न जाती हुई दिखेगी, विच कैन ईजिली कन्फर्ट एंड गेट अ लॉट ऑफ केओस वंस अगेन गाइज। जैसा कि आप देख पा रहे गाइज अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं कैजुअलिटीज बढ़ती हुई दिखेंगी, फाइट्स निकाल पा रहे हैं टीम्स के लिए अगेन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को मिलने वाला है। बट जहाँ तक मुझे लगता है टीम्स कोशिश करेंगी कम्पीट करने का, टीम्स कोशिश करेंगी फिगर आउट करने का कि यस हमें किल्स यहाँ पे निकालनी है, वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ अमेजिंग स्टफ एट दिस पॉइंट, एंड दैट इज वाई वुड लाइक टू से दैट डिफिकल्टीज यहाँ पे जरूर से बढ़ने वाली है, एंड यहाँ पे टीम्स का रिटेलिएशन कर पाना भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल देखने को मिलेगा। लेकिन पहली जोन जिस तरीके से श्रिंक हो रही है गाइज मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। वेल आई बिलीव वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ फाइट कमिंग अप। यहाँ पे बात करते हैं पर्टिकुलरली टीम नंबर 18 की, तो चलते हैं फटाफट से इनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जेरी, उसी के अलावा डॉक्टर ट्रेक को देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही लॉर्ड सिपम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये जो मेट्स हैं, ये जो टीममेट्स हैं, इनके पीछे से आपको टीम नंबर 4 के खिलाड़ी भी रोटेट करते हुए दिखेंगे, दैट इज टीम एक्स एलीट फोर्स, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिफायर राउंड में सबसे बढ़िया कैपिटलाइज करके गई थी। आई बिलीव 3 चिकन डिनर के साथ ये टीम कल का क्वालिफायर राउंड अपने नाम यहाँ पे लेके गई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से टेबल टॉप किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने क्वालिफायर राउंड में। बट टीम सेंटिनल भी एक ऐसी टीम है, या फिर अगर हम बात करें कुछ और टीम्स हैं ऐसी जो कि यहाँ पे इनसे कम्पीट कर सकते हैं, इनको एक काफ़ी खतरनाक डैमेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, उस डैमेज की वजह से शायद इनका यहाँ पे सर्वाइव कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट देखने को मिले। सो अगेन यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, और स्ट्रीम पर यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइज आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट का डिले आई बिलीव। सो ये डिले हमने जानबूझ के यहाँ पे डाला है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, स्ट्रीम स्नैपिंग इशू को अवॉइड करने के लिए उनकी तरफ से मुझे इंडिकेट किया गया था कि आप प्लीज़ यहाँ पे ये डिले डाल दीजिए, तो मैंने यहाँ पे डिले डाल दिया गाइज। 1 मिनट का डिले यूट्यूब ने डाल दिया है, और 1.5-2 मिनट का डिले मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे स्ट्रीम से ऐड कर दिया है। सो अगेन डीलेस का एक ही कारण है गाइस, ताकि हमें एक फेयर फाइट देखने को मिले, क्लीन फाइट देखने को मिले, एक आरामदायक एक लुभावनी फाइट यहाँ पे देखने को मिले, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कन्फर्म फॉर। बट यहाँ पे देखते हैं टीम सब किस तरीके से पॉइंट्स अपना निकाल के लेके आ पाती है, कैसे एग्रेशन रहेंगे, कैसा रिटेलिएशन रहने वाला है। 18 टीमें 68 खिलाड़ी आपको देखने को मिलने वाले थे, बट यहाँ पे एक टीम का खिलाड़ी यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुका है। तो चलिए गाइस आगे की अब टीम से बात करी जाए, आगे के एग्रेशन से बात करी जाए, तो वहाँ पे आपको उधर भी फाइट्स देखने को जरूर से मिलेंगी। आई होप सो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ केओस कमिंग अप, बिकॉज अगर हम बात करें टीम नंबर 17 की प्रिसाइसली, तो यहाँ पे जाते हुए देखेंगे इन द एरियाज ऑफ सेवर्नी, वहाँ पे सेवर्नी के पास ही आपको प्रोफेसर रूथर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए इन्हीं की टीम के खिलाड़ी थे जिनका नाम है 2x कोप गाय, तो इनको ऑलरेडी फिनिश ऑफ यहाँ पे कर दिया गया, तो इनकी वो टीम है जिनको पास सबसे पहली कैजुअलिटी निकल के आई है, अब इनका सर्वाइव कर पाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर से यहाँ पे रहेगा, बिकॉज सोलो मैन स्टैंडिंग है अपनी टीम के, और इस समय इनके आसपास कोई व्हीकल भी देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी बदौलत यहाँ पे रोटेशन काट पाए, तो लेकिन काफ़ी रिस्की बिजनेस रहेगा इनके लिए जोन के अंदर पहुँच पाना, अपनी टीम्स को अपनी टीममेट के लिए कहीं ना कहीं मैं कहूँगा पॉइंट्स उठा पाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की देखने को मिलेगा। बट फिर भी कोशिशें जरूर से करी जाएगी इनकी तरफ से कि कुछ एक अच्छे पॉइंट को आप एंगेज कर पाए, कुछ अच्छे एग्रेशन को आप निकाल के लेके आ पाए, दैट वुड बी अप्रिशिएबल फॉर द गाइज। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी पहली जोन ऑलमोस्ट श्रिंक होना शुरू हो चुकी है, और जैसे जैसे ये जोन श्रिंक होना शुरू होगी वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा अमेजिंग कनेक्शंस, और भी ज़्यादा अमेजिंग कनेक्टिविटीज एंड फाइट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सीक फॉर। मीनवाइल अगर हम बात करें पर्टिकुलर टीम नंबर 19 की, तो आपको यहाँ पे सैम योडार देखने को मिलेंगे, कॉमरेड बचे यहाँ पे कोक देखने को मिलने वाले हैं, एलटी के बाज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट ये टीम्स अपना कम्पीट करने की पूरी कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए दिखेंगे, बट लेट्स सी हाउ मच दे आर गोइंग टू एक्चुअली कम्पीट विद। वेल मूविंग ऑनवर्ड्स एज यू ऑल कैन सी अ लॉट मोर ऑफ अ कंटेस्टमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू राइज, जैसे कि आप देख रहे हैं हर कॉर्नर पे आपको कहीं ना कहीं टीम्स कंपीट करते हुए दिखेंगे। टीम सेंटिनल्स की बात करें जहाँ पे आपको कमांडर देखने को मिलेंगे, वी हैव गॉट राम, वी हैव गॉट किंग ओपी, और उसके अलावा फेकर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो ये दीज आर द टीम्स विच आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट एंड गोइंग टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन। ऑफकोर्स यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकते हैं, एंड गाइज आप लोग के लिए सामने चैट का ऑप्शन खुला हुआ है, तो फील फ्री टू चैट, फील फ्री टू कमेंट डाउन व्हाटएवर यू वांट टू एक्चुअली गाइज, एंड प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जितना आप लोग यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा वैल्यूबल यहाँ पे देखने को मिलेंगी चीज़ें, बट लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। मूविंग ऑनवर्ड्स लेट्स सी हाउ द गन गेम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर।
एंड इवेंचुअली इफ टॉक अबाउट टीम नंबर 19, वेल वी आर गोइंग टू सी राइट हियर, यहाँ पे टीम नंबर 19 के खिलाड़ी यानी कि कोक देखने को मिलने वाले हैं। वेल कोक इज द वन हु कैन एक्चुअली एलिमिनेट अ लॉट ऑफ स्टफ एट दिस पॉइंट, बट स्टिल यहाँ पे देखिए टीपीपी लेते हुए दिखेंगे। बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से कॉम्पिटिशन यहाँ पे निकल के आ पाता है। बात करते हैं यहाँ पे टीम नंबर 8 की, आपको ओएस आर्या देखने को मिलेंगे, साथ ही टॉक्सिडो देखने को मिलने वाले हैं। कोक बी इन द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ टीम और शुड ऐसे अकेला बंदा हमें देखने को मिल रहा है जो इस कॉर्नर पे, इनका सर्वाइवल मुझे काफी टफ देखने को मिलेगा। और ये देखिए एक शानदार नेड, इसी के साथ कोक को डाउन किया जाएगा। एंड देव को कोक हैज बीन फिनिश्ड ऑफ एंड बहुत ही ब्यूटीफुल इनको टेकडाउन यहाँ पे किया गया। लिटरली कोक के पास बिल्कुल भी मौका नहीं था कि वो बाउंस बैक यहाँ पे कर पाए। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू फाइट। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही क्लीन और बहुत ही प्यारी एक फाइट यहाँ पे देखने को मिली, जहाँ पे आपने देखा टीम नंबर 19 के खिलाड़ी का लॉस हो चुका है। और चलिए भाई अगर टीम नंबर 10 की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वीपी के स्वाइन, वी हैव गॉट स्वाधीन, वी हैव गॉट अपेक्स प्रेडेटर एंड डेविल एसके टीम भी देखने को मिलेंगे। और चलिए गाइस यहाँ पे आप बात करते हैं फटाफट से कि कौन कौन सी टीम खेल रही है। आपको बता दूँ टीम सेंटिनल्स के अलावा टीम एक्स एलीट फोर्स, टीम नेमेसिस, टीम 4SM, टीम एक्स फोर्स, टीम 4 ओरायन सेंटिनल्स, टीम ओरायन सेंटिनल्स, टीम 4 डॉक्टर्स, टीम विस्मार एचएस, टीम वाइकिंग्स, टीम गोल्ड डिगर्स, टीम ऑप्टिमस, टीम TBBMG, टीम 5AM, टीम प्रीमियम रेकर्स। एंड उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टीम मिस देखने को मिलेगी, टीम किंग्समैन के अलावा टीम मेटा आरएक्स एंड उसी के साथ टीम फ्यूरियस। ये कुछ ऐसी चंद टीमें हैं जो खेलती हुई दिख रहे हैं लॉबी के अंदर। एंड गाइस अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो क्यों नहीं किया है, एक छोटा सा रीजन बता दीजिए एंड उसी के बाद कर भी दीजिए। अगर यहाँ पे आपको अच्छी लग रही है स्ट्रीम, अच्छी लग रही है कास्टिंग एंड ऑल, बट एट दिस मोमेंट वुड लाइक टू से दैट टीम नंबर 18 इज द वन विच इज ट्राइंग टू रोटेट। एंड इस समय फिलहाल रोटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। लूट आपकी हो जाएगी, उसके बाद रोटेशन किस तरीके से निकलती है, फिर क्लैशेस किस तरीके से निकलते हैं, उन पर फोकस करना इन टीम्स के लिए कहने के काफी ज्यादा अप्रिशिएबल देखने को मिलेगा। एंड वुड लाइक टू से दैट ये जो टीम्स है अपना कन्फ्रंटेशन लेके निकलेंगी जरूर से, कुछ अच्छे पॉइंट्स उठाने की कोशिश जरूर से करेंगी। हालांकि लॉबी से मुझे अभी तक एक भी स्क्वाड का खात्मा होते हुए नहीं दिखा है, लेकिन दो खिलाड़ी जो है लॉबी से वो ऑलरेडी आउट ऑफ इक्वेशन जा चुके हैं, तो फिलहाल इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अब दिक्कत बढ़ चुकी है। बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से गेम इनका निकलता है, कितने और पॉइंट्स को आप आगे टीम अपलिफ्ट कर पाएंगी, कितने और एग्रेशंस को टीम यहाँ पे डाल पाएंगी, हर चीज़ पे बात जरूर से करता हूँ दिखूंगा मैं आपको फिलहाल। बट अभी के लिए रोटेशंस आर वेरी वेरी वैल्युएबल एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, रोटेशंस निकाल रहे हैं फिलहाल फटाफट से। वंस द रोटेशन इज पॉसिबल इनफ दे माइट बी एबल टू टैकल, दे माइट बी एबल टू कन्फ्रंट, दे माइट बी एबल टू रिटेलिएट एंड दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट पार्ट ऑफ इट अराउंड इन दैट। मूविंग ऑनवर्ड्स देखते हैं गाइस किस तरीके से फिनिश निकल के आते हैं, कितने और पॉइंट्स को आप टीम एग्रेस करके लेके जा पाएगी। एंड फिलहाल अगर हम बात करें एग्रेशंस की आपको वो भी देखने को मिलेंगे, बट टीम सेंटिनल इज ऑन द बैक एंड। हालांकि देखिए टीम नंबर 14 यानी कि 4 डॉक्टर्स की स्क्वाड के मेंबर्स भी आए गए यहाँ पे, बहुत ही जल्दी आपको पुश करते हुए दिखेंगे। चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से इनके फिनिश निकलते हैं, कितने और पॉइंट्स को आप निकाल के लेके जा पाएगी टीम, एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। यस ऑफ कोर्स आई कैन सी दैट अ लॉट ऑफ क्योस इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। वेल 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 एज यू ऑल कैन सी द नीड्स एंड द डिस्ट्रक्शन इज ऑलरेडी देयर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कनेक्शन बना पाना है नीड्स का काफी ज्यादा वाइटल आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर सर्वाइव कर पाए तो बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे वाइटल रूप में देखने को मिलेगी, बट ये टीम कहीं ना कहीं फॉल बैक करना चाह रही है समय, बिकॉज इनका सर्वाइवल यहाँ पे डिफिकल्ट वेज में देखने को मिलेगा एंड दैट इज वाई दे आर फॉलिंग बैक। एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा इनको क्राइटेरिया मिल सकता है, एक अच्छा खासा कवर मिल सकता है जिसके थ्रू ये आगे खेलने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये आगे पुल थ्रू करने की कोशिश कर सकते हैं नो डाउट इन दैट। द सेकंड जोन विल अबाउट टू श्रिंक इन इज एक्चुअली गोइंग टू बी हियर राइट नाउ, जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी जोन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं श्रिंक होते हुए दिखेगी फटाफट से। एंड किस तरीके से गेम यहाँ पे निकलेगा उस पर भी हम लोग यहाँ पे बात जरूर से करते हुए देखेंगे। बट येस ऑफकोर्स जो लैम्बोर्गिनी शोरूम है वहाँ पे आपको टीम नंबर 12 के खिलाड़ी देखने को मिलने वाले हैं, जिनका नाम है रेड डेविल, काफी कॉर्नर्ड है, उनका भी बचपाना मुझे यहाँ पे काफी क्रिटिकल देखने को मिलेगा। बट येस एट दिस पॉइंट सर्वाइव जरूर से करना है, अच्छी बात है यहाँ पे गाइस। बट उनके टीममेट आ चुके हैं यहाँ पे फिलहाल, तो उनको कवर जरूर मिलेगा एंड बहुत ही बखूबी ये कवर उनके लिए हेल्पफुल देखने को मिल सकता है। बट रेड डेविल इज वे टू ओपन, ही इज गोइंग टू गो डाउन दैट्स फॉर श्योर गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ओपन में रखते हुए इनको यहाँ पे स्पेस दिए जा रहे हैं, इनको टेकआउट करने की कोशिश आएगी एंड स्पेस मैसिव थे, डैमेज मैसिव था, बट फिर भी यहाँ पे कहने के रेड डेविल बचते हुए दिखेंगे मुझे बहुत ही बखूबी, दैट्स गुड इनफ। बट रेड डेविल वाज टेकन ऑन फाइनली, फैंटम ओपी की तरफ से काफी शानदार शॉट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड दैट वाज अ गुड वन नो डाउट इन दैट, रेड डेविल हैज बीन टेकन डाउन, सर्वाइवल इज वे टू क्रिटिकल एंड यस ऑफ कोर्स रेड डेविल वाज फिनिश्ड ऑफ। बट वहीं टीम सेंट्रल की बात करी जाए उनकी तरफ से भी आपको और ज्यादा फाइट देखने को मिलने वाले हैं। ऑप्टिमस राइडर वेलकम ऑन द चैट, हाउ आर यू? वेल 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 मूविंग ऑनवर्ड्स एज यू ऑल कैन सी सेंट्रल्स की अगर हम बात करें, किंग ओपी आपको अभी भी बैकवर्ड बैक एंगल्स पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि फिगर आउट कर रहे हैं कि हम कौन सी लोकेशन से यहाँ पे पॉइंट्स को निकाल पाएं। बट इस समय अगर हम बात करें किंग ओपी की, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं एंड फिलहाल फिनिशेस के निकाल पाना है टीम्स के लगे एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे निकल के आ पाता है। और चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से एग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा इनका और कितने पॉइंट्स यहाँ पे टीम अपलिफ्ट कर पाएगी। मीन वाइल मूविंग ऑनवर्ड्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी टफ टास्क फॉर दिस पर्टिकुलर टीम। एपेक्स प्रेडेटर की बात करें जाए
वहाँ पे फिलहाल देखते हैं गाइस किस तरीके से इनका गेम यहाँ पे निकलता है। वेल 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 मूविंग ऑनवर्ड्स वुड लाइक टू से दैट अ लॉट मोर ऑफ क्रियाओस इज एक्चुअली गोइंग टू राइज। आई कैन ऑलरेडी सी टीम्स यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्लो डाउन करते हुए दिख रही है, गेम को आगे का एग्रेशन जो है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश जरूर से करते हुए दिखेंगे। बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से फिनिशर्स इनके निकल के आ पाते हैं। हालांकि देखिए टॉप कॉर्नर में आपको एक और टीम एंगेज करते हुए दिखेगी, एक बार टीम ऑप्टिमस को दिखाओ। बड़ी आप लोग अपने शॉट नंबर बता दो तो दैट वुड बी लवली, बट मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ। टीम ऑप्टिमस आई गेस टीम नंबर 13 है, उनको भी दिखा देते हैं फटाफट से एक बार। टीम नंबर 13 यानी कि ऑप्टिमस के स्क्वाड को दिखाएंगे। बट आई गेस आपकी टीम को मैंने दिखाया जस्ट अभी, उन्होंने फाइट यहाँ पे ली जस्ट अभी, उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाले। ऑप्टिमस राइडर आई बिलीव आपकी फेवरेट टीम को ही मैं दिखा रहा हूँ जब आपने चैट करी है, बिकॉज देखिए स्ट्रीम पे डिले है तो दैट इज वाई मैं आपकी चैट कर जब तक रिस्पॉन्स करूँगा आप ऑलरेडी अपनी फेवरेट टीम को देख चुके होंगे। बट येस ऑफकोर्स मूविंग ऑनवर्ड्स इफ टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, यासनाई का जो मदर बिल्डिंग है यहाँ पर टीम काफी बखूबी होल्ड करती हुई दिखेगी। बट लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट फॉर दिस पर्टिकुलर टीम। मूविंग ऑनवर्ड्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर दिस पर्टिकुलर टीम टू सर्वाइव। वेल ऑफ कोर्स एज यू ऑल कैन सी अ लॉट ऑफ कंटेस्टमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू राइज। आप लोग भी कमेंट डाउन करके बताइए गाइज आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप किस तरीके से मैच निकल सकता है। हालांकि देखिए हर एक एंगल पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ कैजुअलिटीज जरूर से देखने को मिलेंगी, बट अभी मेरी फेवरेट जोन आने वाली एक तरीके से जिसमें आपको बहुत ज्यादा हार्डशिप देखने को मिलते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी थर्ड जोन है। जैसे ही थर्ड जोन स्लैम होती है गाइज वैसे आपको और भी ज्यादा अग्रेसिव बैटल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टीम्स का सर्वाइवल कहने के क्वेश्चनेबल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बट ये सबको सम अमेजिंग स्पेस आ दिया, द टीम्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट एंड दे आर जस्ट ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट सीकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन। बट देखते हैं किस तरीके से इनके फिनिशर्स यहाँ पे निकल के आ पाते हैं। हालांकि देखिए साफ तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इन टीम्स का सर्वाइवल, बट फिर भी यहाँ पे कहने के कोशिश जरूर से टीम करेंगे किसी तरीके से फिनिश यहाँ पे निकाल के लेके जा पाएं और कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए देखेंगे। बट स्टिल मूविंग ऑनवर्ड्स वुड लाइक टू से दैट teams might be able to compete, the teams might be able to actually finish off the kind of confirmation this is going to be then. And moving onwards guys देखते हैं किस तरीके से इनका finish निकलता है। अभी देखिए यहाँ पे space जरूर दिए जा रहे हैं, टेक ओवर करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए देखेंगे। बट लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गेट पैंड आउट। फिनिशर्स निकाल पाना है टीम्स के लगे इन क्रिटिकल देखने को मिलेगा। वेल 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 मूविंग ऑनवर्ड्स गाइज व्हाट मोर कैन यू एक्चुअली एक्सपेक्ट, सेंटिनल्स की स्क्वाड आपको बैक एंड पे देखने को मिलेगी। बात करते हैं फटाफट से हम इस पर्टिकुलर टीम यानी कि अगर विस्की की बात करी जाए देखते हैं उनका परफॉर्मेंस किस तरह का देखने को मिलेगा। विस्की और उनकी जो टीम है यानी कि डोमिनिक की जो स्क्वाड है पूरी की पूरी वो जोन के अंदर पूरा पुश शो करते हुए दिखेगी, बिकॉज वी ऑल नो मूविंग अंडर द जोन इज वेरी क्रिटिकल और जोन के अंदर एक बार पहुंच जाओ तो फिलहाल आपको काफी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर टीम इज ट्राइंग टू डू। आप जैसे कि देख रहे हैं रेगुलरली वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जोन के अंदर कंप्लीटली यहाँ पे अपने आपको बैशन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वी ऑल नो जोन इज समथिंग विच कैन बी रियली वेरी हार्श ऑन यू एंड दैट इज वाई दिस टीम कैन एक्चुअली बी टार्गेट आउट टू रियली वेरी हार्श लेवल। मूविंग ऑनवर्ड्स विस्की इज द वन हु कैन एक्चुअली गो फॉर दोस फिनिशेस। बट मूविंग ऑनवर्ड्स यहाँ पे बात करते हैं अगर 40 मोर सेकंड्स की आपको वो भी देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर लीजिए यहाँ पे टीम नंबर 6 की तो उनके भी खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें बंदिया की, यहाँ पे बात करें जनार्दन की या फिर बात करें बादशाह की, हर एक खिलाड़ी आपको यहाँ पे टीपीपी लेते हुए दिखेंगे इस समय। बिकॉज बहुत ही छोटा गेम प्ले यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ही छोटी जोन देखने को मिलने वाली है एंड गेम प्ले निकालने के चक्कर में कहीं ना कहीं टीम्स यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्रेस यहाँ पे करते हुए दिखेंगे जरूर से। वेल अगेन दिस प्लेस आर देयर राइट नाउ बट मूविंग ऑनवर्ड्स लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। सौरभ एंड उसके अलावा पैराडॉक्स देखने को मिलेंगे, डेड शॉट भी प्रेजेंट यहाँ पे है।
एज यू ऑल कैन सी यहाँ पर टीम नेमेसिस की बात करी जाए, कॉर्नर यहाँ पर जरूर से देखने को मिलेगी, बट काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर एक टीम अपनी एक जगह बना ली है जोन के अंदर और अपनी उस जगह को लेके ही कहीं ना कहीं आगे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, विच इज गुड इनफ। बट मूविंग ऑनवर्ड्स जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा शायद इन टीम्स को अपनी एक अलग ही प्लेसमेंट होनी पड़ेगी जहाँ से अगेन सर्वाइवल काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल देखने को मिल सकता है। बट वेल वंस अगेन वुड लाइक टू से दैट टीम नेमेसिस माइट बी गोइंग डाउन रियली वेरी सून। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिलहाल मैक्रो सौरभ वहाँ देखने को मिलेंगे, पैडॉक्स भी प्रेजेंट है, डेड शॉट देखने को मिल रहे हैं, बट उसके अलावा टीम नंबर 9 की बात करी जाए, वी हैव गॉट टीम डॉक्टर राइट अप कमिंग होम, टीम नंबर 15 की बात करी जाए, अमलान यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, शॉट्स देने की कोशिश जरूर से देखने को मिलेगी। एंड देन अगेन अमलान इज द गाय हु इज ट्राइंग टू रोटेट, जैसे कि आप देख सकते हो अकेले मेंबर है अपनी टीम के और समय जिस तरीके से रोटेट कर रहे हैं इनके ऊपर शॉट जरूर से लिए जाएंगे। इस क्लोज टॉप यूएस को लेकर यहाँ पे जरूर से सलाम देते हुए दिखेंगे, बट वी ऑल नो दैट द डैमेज इज एक्चुअली गोइंग टू बी मैसिव, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी फट सकती है किसी भी दौरान, किसी भी स्प्रे के दौरान यहाँ पे जो गाड़ी है वो डैमेज आउट होकर फट सकती है। बट फिलहाल इन्होंने डिसाइड किया दैट ही इज गोइंग टू होल्ड दिस एरिया, बट नो, राम इज द वन हु इज गोइंग टू टैग हिम आउट, एंड जस्ट लाइक दैट राम फिनिश ऑफ करेंगे। टीम सेंटिनल इज बैक अगेन इन द एक्शन एंड दे आर प्रूविंग देयर वर्थ, दे आर प्रूविंग दैट यस वी आर द वन हु कैन इजीली टैग यू आउट। सो ऑफकोर्स काफी अच्छा खासा फाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नो डाउट द टीम्स आर कंटेस्टिंग एंड दे आर डूइंग द लेवल बेस्ट, रिजल्ट्स यहाँ पे आपके सामने गाइस, किस तरीके से पॉइंट्स को उठा रहे हैं, किस तरीके से एग्रेशन डेवलप कर रहे हैं, मजा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूर से यहाँ पे आ रहा है। बट फिलहाल आप लोग शेयर नहीं कर रहे उस टीम को, ये चीज देख के मुझे थोड़ी सी निराशा जरूर से यहाँ पे होते हुए दिख रही है, बिकॉज यू गाइज आर द वन हु हैव टच्ड 50-100 वॉचिंग यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपने टच जरूर से कराई है, बट अभी तक इस समय करंटली मुझे ये चीज़ देखने को नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट मुझे कम देखने को मिल रहा है। व्हाट इज हैपनिंग एमकेसीजी, व्हाट इज हैपनिंग टीम ओडिशा, क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे, क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, पता ही कमेंट डाउन करके बड़ा पास है। टीम नंबर 14 की बात करी जाए, वेल वी हैव गॉट अनदर कंटेस्टेंट, आई बिलीव सो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट मोर ऑफ अ क्योस कमिंग अप फ्रॉम द टीम्स, पर टीम 14 के खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं कॉर्नर देखने को मिलेंगे। बट वहीं अगर बात करते हैं किसी और टीम की यानी कि एक्शंस की, तो फिलहाल आप यहाँ पे देखिए टीम नंबर 7 के शेडेक्स काफी अच्छा खासा एक नॉक और फिनिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे, तो टीम एक्स एलीट फोर्स की जो स्क्वाड है वो अब ट्रबल में देखने को मिलने वाली है आपको। फिलहाल सामने है एमजे, एक्स एलीट फोर्स की अगर बात करें जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मिस्टर डीजे, उसके अलावा रैगनार देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही संजीत प्रेजेंट है। अब देखिए क्वालिफायर राउंड में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था उस कंपैरिजन में अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, मुझे परफॉर्मेंस काफी कम देखने को मिलने वाला है। वेल ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से दैट अनदर कंटेस्टेंट इज अबाउट टू गेट राइज आउट, और यहाँ पे बात करते हैं फिलहाल टीम नंबर 7 की, आपको एक्सेप्ट मिहिर देखने को मिलेंगे, शॉर्ट जरूर से लिए जा रहे हैं, इजराइल देखने को मिलेंगे, शेडेक्स के अलावा एक्सपोर्ट सीज भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। फैंटम ओपी की बात करें जाए उनकी तरफ से अगेन यहाँ पे मार्कोस को डाउन किया जाएगा, विच इज गुड इनफ। यहाँ पे अगर बात करें ड्रे पॉइजन देखने को मिलने वाले हैं, वी हैव गॉट केन एंड राजा आल्सो ऑन द सीन, ऑन दी दुकान वुड लाइक टू से दैट अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट इज एक्चुअली गोइंग टू राइज एंड आई कैन ऑलरेडी सी टीम्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कम्पीट, हर एक कॉर्नर को कहीं ना कहीं कवर अप किया जा रहा है, हर एक क्लैश को यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर अप किया जा रहा है। बट फिलहाल जो टीम्स पॉइंट यहाँ पे अपलिफ्ट कर पानी है वही देखना चाहूंगा फिलहाल। एंड अगर बात करते हैं टीम नंबर 18 की, तो आपको टीम डीएस के डॉक्टर ड्रेको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा जेरी देखने को मिलने वाले हैं, लॉर्ड सिपम देखने को मिलेंगे। फैंटम ओपी की बात करी जाए, ही इज ऑल्सो द वन हु इज ट्राइंग टू कम्पीट एंड ही इज ट्राइंग टू एक्चुअली बी इन द जोन, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, जोन के अंदर पहुंचने की पुरजोर कोशिश यहाँ पे खिलाड़ी करते हुए देखेंगे, बट क्या ही एक्चुअली पहुंच पाएंगे, एक बड़ा कॉज यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये देखिए जोन का सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने टच जरूर से कर लिया, बट देखिए एजेस पे कितनी सारी फाइट्स देखने को मिल रही है। ओ द फिफ्थ जोन, वेल एक अलग ही शिफ्ट देखने को मिल रहा है पांचवी जोन के अंदर। ऑप्टिमस राइडर थैंक्स फॉर दैट लवली सपोर्ट मैन, लव यू। बट एनीवे इफ आई टॉक अबाउट टीम नंबर 6, वेल वी हैव गॉट अनदर कंटेस्टेंट कमिंग अप, वी हैव गॉट गोल्ड फ्लेक कमिंग फॉर द फाइट, उड़िया के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बादशाह, गॉडल जोनादन प्रेजेंट है, पांड्या पे देखने को मिलने वाले हैं आरएस पांड्या, बट फिलहाल ये जोन से काफी दूर है टीम, तो अगेन इनका सर्वाइवल काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल देखने को मिलेगा। वहीं फॉर डॉक्टर की बात करी जाए, इस टीम के पास भी यहाँ पे सर्वाइवल पॉइंट्स भी नहीं है, ना ही फिनिश पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सो अगेन काफी टफ इनके लिए चला जाएगा आगे का मैच। और चलते हैं टीम नंबर 20 की तरफ भी एक नजर मारी जाए, फ्यूरी हीलियोस देखने को मिलेंगे विद वन अमेजिंग नॉकआउट, नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स अनदर स्प्रे कम्स इन, ओह दैट वाज अ गुड वन, हीलियोस पुट्स टू राउंड फ्रॉम द लॉबी एंड जस्ट लाइक दैट टीम नंबर 8 को खतरे में डालते हुए देखेंगे। टीम नंबर 8 यहाँ पे काफी ज्यादा फंस रहे हैं और समय उनका सवाल मुझे भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ताकि देखने को मिलने वाला है। वेल अगेन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हीलियोस की, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसके अलावा ओएस निंजा वाइटी देखने को मिलने वाले, होक्रक्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे फिलहाल। और चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से गेम निकलता है, हीलियोस की बात करें चाहे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। वेल इफ टॉक अबाउट द नेक्स्ट टीम, यहाँ पे आपको टीम नंबर 4 के खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे, एक्सपीएफ के डीजे यहाँ पे आ चुके हैं, उसके अलावा टीम एक्स एलीट फोर्स की बात करें जाए, अभी जोन का एक छोटा सा कॉर्नर इनके पास जरूर से है, बट फिर भी जो फिनिशेस रिक्वायर्ड है लॉबी के अंदर वो आपको देखने को नहीं मिल पा रहे हैं,
बट लेट्स सी, प्रोफेसर रूथलेस की बात करें जाए, उनको भी टेकआउट यहाँ पे करने की पुरजोर कोशिश करते हुए दिखेंगे। वी हैव गॉट टीम नंबर 14 इज डॉक्टर स्ट्रेंज आल्सो इन द सीन। बट अवे अगर बात करें एपेक्स प्रेडेटर की, तो आपको वो भी देखने को मिलेंगे फॉर द कंपटीशन, नो डाउट इन दैट। यहाँ पे कंपीट करने की कोशिश रहेगी, जोन आ चुकी है, सर्वाइवल अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके लिए ईजी देखने को नहीं मिल पाएगा, बट फिर भी यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिखेंगे, फिर भी थ्राइव यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। बट चलिए टीम नंबर 18 की बात करी जाए, दे आर अगेन ट्राइंग टू कम्पीट। एक्स एलीट फोर्स यहाँ पे मुझे काफी खतरे में देखने को मिलेगी, एंड यू कैन ऑलरेडी सी दैट एडजस्टमेंट इज वे टू हाई। एक्स एलीट फोर्स के खिलाड़ी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से टैग्स को रिजल्ट लाते हुए दिखेंगे। एनजी जेरी की बात करी जाए, वही अपने खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं फॉर रियल देखने को मिलेगा। तो शॉट्स आते हुए देखेंगे, जेरी बीसी के साथ फिनिश होते हुए देखेंगे, एंड जस्ट लाइक दैट द गेम इज डन फॉर देम। यार बुरा लगा इनके लिए कहीं ना कहीं, सर्वाइवल बहुत टफ था बेचारों के लिए, वहां पे वही चीज देखने को मिली। वेल मूविंग ऑनवर्ड्स, लेट्स सी हाउ अफेक्शनेट ऑफ अ फाइट इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। टीम एक्स एलीट फोर्स की बात करें जाए, मात्र 3 खिलाड़ी इनके देखने को मिलेंगे, 2 खेल यहाँ पे टीम निकाल चुकी है। कुछ अच्छे स्मोक्स, कुछ अच्छे प्रेशराइजिंग मूवमेंट को डालते हुए दिखेंगे जरूर से, बट फिर भी अभी यहाँ पे कहने के जो टैग्स हैं, जो मैसिव फिनिशेज हैं, वो आपको यहाँ पे कहने के काफी टफ देखने को मिलने वाले हैं। बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से फिनिशेज निकल के आ पाती हैं। वही अगर हम बात करें, संजीत आपको बैक एंड पे देखने को मिलेंगे, उसी के अलावा मिस्टर डीजे प्रेजेंट है। टीम सेंट्रल की बात करें जाए, वो भी कवर्स में यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। टीम नंबर 6 की बात करें जाए, वी हैव गॉट सम अदर मेंबर्स। इफ वी टॉक अबाउट टीम नंबर 7, वी आल्सो हैव गॉट देम। 6 टीमें, 22 खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं, बट कौन सी टीम चिकन यहाँ पे निकाल के आ पाती है, वही देखना चाहूंगा जरूर से। वेल मूविंग ऑनवर्ड्स, वी कैन ऑलरेडी सी टीम सेंट्रल इज द वन क्रशिंग द कॉम्पिटिशन। लगातार हर एक एंगल पर टीम सेंट्रल के जो खिलाड़ी हैं वो क्रश करते हुए देखेंगे। मात्र 8 किल के साथ ये टीम देखने को मिल रही है। चलिए 9वीं किल भी यहाँ पे आ चुकी है, बट जोन के अंदर पहुंच पाना इस टीम के लिए अगेन डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज गेट कीप किया जाएंगे और कहीं ना कहीं फिनिशर्स निकाल पाना इस टीम के लिए अगेन काफी ट्रबल्स देखने को मिलेगा। और स्प्रेज यहाँ पे लगातार दिए जा रहे हैं इनके ऊपर, ऑलरेडी देख सकते हो टीम सेंट्रल के खिलाड़ी काफी सफरिंग कर रहे हैं। कुछ स्मोक्स यहाँ पे जरूर से जा रहे, कवर में रहने की कोशिश यहाँ पे रहेगी। टीम सेंट्रल की कमांडर इज ऑलरेडी देयर राइट नाउ ट्राइंग टू बी इन अ ओपन फाइट, बट टीम नंबर 13 के खिलाड़ी यानी कि टीम ऑप्टिमस के खिलाड़ी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी कॉर्नर्ड है। 4 टीमें, 12 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, 22 सबको पहले कहाँ पे मिल सकता है इनको रिवाइवल। फैंटम की बात करी जाए, वो भी यहाँ पे करते हुए देखेंगे खुद कोहिल, एंड सेंटिनल इज ऑल्सो आउट ऑफ इक्वेशन, इट्स ऑल अबाउट एक्स एलीट फोर्स। उसी के अलावा टीम यहाँ पे ऑप्टिमस देखने को मिलेगी, और साथ ही एक और टीम आपके पास कॉपी के अंदर पसंद देखने को मिलने वाली है। वेल मल्टीपल एंगल्स डिमांड मल्टीपल फाइट्स एट दिस मोमेंट, सो लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। वेल अफकोर्स इफ आई टॉक अबाउट रनर्स प्ले कमिंग अप, आई बिलीव यहाँ पे टीम नंबर 13 के खिलाड़ी भी आपको खतरे में देखने को मिलेंगे। संजीत यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अलावा मिस्टर डीजे भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। बट अगेन यहाँ पे जो स्पेस का प्रेशर है वो आपको काफी ज्यादा डेलीगेटरी देखने को मिलने वाला है। बट टीम्स यहाँ पे देखिए अभी भी कोशिश करते हुए देख रहे हैं अपनी तरफ से कि पूरा दम लगाएं, पूरा स्पेस यहाँ पे बनाएं, और जो स्पेस है वो अगेन काफी एंगेजिंग हो सकते हैं। बट पॉइजन को डाउन किया जाएगा, इन एंड रेज की बात करी जाए, वो भी आपको बैक एंड पे देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव। अगेन एक 1v1 की दरख्वास्त यहाँ पे देखने को मिलेगी। टीम अगर बात करी जाए ऑप्टिमस की, उनके खिलाड़ी बहुत ही सफर करते हुए देखेंगे। भाई सबको पहलेगा की बात करी जाएगी, उनको भी स्पॉट किया गया है। टीम नंबर 16 एलिमेंट्स में आउट, एंड इट्स ऑल अबाउट एक्स एलीट फोर्स वर्सेस टीम नंबर 16। यहाँ पे 1v2 का सिचुएशन देखने को मिलने वाला है, बट देखते हैं 1v3 का ये सिचुएशन किस तरीके से रिटायरेट यहाँ पे किया जाएगा। कुछ स्मोक्स एंड कुछ प्रेशर्स के बाद यहाँ पे कहने के टीम बहुत ही अच्छे तरीके से पुश करते हुए दिखेंगे, एंड इफ दिस पुशन कम्स इन वेरी हैंडी तो मजा आ जाएगा गाइस। कहने के ये फाइट्स काफी ज्यादा एसेंशियल देखने को मिलने वाली है। यस ऑफकोर्स नीड्स एंड बाकी की चीजों का यहाँ पे भरपूर यूज देखने को मिल रहा है, बट फिर भी एक्स एलीट फोर्स के जो खिलाड़ी हैं वो वापसी देते हुए दिखेंगे फिलहाल। चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस निकल के आ पाता है। बट देन अगेन रैगनार यहाँ पे देखने को मिलेंगे पुशिंग करते हुए। संजीत इज गोइंग टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड विद दिस विनर विनर चिकन डिनर इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल कैन सी। विनर चिकन डिनर ऑफ द फिनाले ऑफ पैराडाइज एमकेसीजी चैंपियनशिप मैच नंबर 1 इज एक्चुअली गोइंग टू बी इनटू द हैंड्स ऑफ टीम नंबर 16। काफी शानदार खेला इन्होंने, काफी शानदार पॉइंट्स यहाँ पे लेके जाते हुए दिखेंगे, एंड विद दिस द गेम इज ओवर एज यू ऑल कैन सी। दिस इज हाउ द फाइट इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। शो ऑफ द मैच आपके साथ डाइस बीजीएमआई चैंपियनशिप क्वालिफायर्स के बाद फिनाले का मैच नंबर 2, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वेल पिछला मैच टीम नंबर 16 अपने खाते में लेके गई थी, बट इस मैच में कौन सी टीम यहाँ पे निकल के लेके जा पाएगी
अपना बना बना चिकन डिनर यही यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आप आने वाला है, देखते हैं किस तरीके से कंडक्शन देखने को मिलेगा। 5 का 18 टीमें, 70 खिलाड़ी लॉबी के अंदर प्रेजेंट है, होने चाहिए वैसे 72, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 70 आई गेस किसी टीम के अंदर, किसी दो टीम्स के अंदर टीम मेट्स कम देखने को मिल रहा है। आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी टीम नंबर 11, जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी टीम से आटम और सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पाइयो 07 आई गेस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो यही दोनों खिलाड़ी प्रेजेंट है लॉबी के अंदर। रहने भी गाइस मैक्सिमम नंबर्स आर जंपिंग, मैक्सिमम मेंबर्स आर जंपिंग इन द लॉबी, जैसे जैसे जंप से यहाँ पे कहीं के इनिशिएट हो रही है मजेदार फाइट्स भी आपको देखने को मिलेंगी। जोन आ चुकी है कंप्लीटली नॉर्थ ईस्टर्न जोन देखने को मिलेगी, पिछले मैच यानी कि रैंगल जैसी ही जोन यहाँ पे एक तरीके से बन के आ रही है। रैंगल में भी कुछ ऐसी ही नॉर्थ ईस्टर्न जोन देखने को मिली थी और यहाँ पे भी कुछ वैसी ही नॉर्थ ईस्टर्न जोन आपको देखने को मिल पा रही है। वुड लाइक टू से दैट लॉर्ड ऑफ कंटेस्टमेंट इज अबाउट टू राइज और यहाँ पे कहने के मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। देखते हैं किस तरीके से फाइट्स यहाँ पे निकलती हैं इन टीमों की, देखते हैं क्लैश किस तरीके से निकलता है और यहाँ पे क्या ये टीम्स अपनी गेम को पुल थ्रू कर पाएंगी या फिर नहीं कर पाएंगी, बड़ा क्वेश्चन निकलता है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा। वी ऑल नो दैट दीस फाइट्स विल बी ऑसम इनफ, दीस फाइट्स विल बी एक्चुअली टैगी इनफ, बट यस ऑफ कोर्स टैग्स एंड टेक डाउन यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं जो मसला रीजन में, आपको यहाँ पे टीम नेमेसिस की स्क्वाड देखने को मिलेगी जो कि काफी क्लोज है इस समय टीम फोर डॉक्सेस की स्क्वाड के पास। यहाँ पे पंत ओपी डीसीआर देखने को मिलेंगे, मैडॉक प्रेजेंट है, अंशु देखने को मिलने वाले हैं, चुपी प्रसाद आशु देखने को मिलेंगे, डॉक्टर रेगन भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। एंड वी ऑल नो दिस इज द फिनाले, छोटी सी भी गलती इस पूरे मैच को यहाँ पे डुबा सकती है, दैट इज वाई एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टीम को, हर एक चीज सोच समझ के यहाँ पे करनी पड़ेगी बिकॉज छोटा सा डिसीजन इनकी यहाँ पे स्क्वाड को खराब कर सकता है। Well, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस पहली जोन हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्रेस होती हुई दिखेगी, बट चलिए वहीं पेकाड़ो के रीजन पे अगर हम बात करते हैं आपको पेकाड़ो में भी कुछ फाइट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। वेव गॉट ओएस डॉक्टर ड्रेको इन द सीन, जेरी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लॉर्डशिपम यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, बट वहीं अगर टीम्स यहाँ पे कहने की कम्पीट करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए दिखेंगे, नो डाउट इन दैट अ लॉट ऑफ केओस इज एक्चुअली गोइंग टू राउज। वी हैव गॉट एनिक मॉइल इन द सीन, रेड डेविल देखने को मिलेंगे, हंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, कैलिप्सो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो इंतजार रहेगा वैसे एक अच्छी शानदार फाइट का जो कि शायद अभी देखने को ना मिल पाए बिकॉज टीम्स काफी कंफर्टेड है, टीम्स काफी बैक एंड पे यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, विच कैन इजीली इनिशिएट अ लॉट ऑफ केओस कमिंग अप रियली वेरी सून। सो लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गेट इनिशिएटेड और किस तरीके से पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ पाते हैं ये भी जानना चाहूंगा जरूर से। हालांकि जो डिसकंफर्टिंग फाइट्स है वो भी काफी ज्यादा मजेदार यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से फिनिशेस इनके यहाँ पे निकल के आ पाते हैं और कितने पॉइंट्स का टीम अपलिफ्ट कर पैक करके आ पाएगी। नो डाउट इन दैट द क्लैशेस एंड द मैसिव डैमेजेस आर गोइंग टू बी अमेजिंग इनफ, बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से फिनिश यहाँ पे निकल पाता है। और वहीं अगर बात करी जाए कैलिप्सो के अलावा यहाँ पे एक्सट्रीम की बात करें, यहाँ पे देखिए टीम एक्स एलीट फोर्स के यहाँ पे जो संजीत हैं काफ़ी शानदार तरीके से एक ओपनिंग निकाल के आते हुए दिखेंगे, पिछले मैच में यही टीम थी जो सेकंड पोजीशन यहाँ पे लेके निकली थी, बट इस मैच में अगेन एक शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है, एक शानदार गन गेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि आगे और गेम इनिशिएट करता हुआ दिखेगा, जो कि आगे यहाँ पे कुछ और फाइट्स को इनिशिएट करता हुआ दिखेगा, विच कैन इजीली हेल्प मी अलॉट एज अ ऑडियंस एज अ एंगेजिंग कास्टर टू प्रिसाइज, क्योंकि मज़ा वहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आता है जैसे जैसे फाइट्स आगे बढ़ती हैं आपको कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही कंटेस्टमेंट देखने को मिल पाते हैं। उसी के लिए चाहिए कहीं ना कहीं मैं भी यहाँ पे इंतजार करता हूँ, दिख रहा हूँ कि कैसे ये फाइट्स दिखेंगी, कितनी कितनी जगह पर यहाँ पे टीम्स पॉइंट्स अपने एंगेज करते हुए दिखेंगी। तो चलिए गाइस देखते हैं गाइस किस तरीके से इनके फिनिश यहाँ पे निकल के आ पाती है, कितने पॉइंट्स यहाँ पे टीम डील कर पाएंगी।
वेल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं आगे मूविंग ऑन करते हुए मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ और अमेजिंग फाइट्स यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकती है। इंतजार रह गया कुछ अच्छे क्लैशेस का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों ही टीम्स यहाँ पे काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जरूर से हैं, बट फिर भी कोई भी टीम खास फाइट में यहाँ पे घुसते हुए नहीं दिखेगी। बट चलिए बात करें जो टीम नंबर 8 यानी कि OS की स्क्वाड की, देखते हैं इनका किस तरीके से फाइट यहाँ पे निकल के आ पाता है, कितने पॉइंट्स को आप टीम डील कर पाएंगे, इन किस तरीके से इन फाइट्स को मैनिपुलेट कर पाएंगे, हर एक चीज में बात जरूर से करता हुआ देखूंगा। बट फिलहाल टीम नंबर 7 के कुछ और खिलाड़ी काफी क्लोज में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप शेडेक की बात कर लीजिए या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी की बात कर लीजिए, तो ये दोनों के दोनों खिलाड़ी आपको काफी क्लोज देखने को मिल रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि शेडेक्स को क्या अटैक दिया जाएगा या फिर वह सारे यहाँ पे फॉल बैक करने में सक्सेसफुल यहाँ पे रहेंगे, एंड आई बिलीव सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। फिलहाल पूरा पूरा फॉल बैक कर चुका है ये खिलाड़ी, एंड मूविंग ऑनवर्ड्स इनके लिए एक अच्छा खासा बेनिफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आता है दैट यस ही इज गोइंग टू सर्वाइव, बट इज गुड इनफ। मूविंग ऑनवर्ड्स अगर हम बात करते हैं टीम नंबर 8 की, देखिए उनके ऊपर भी शॉट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, उनको भी टेकआउट करने की पुरजोर कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। बच पाना इन टीम्स के लिए कहने के काफी ज्यादा चैलेंजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट स्टिल समहाउ दे आर जस्ट ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कम्पीट एंड इवेंचुअली गेटिंग दोस फिनिशेस इज गोइंग टू बी द गोल टू बी प्रिसाइज। सो जी हाँ, यहाँ पे कहने का गोल इनका यही देखने को मिलेगा कि फिनिशर्स निकालनी है, किसी तरीके से पॉइंट्स को अपलिफ्ट करना है, बट क्या ये पॉइंट्स को एक्चुअली निकाल के लेके आ पाएंगे एंड किस तरीके से निकाल के लेके जा पाएंगे, यही सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है। बट येस ऑफकोर्स एट दिस पॉइंट टीम नंबर 7 हैज नॉट गॉट एनी सिंगल फ्रैग इन टू देयर फेवर। बट नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स टीम नंबर 13 की बात करें जाए, टीम ऑप्टिमस के स्क्वाड मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए गाइस, देखते हैं टीम ऑप्टिमस की स्क्वाड यहाँ पे क्या कर पाती है, बिकॉज सामने आपको टीम नंबर 17 के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे एंड एक एक कॉर्नर को यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से रह रही है। फैंटम की बात करें जाए, फैंटम अपनी टीम के एक असॉल्टर है क्योंकि ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, ही नोज हाउ टू एक्चुअली मैनिपुलेट द फाइट, ही वांट्स टू एक्चुअली गेट दैट डिस्ट्रक्शन ओपनड अप, बट फैंटम थोड़ा सा फॉल बैक भी करना चाहेंगे बिकॉज दो तीन प्लेयर्स यहाँ पे स्टेप आता हुआ देखेगा, फुट आता हुआ दिख रहा है, अगेन इनके लिए काफी रिस्की हो सकता है। बट वहीं अगर हम बात करें मार्कोस की यानी कि टीम एक्स एलीट फोर्स की, तो वो अगेन एक फाइट के अंदर एंगेज करते हुए दिख रही है आई बिलीव सो। बट उससे पहले चलते हैं फटाफट टीम नंबर 11 की तरफ, 12 की तरफ। यहाँ पे हंटर देख सकते हो आप बैठे हुए दिखेंगे आपको, बट यहाँ पे कैलिप्सो का जो लॉस है टीम के लगे काफी खतरनाक देखने को मिलेगा। वहीं टीम नेमेसिस के भी मेंबर्स यहाँ पे काफी अच्छा फैसला फाइट यहाँ पे दिखाते हुए दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं अगेन निकोश पे आता हुआ दिखेगा, हंटर वाज आल्सो टेकन डाउन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रेड डेविल, ही इज गोइंग टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, अकेले उम्मीदवार अपनी टीम के यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, अकेले बचे यहाँ पे। स्प्रे जरूर से दिया, जेरी को पूरा फिनिश ऑफ यहाँ पे करेंगे एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द केस, जेरी को पूरा पूरा टोटली फिनिश ऑफ यहाँ पे किया जाएगा। बट नाउ रेड डेविल हैज टू एक्चुअली कंप्लीट एंड ही हैज टू डू समथिंग रियली वेरी अमेजिंग, बिकॉज नाउ द कॉम्पिटिशन इज अबाउट टू राइज, नाउ द स्टेक्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी वे टू हाई। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, स्पेस देना इन टीम्स के लिए कहने के काफी ज्यादा जरूरी देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा यहाँ पे कहने के ताकि देखने को मिलने वाले। बट चलिए गाइस, देखते हैं किस तरीके से एक्चुअली फिनिशर्स को अपने डील कर पाते हैं। वन वे इनके लिए आए जरूर से ड्रॉप शॉट देने की कोशिश, बट नो नॉट ऑफ फायदा, एंड डबल वाज आल्सो फिनिश्ड ऑफ एंड जस्ट लाइक दैट द मैच वेंट ऑन। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे फिनिशर्स आपके सामने है गाइस, कितने गर्ल्स टीम के पास आ चुके हैं, 4 फिनिशर्स, बट जेरी का लॉस इस टीम के लिए अगेन काफी ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेगा, बिकॉज एक एक खिलाड़ी काउंट करता है जब आप वहाँ पे बात करते हो फिलहाल एग्रेशन की बात करते हो फिनिशर्स की। वहीं पर अगर हम बात करें एक और फिनिश की, आप देख सकते हैं टीम नंबर 17 हैज आल्सो गॉट 4 अमेजिंग फिनिशर्स व्हिच इज गुड इनफ फॉर देम। मूविंग ऑनवर्ड्स रॉबी के अंदर आपको कई सारे क्लैशेस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, बट चलिए देखते हैं कौन सा सबसे ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलेगा। रोजबी के लिए 16 टीमें और 58 खिलाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं रॉबी के अंदर, जो कि अगेन जोन में जाने की कोशिश। वेल अगेन फ्रॉम दे दो कॉर्नर गॉड रैग्नार आपको यहाँ पे बैक एंड पे ही देखने को मिलेंगे, इंतजार करते हुए देख रहे हैं अपनी फाइट्स के लिए, एग्रेशंस का भी उनको यहाँ पे वेट रहेगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं फॉल बैक कर पाना इनके लिए काफी ज्यादा जरूरी देखने को मिलने वाला है, विच इज गुड इनफ। और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से फॉल बैक आगे कर पाते हैं, कितना फिनिशर्स को यहाँ पे टीम डील कर पाएगी उस चीज पर बात यहाँ पे जरूर से करूंगा। बट ये सब को सभी के लिए मुझे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वेल बैलेंस्ड यहाँ पे देखने को मिल रही है टीम। बट मूविंग ऑनवर्ड्स आई कैन ऑलरेडी से दैट यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी ज्यादा नए क्लैशेस और भी ज्यादा नए रिटेलिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द, बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रैग्स भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मतलब ये 16 टीमें किस तरीके से एंगेज करेंगे एक बड़ा क्वेश्चन निकलता है। फिलहाल यहाँ पे बात करें जाए एल्टी बास की, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एकमात्र सर्वाइवर अपनी पर्टिकुलर टीम की। देखते हैं गाइस किस तरीके से फिनिश यहाँ पे निकल के आ पाते हैं, कितने पॉइंट्स को आप टीम डील कर पाती है। बट बास को भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, बाइक साहब होने वाले हैं बास बहुत ही जल्द, एंड इसी के साथ टीम नंबर 4 यानी कि एक्सलीट फोर्स यहाँ पे एनहांस करती हुई दिखेगी अपनी गेम प्ले को, विद दैट दे हैव एक्वायर्ड द अमेजिंग फिनिशर्स व्हिच हैज बीन देयर गुड इनफ फॉर देम। लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गेट कनेक्टेड। वेल एज यू ऑल कैन सी द कॉम्पिटिशन इज फॉर रियल, यहाँ पे कहने के टीम्स कम्पीट करने की कोशिश जरूर से करेंगी। वहीं अगर टीम नंबर 9 की बात करें जाए तो आपको वहाँ पे डॉक्टर रेगन देखने को मिलने वाले हैं, मैडॉक ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके अलावा डॉक्टर रेगन के अलावा वी हैव गॉट डॉक्टर अशोक प्राग इन द सीन।
डॉक्टर पैंथोपी सर की बात करें जाए वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, प्लेयर 007 भी आपके लिए प्रेजेंटेशन है, एटम की बात करें जाए वो भी आप देखने को मिलेंगे जरूर से। टीम्स कंपीट कर रही है अपने लेवल बेस्ट में, आप कहने के फिनिशर्स निकालने की कोशिश जरूर से करते हुए दिखेंगे। आई कैन ऑलरेडी से दैट दीज फिनिशेज दीज टैग्स दीज एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अ केओस कैन बी एब्सोल्युटली अमेजिंग, दैट इज व्हाई आई एम वेटिंग फॉर इट। मैं आप कहने के आगे की फाइट्स का इंतजार जरूर से देखने को मिलेगा। बट चलिए बात करें जाए टीम नंबर 9 यानी कि टीम हमारी जो है वो डॉक्टर्स की स्क्वाड पूरा फॉल बैक करते हुए दिखेगी। मौके का इंतजार था होने की बोन में किस तरीके से निकले एंड एक मौका मिल चुका है तो क्यों ना फॉल बैक कर लिया जाए, वही एक डेस्टिनेटी यहाँ पे इनकी मेंटेन होती हुई दिखेगी। बट मूविंग ऑनवर्ड्स वी हैव गॉट टीम नंबर 10, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा M16 M416 एंड M249 का गन कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। लॉर्ड स्पून यहाँ पे आ चुके हैं फिलहाल एंड ही नोज द पोजीशन हैज बीन रिवील्ड आई बिलीव एंड विद दिस गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं शॉट्स ऑलरेडी लिए जा रहे हैं एंड पोजीशन को ऑलरेडी लर्न यहाँ पे कर लिया गया है कि किस एंगल से प्लेयर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट लॉर्ड स्पून की बात करी जाए लॉर्ड स्पून यहाँ पे देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा बैलेंस्ड वे में, ही इज नॉट मूविंग अ मसल, ही इज जस्ट टेकिंग अ कांस्टेंट टीपीपी, बस इंतजार रहेगा एक ऐसे मौके का जहाँ पे एपेक्स प्रीडेटर को वो ऑफ गार्ड यहाँ पे पकड़ ले जाए। अगर ऑफ गार्ड उनको मौका मिलता है तो ऑब्वियसली फिनिश ऑफ करेंगे, नॉकआउट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द केस। बट अभी के लिए तो करते हुए दिख रहे हैं इंतजार बहुत ही बखूबी यहाँ पे गेम को निकालने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। देन लेट्स सी हाउ मच मोर ऑफ एंगेजमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। वेल या ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से दैट यहाँ पे कहने के टीम्स का इनैक्ट करनी है, पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। किंग की बात करी जाए देखिए उनके पास एक खिला चुका है डॉक्टर ड्रेको विद वन फिनिश देखने को मिलेंगे। लॉर्ड सिपम भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं विद वन फिनिशेस। पीपी स्वाधीन की बात करी जाए उनके पास 0 पॉइंट्स है, डेविल एसके 18 के पास 0 पॉइंट्स रहेंगे, एपेक्स प्रेडेटर के पास 0 पॉइंट्स है, डॉक्टर एकेएम के पास भी यहाँ पे पॉइंट्स के मामले में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलने वाली है। बट आई गेस ही काफी काम M24 का फटका जरूर दिया, बट M24 इतनी दूर से कनेक्ट कर पाना वो भी मिरामार जैसे मैप में, मतलब आई मीन मिरामार ही एक ऐसा सबसे बेस्ट मैप है जहाँ पे आप M24 यूज कर सकते हो, बट स्टिल This tag is actually not going to be very helpful. वहीं अगर हम बात करते हैं एपेक्स प्रेडेटर की आपको तो वो भी देखने को मिलेंगे कंपीट कर रहे हैं अपने पोजीशन को आप लेने की कोशिश करेगी टीम, बट उनको भी डाउन किया जाएगा। विद दिस एपेक्स प्रेडेटर हैज ऑल्सो बीन टेकन डाउन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डॉक्टर AKM 065 तो देखते हैं किस तरीके से इनका फिनिश यहाँ पे निकलता है, कितने पॉइंट्स यहाँ पे टीम डील कर पाएंगे उनके ऊपर भी यहाँ पे जाना चाहूँगा, उनके भी फिनिशेस में यहाँ पे बात करना चाहूँगा जरूर से। हालांकि स्पेस दे पाना टीम्स को टेकआउट कर पाना इतना ज़्यादा आसान देखने को नहीं मिल रहा है। 15 टीम है, 54 खिलाड़ी आपके सामने प्रेजेंट है, हर एक टीम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइट्स को इनिशिएट यहाँ पे करते हुए दिखेगी। मीनवाइल इफ टॉक अबाउट टीम नंबर 5 यहाँ पे नेमेसिस के खिलाड़ी भी पुश करते हुए दिखेंगे बहुत ही बखूबी। पैराडॉक्स फिनिश ऑफ यहाँ पे हो चुके हैं, सौरभ को यहाँ पे रिवाइवल देना पड़ेगा। टीम नेमेसिस इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू टैग आउट बट फिलहाल जोन के बाहर देखने को मिलने वाले हैं और 1 मिनट और 19 सेकंड का जो पूरा फासला है वहाँ पे कहने के जोन के अंदर पहुंचना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट फॉर दिस पर्टिकुलर टीम। नो डाउट द स्पेस आर एब्सोल्युटली मैसिव, टैग्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरह का फिनिश यहाँ पे निकल के आ पाता है। एंड फिनिशेस के अलावा अगर मैं एग्रेशन की बात करूँ आपको वो भी देखने को मिलेंगे। डॉक्टर AKM वॉज देयर टीम VP आप की टीम नंबर 10 की बात कर जाए पर्टिकुलरली वो पूरी की पूरी फिनिश ऑफ हो चुकी है एंड लॉर्ड सिपन की जो टीम थी वो 7 किल यहाँ पे कर चुकी है। बट अगेन एक और कॉम्पिटिशन इनके सामने यहाँ पे देखने को मिलने वाला है जो कि शायद इनके लिए दिक्कतें यहाँ पे जरूर से बढ़ा दे। Well, as you all can see, another contestant is about to rise. यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं हर एक कॉर्नर का इनके काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी देखने को मिलेगा। बट उसी के अलावा डॉक्टर ड्रेको के अलावा अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली किंग की आपको वो भी देखने को मिलेंगे नॉक आउट। डॉक्टर ड्रेको इज गोइंग टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ही अपनी टीम के आखिरी उम्मीदवार देखने को मिलने वाले हैं। अगर ये बच जाते हैं शायद इनके लिए सर्वाइवल और ज़्यादा यहाँ पे ईजी देखने को मिलेगा। बट नो डाउट आई वुड लाइक टू से दैट इनके लिए सर्वाइवल जो है वो काफ़ी टफ देखने को मिलने वाला है एंड टीम्स का सर्वाइव कर पाना इनके लिए भी यहाँ पे कहने के और भी ज़्यादा चैलेंजिंग देखने को मिलेगा। सो आई जस्ट होप दैट वी आर गोइंग टू सी अनदर लेवल ऑफ कंटेस्टमेंट कमिंग अप रियली वेरी सून। ऑल्दो वुड लाइक टू से दैट अ लॉट ऑफ फाइट, अ लॉट ऑफ क्योस एंड अ लॉट ऑफ बैलेंसिंग मोमेंटम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। तो चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से गेम यहाँ पे निकल के आ पाता है एंड कितने और पॉइंट्स को अपनी टीम अपलिफ्ट कर पाए। डॉक्टर ड्रेको बीन द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ही इज गोइंग टू जस्ट सर्वाइव, ही इज गोइंग टू जस्ट बी ऑन द बैक एंड एरिया, ही इज नॉट गोइंग टू मूव अ मसल, इज गुड इनफ फॉर हिम। यहाँ पे बिल्कुल भी अपने मसल्स को हिलाते हुए नहीं दिखेंगे, चुपचाप शांति से आप कर रहे हैं वेट। जानते हैं सही मौके का अगर वेट नहीं करेंगे तो शायद इनको टेक आउट आप कर लिया जाएगा। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर दैट एग्जैक्ट मोमेंट वेयर द फाइट्स कैन बी इनटू हिज फेवर। बट यहाँ पे देखिए इनको स्कैवेंज किया जाएगा, इनको ढूंढने की पुरजोर कोशिश करी जा रही है एंड मौका मिलेगा तो इनको टेकआउट भी करते हुए दिखेंगे खिलाड़ी। पर स्टिल अभी के लिए इंतजार यहाँ पे जरूर से रहेगा एक ऐसे मौके का जहाँ पे ये फिनिशेस थोड़ी सी वायबल देखने को मिल पाए। और तीसरे जोन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट श्रिंक होते हुए दिख रही है। वी हैव गॉट टीम नेमेसिस इज मेंबर राइट हियर, पर डॉक्टर ड्रेको कैन बी एक्सपोज। आई बिलीव यहाँ पे क्रक्स ने ढूंढ लिया है, जहाँ तक मुझे लगता है क्रक्स को एक मौका मिला था जरूर से यहाँ पे स्पॉट करने का, बट फिर भी क्रक्स यहाँ पे स्पॉट नहीं कर पाया। और यहाँ पे डॉक्टर ड्रेको की बात करी जाए वो अपने सांसें रोक के
चुपचाप यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे अगर मूवमेंट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जहाँ से शायद अपनी आपको वो उनके अंदर पुश फॉरवर्ड करा पाए। एंड वी ऑल नो दैट ये तीसरी की जोन है, यूटिलिटीज के मामले में भी चार फर्स्ट एड किट्स और एक मेडकिट इनके पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अभी ज़्यादा डैमेज इनको नहीं होने वाला है, जोन भी पहुँचना इनके लिए कहीं ना कहीं क्रिटिकली आसान देखने को मिलेगा। सो देन अगेन ये जो खिलाड़ी है शायद यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा माइंड गेम प्ले कर पाए। 600 मीटर का एक छोटा सा डिस्टेंस इन्हें ट्रैवल करना है, और देखिए एनिमी जो था, ओपोनेंट जो था, वो ऑलरेडी फॉल बैक करता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस पर्टिकुलर टीम। और टीम नंबर 18 के जहाँ पे ड्रेको हैं वो शायद अब सर्वाइवल आराम से यहाँ पे निकाल के लेके जा पाए अपना। बट वहीं अगर बात करते हैं टीम नंबर 14 की, उनके खिलाड़ी यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में देखने को मिलेंगे। वन और टू मेंबर्स को टेकन डाउन, रिवाइवल मिल चुका है एक आदमी को, दूसरे को भी यहाँ पे रिवाइवल दे दिया जा रहा है फटाफट से। एंड वंस अगेन व्हेन द रिवाइवल इज पॉसिबल इनफ दे विल बी एबल टू टैकल इट आउट। जो देखने को मिलेगा आपको कंपीट करते हुए, तो देखते हैं गाइस किस तरीके से इनका फिनिश यहाँ पे निकल के आ पाता है। अगर टीम्स की बात करें देखिए कंपीट करते हुए मुझे यहाँ पे जरूर से देखने को मिलेंगे, बट स्टिल मूविंग ऑनवर्ड्स इट कैन बी एक्चुअली वेरी टफ टास्क फॉर दिस पर्टिकुलर टीम टू सर्वाइव। यहाँ पे मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि सर्वाइवल यहाँ पे कहने के काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव देखने को मिलेगा, शायद ये टीम सर्वाइव न कर पाए। बट फिर मैडॉक यहाँ पे नॉक आउट देखने मिलने वाले हैं टीम नंबर 9, और शुड आई से दिस इज अ टीम विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी द टीम नोन एज टीम 4 डॉक्टर्स। टीम नंबर 7 के भी खिलाड़ी यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं आप गाइस टीम नंबर 7 के खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कहने के एंगेज करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए दिखेंगे, हालांकि यहाँ पे देखें सर्वाइव कर पाने टीम्स के लिए शायद आसान देखने को ना मिले, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश यहाँ पे जरूर से रहेगी इन टीम्स की टू एक्चुअली एंगेज एंड टू एक्चुअली रिटेलिएट विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। दे कैन एक्चुअली पुल थ्रू, नो डाउट अ लॉट ऑफ क्योस इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट, अ लॉट ऑफ एंगल्स आर एक्चुअली गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड, बट स्टिल यहाँ पे आपको टीम नंबर 9 होल्ड करते हुए दिखेगी बखूबी। आगे पीछे जितने भी एंगल्स इनको मिल रहे हैं हर एक एंगल पे कहने के टीम फाइट लेने की कोशिश कर रही है, दे आर नॉट लूजिंग इवन अ सिंगल एंगल, विच इज गुड इनफ फॉर देम, डिसेंट इनफ फॉर देम, नो डाउट इन दैट। बट आगे मूविंग ऑनवर्ड्स इनके लिए ट्रबल यहाँ पे बढ़ सकता है, बिकॉज शायद अभी यहाँ पे बचा ना पाए अपने आपको। बट आगे जोन में पहुंचना सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहेगा, इफ सही टाइम पे जोन के अंदर नहीं पहुंचे वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड दे आर गोइंग टू गेट गेट कीप, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हैपन, दैट दे आर गोइंग टू गेट गेट कीप, एंड उसी की वजह से इनको फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा सही टाइम पे एंड द टीम विल बी टेकन डाउन। सो फिर भी टीम 4 डॉक्टर्स की स्क्वाड धीरे धीरे जोन के अंदर मूविंग कर रही है, फिनिशेस क्यों नहीं निकल रहे इस टीम के, बस मैं यही जानना चाहूंगा। फिलहाल फिनिशेस के मामले में टीम मुझे हमेशा हल्की दिखती है, बट या दे माइट बी एबल टू टैकल मोर एंड मोर स्टफ। यहाँ पे कुछ स्मोक्स, कुछ मोर रिटेलिएशंस के साथ यहाँ पे निकलते हुए दिखेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे जो एंगेजमेंट है वो थोड़ा सा टफ देखने को मिल रहा है। आई कैन ऑलरेडी से दैट यहाँ पे जो डॉक्टर पंत ओपी उनको रिवाइवल दे पा रहे हैं इनके लिए थोड़ा सा टफ जरूर रहेगा। बट देखिए जोन में कितने सारे एजी गेम पे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की स्क्वाड लगातार कंपीट कर रही है, जितने एंगल्स उनको मिल रहे हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कहीं भी किसी को जाने की कोशिश नहीं करने दे रहे हैं। बट वन एम हिलियॉस किसी तरीके से यहाँ पे पहुँचते हुए देखेंगे टू द जोन, बट लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। आई मीन या ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू सी अनदर कंटेस्टमेंट कमिंग अप रियली वेरी सून, वी आर गोइंग टू सी अनदर टाइप ऑफ शॉर्टेज कमिंग अप रियली वेरी सून, बट फिर भी यहाँ पे कहीं के टीम्स कंपीट करते हुए दिखेंगे। बट चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से इनका गेम एनहांस होता है। बात करें यहाँ पे टीम नंबर 7 की, उनके पास 3 किल्स ही देखने को मिलेंगे, मात्र और 11 टीमें और 33 खिलाड़ी के बीच में ये तीन टीम्स यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तीन फिनिशेस देखने को मिलने वाली है। बट नाउ टॉक अबाउट ओएसआर, ही इज द वन ट्राइंग टू रोटेट टीम, ओएस भी यहाँ पे कहने के पॉइंट्स जरूर से इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है, हर एक लेवल पे यहाँ पे टीम्स यहाँ पे एंगेज करते हुए दिखेगी। अच्छी बात है यहाँ पे फिलहाल दैट यहाँ पे जो फिनिशेस हैं उनके फेवर में जा सकते हैं। बट चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से गेम यहाँ पे निकलता है। Well, the shots are there, but if we talk about team number 6, well, they are on the backstabbing area. One finish for them and they are nice. Slowly but surely moving onwards. और जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल फिनिश निकाल पाने टीम्स के लिए शायद यहाँ पे काफी टफ देखने को मिले, बट येस ऑफकोर्स दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कम्पीट एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग दोज रिजल्ट्स विच इज गुड इनफ फॉर देम, बट लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू मूव आउट। इफ वी टॉक अबाउट टीम नंबर 7, यहाँ पे उनके भी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे आपके पास यहाँ पे देखने को मिलने वाले, आई गेस 6 के खिलाड़ी शेडिक्स यहाँ पे निकल चुके हैं, फटाफट से यहाँ पे घुसने की कोशिश करेंगे जोन के अंदर। बट देन अगेन इनको भी यहाँ पे कंटेस्ट किया जा रहा है, इनको भी यहाँ पे टेक आउट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। मूविंग ऑनवर्ड्स इफ टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, टीम नंबर 7 के खिलाड़ी यहाँ पे शेडिक्स आ चुके हैं। उसी के अलावा आपको टीम नंबर 8 की भी बात करी जाए, उनके भी खिलाड़ी डैमेज आउट देखने को मिलेंगे, वो भी कंपीट कर रहे हैं पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ दे आर एक्चुअली गोइंग टू कंपीट, हाउ मच मोर ऑफ अ पॉइंट्स दे कैन एक्चुअली पुल थ्रू, दैट्स द बेस्ट डिसीजन दैट दे कैन एक्चुअली मेक आउट एट दिस मोमेंट। बट या ऑफ कोर्स गाइस, Dags and the finishes are something they have to actually watch out for.
बट देन अगेन वी हैव गॉट अनदर स्प्रे कमिंग अप। इफ टॉक अबाउट टीम नंबर 4, यहाँ पे आपको उनके एक सार इनवोकर देखने को मिलेंगे जिनको टेक आउट यहाँ पे कर दिया जा रहा है इस समय फिलहाल बहुत ही बुरी तरीके से। गॉड रैगनर की बात करी जाए उनको भी होल्ड करते हुए देखेंगे। रैगनर हैज टू बी इन द जोन, कुछ फर्स्ट एड किट्स यहाँ पे जरूर से दी जाएंगे बट वी ऑल नो दैट यहाँ पे सर्वाइवल काफी टफ है। इसी के साथ इनको टेक आउट किया जाएगा। 7 टीमें 22 खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं जोन के अंदर। कंटेस्टेंट राइजिंग बिट बाय बिट, मूवमेंट बाय मूवमेंट एंड टीम्स आर कंपीटिंग बिट बाय बिट एंड मूवमेंट बाय मूवमेंट एज़ वी कैन सी। लगातार कॉम्पिटिशन यहाँ पे करते हुए दिखेंगे टीम, लगातार पॉइंट्स निकालने की कोशिश यहाँ पे टीम करते हुए दिखनी है। बस दे आर नॉट गेटिंग दैट फेवरेबल रिजल्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द लॉबी। आई डोंट थिंक सो, देयर इज एन इजियर टास्क सेट देन डन। बट यहाँ पे टीम एक्स रेफ यानी एलाइट एक्स फोर्स की बात करी जाए, एक्स एलाइट फोर्स की, तो उनकी तरफ से मात्र 10 किल देखने को मिलेंगे। यानी कि एग्रेशन इनका वापस आता हुआ दिख रहा है मुझे। जिस एग्रेशन की मैं बात कर रहा था, जिस चीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा था कल के दिनों पे, परसों के दिनों पे, वो आपको वापसी देते हुए दिख रही है। वेल एक्स एलीट फोर्स की स्क्वाड यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से कम्पीट करती हुई दिख रही है। वेल ऑफकोर्स एक ही छोटे छोटा एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनके फेवर में जाते हुए। वेल अगेन नियॉन रैगनर की बात करें चाहे, वो जोन से भी यहाँ पे काफी डैमेज आउट फील करते हुए दिखेंगे। बट देन अगेन टॉप 3 के अंदर यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन इनको भी टेकआउट किया जाएगा। इनवोकर बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जोन से वो भी टेकआउट होते हुए दिखे हैं। इसी के साथ उनको भी फिनिश ऑफ यहाँ पे किया जाएगा। दैट्स हाउ द फाइट एक्चुअली वेंट आउट, दैट्स हाउ द गेम एक्चुअली वेंट आउट एंड जस्ट लाइक दैट द फिनिश इज ओवर। एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके लिए फिनिश वाइटल जरूर से थी बट फिलहाल वो निकल के नहीं आ पाए। इसी के साथ उनको पूरा प्रॉपरली एक आउट यहाँ पे किया जाएगा। विद दिस द गेम प्ले इज अगेन गोइंग टू गेट एनहांस, यहाँ पे कहने के फिनिशर्स निकालना जरूरी था। बट फिलहाल जिस टीम ने चिकन निकाला आपके सामने, वो आ चुकी है अपनी परफॉर्मेंस लेके, वो टीम यहाँ पे कहने के कम्पीट कर चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स निकाला, बेसिकली फिनिशर्स यहाँ पे कहने के काफी बढ़िया निकाले उन्होंने। आई गेस वी हैव गॉट द विनर, वी हैव गॉट द चैंपियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच, मैच नंबर 2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसके विनर्स आपके सामने है गाइस। मेक श्योर टू अप्रिशिएट देम, मेक श्योर टू एक्चुअली लव देम। बट विद दिस गाइस अवर सेकंड मैच ऑफ द फिनाले इज आल्सो ओवर। आप देख सकते हैं पहली जोन यहाँ पे कहने के काफी डिफिकल्ट देखने को मिलने वाली है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट जोन टू कम इन, बट फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट जोन यहाँ पे आई नहीं है। और चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से गेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहली जोन अभी तक यहाँ पे निकल के नहीं आ पाई है, बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से मैच यहाँ पे निकलेंगे, कैसे फाइट अफेक्ट होगी यहाँ पे, हर एक चीज़ में बात जरूर से यहाँ पे करता हुआ दिखूंगा। बट फिलहाल हमारी जो पहली फाइट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी चीन और 12 के बीच में, यहाँ पे क्लैश देखने को मिलने वाला है। एंड जोन इज ऑलरेडी हियर राइट नाउ व्हिच इज गुड एनफ, बट मूविंग ऑनवर्ड्स ऑलआउट ऑफ क्योस इज एक्चुअली अबाउट टू राइज इन। पर चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से गेम यहाँ पे निकल के आ पाता है। बट ये बात करी जाए यहाँ पे टीम नंबर 18 की, वो भी आपको बैकएंड पे देखने को मिलेगी। वी हैव गॉट डॉक्टर ड्रेको राइट हियर, लॉर्ड स्पून सिपून देखने को मिलेंगे, किंग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, हंटर भी प्रेजेंट है, कैलिप्सो के अलावा एनिगमॉइड एंड साथ ही आपको रेड डेविल भी देखने को मिलने वाले हैं विच इज एक्चुअली ऑन द बैक एंड। ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट दैट वेयर द एनिमी माइट बी लैंडिंग। और एक बार उनको यहाँ पे कहने के फीड अगर मिल जाती है दैट यहाँ पे किधर एनिमी है, तो फिलहाल शायद वो टेक आउट कर पाएंगे। हालांकि एक किल के साथ ये टीम अभी मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा सॉर्टेड देखने को मिल रही है। बट देन अगेन वी हैव अनदर फाइट कमिंग अप, आई गेस दिस इज टीम नंबर 14 व्हिच इज लूजिंग द ग्राउंड्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनी केनिन स्काईवॉक की, तो उनका पे इस समय फिस्ट आउट किया जा रहा है। यस ऑफ कोर्स यहाँ पे आर्या की तरफ से काफी अच्छा खासा फिस्टिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। हमने दिस दैट टीम हैज पर्टिकुलरली गॉट दोस फिनिशर्स, बट नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स वी हैव गॉट टीम नंबर 14 राइट हियर वर्किंग फॉर द फाइट्स। FM कॉलेज को आप कहने के सपोर्ट कर रहे हो या फिर उनका डिग्रेड कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता बिकॉज आई डोंट नो उड़िया लैंग्वेज। तो अगर आप लोग कर लो जो भी कर रहे हो, आई डोंट नो। बट चलिए गाइस मूविंग ऑनवर्ड्स, देखते हैं किस तरीके से फाइट यहाँ पे निकलती है, इन किस तरीके से उनकी क्लैशेस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं आगे की फिनिशर्स की, वो भी आपको देखने को मिलेगी। वीपी के स्वाधीन यहाँ पे आ चुके हैं, उसके अलावा आपको डबल SKS18 देखने को मिलेंगे, एपेक्स प्रेडेटर प्रेजेंट है। साथ ही आपको यहाँ पे डॉक्टर AKM065 यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अगेन जोन के अंदर मूव इन करने की पुरजोर कोशिश यहाँ पे करते हुए देखेंगे। वंस अगेन जोन अगर इनके फेवर में यहाँ पे निकल के आ पाएगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा इनके लिए चीज़ें। बट फिलहाल पहली जोन जो है वो 1 मिनट और 18 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे स्ट्रिंक होती हुई दिखेगी, विच कैन इधर बी चैलेंजिंग और इट कैन बी रियली वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द टीम। मूविंग ऑनवर्ड्स, देखते हैं किस तरीके से गेम यहाँ पे निकल के आ पाता है। गाइस आप लोग भी कमेंट डाउन करके बताइए व्हाट डू यू एक्सपेक्ट from this particular fight, and I think somewhere around these fights are actually going to be way too tough for this particular team to survive in. But yes, of course, यहाँ पे जो finishes हैं आपको काफी vital देखने को मिलेंगे, जो clashes हैं वो काफी vital देखने को मिलने वाले हैं। But teams यहाँ पे बिल्कुल ready रहेंगे to vitalize and eventually demoralize the fights which are going to be there. Somehow these clashes are actually going to be very engaging.
बट एनी वे गाइस, यहाँ पे जो जोन है अगेन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग देखने को मिल रही है। टी नंबर 10 की बात करें जाए, डॉक्टर ए के एम यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अगेन रिएक्ट करने की, रिटालिएट करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए देखेंगे, बट जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा यू माइट सी अनदर कंटेस्टमेंट कमिंग अप रियली वेरी सून। चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से फिनिश यहाँ पे निकल के आ पाता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें टीम नंबर 18 की, उनके खिलाड़ी भी आपको देखने को मिलेंगे। बट देन अगेन इफ यू टॉक अबाउट टीम नंबर 18, वी हैव गॉट लॉर्ड सिवन राइट हेयर। उसके अलावा आपको यहाँ पे ड्रेको देखने को मिलेंगे, किंग यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। इस समय अगर टीम नंबर 12 की बात करें जाए, कैलिप्सो भी देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। वेल, वी हैव गॉट सम माइटी कंटेस्टमेंट कमिंग अप रियली वेरी सून। इफ आई टॉक अबाउट टीम नंबर 13, आपको यहाँ पे एट्रोपाइन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा फैंटम ओपी प्रेजेंट है, भाई सबको पहले कभी देखने को मिलने पाले। वेल दिस इज टीम ऑप्टिमस, इसका पिछले दो राउंड्स में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे किया गया था। टीम ऑप्टिमस इस मैच के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेगी, एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। येस ऑफकोर्स दिस क्लचेज आर एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी वाइटल। और उससे पहले हाथिन के एरिया में एक बार चलते हैं, एक नज़र यहाँ पे हाथिन में भी मार ली जाए। वहीं अगर हम बात करते हैं, वी हैव गॉट बांडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बादशाह साथ ही जनार्दन प्रेजेंट है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे देखने को मिलने वाले गोल्ड फ्लेक, एटॉमिक 007, संजीत यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मिस्टर डीजे के अलावा न्यू और रैगनार भी देखने को मिलने वाले हैं। वेल मूविंग ऑनवर्ड्स, वी माइट सी अनदर कंटेस्टमेंट कमिंग अप रियली वेरी शार्पली। जैसे कि आप देख सकते हैं टीम नंबर 6 के खिलाड़ी आपको थोड़ा सा डैमेज आउट यहाँ पे जरूर से फील करते हुए दिखेंगे। बट लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट, बिकॉज बादशाह इज ऑलरेडी बीन टेकन डाउन। बादशाह को यहाँ पे फिलहाल फिनिश ऑफ किया जाएगा। मूविंग ऑनवर्ड्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी टफ टास्क। मूविंग ऑनवर्ड्स इफ टॉक अबाउट टीम एक्सेलेंट फोर्स, वी ऑल नो दैट एक्सेलेंट फोर्स एक ऐसी स्क्वाड है जो कि आती है तो डोमिनेट करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए दिखेंगे जरूर से। वेल देन अगेन इफ आई टॉक अबाउट संजीत, आपको वो भी देखने को मिलेंगे बैक एंगल पे। एटॉमिक की बात करें जाए, आपको वो भी देखने को मिलने वाला है। फिगर आउट करने की कोशिश हर एक टीम करेगी यहाँ पे। बट अगेन डेड शॉट की बात करें जाए, आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है ऑन द बैक कॉर्नर। वी हैव गॉट पैराडॉक्स राइट हियर, वी हैव गॉट सौरभ ऑल्सो इन द सीन। उसके अलावा अगर मैं आप अगर बात करते हैं नेमेसिस के क्रक्स ओपी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। बट चलिए गाइस किस तरीके से यहाँ पे इनका फिनिशेस यहाँ पे निकल के आ पाती है, कितने और गेम को अपनी टीम एनहांस कर पाएगी, उस चीज़ पर मैं आप कहीं के वाइटलाइज करते हुए देखूंगा फिनिशेस को। बट टीम नंबर 6 की बात करें जाए, वी हैव गॉट ओडिया बादशाह इन द सीन राइट नाउ। टॉक अबाउट टीम नंबर 6 पर्टिकुलरली, ये टीम अभी तक मुझे जीरो फिनिशेस के साथ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बट फिर भी यहाँ पे आगे के जो फिनिशेस हैं शायद और ज़्यादा वाइटल देखने को मिले, आगे के जो क्लैशेस हैं वो और ज़्यादा वाइटल यहाँ पे देखने को मिले। तो देखते हैं गाइस किस तरीके से गेम में पूरा अपना ब्रांड आउट यहाँ पे कर पाते हैं। बट लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली नॉक एंड गेटिंग दोस स्ट्राइक्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी डिफिकल्ट एनफ। एशियन भले मु माने कंफर्म दो छे माने एक लवे डिफिकल्ट तो होगा। देखिए गाइस जैसे जैसे फाइट्स आगे बढ़ेगी, वी ऑल नो दैट दिस इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस इन द लॉबी। अगेन यहाँ पे सर्वाइवल यहाँ पे कहने के काफी टफ देखने को मिलने वाला है। बट पहली जोन ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखेगी, जिस चीज का हम यहाँ पे कर रहे थे काफी देर से इंतजार, यहाँ पे वही चीज आपको देखने को मिलने वाली है। रीडर चैट पढ़ो कैप्टन लेवी, आपकी चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज मुझे ये नहीं पता है कि आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो। मैं उड़िया लैंग्वेज नहीं जानता हूँ ढंग से, तो आई वोंट बी एबल टू हेल्प। आप लोग बता दीजिए मुझे, अगर इंग्लिश या हिंदी में लिख के बता देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं उड़ीसा का नहीं हूँ, मैं आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मेरे निरंजन भाई जो आपके एम के सी जी कॉलेज के एथलेटिक सोसाइटी के मेंबर हैं, उनकी तरफ से मेरी बात हुई थी, उनकी तरफ से मैं कास्ट करने यहाँ पे आया हूँ। सो मैं ज़्यादा उड़िया लैंग्वेज ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता उड़िया लैंग्वेज। तो अगर आप हेल्प कर सकते हो जो भी चैट में लिखा है, अगर इफ़ यू कैन एक्चुअली नरेट इट आउट और शुड ऐसे इंग्लिश में अगर लिख दो या फिर हिंदी में लिख दोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज तो मेरा पढ़ना इम्पॉसिबल है यहाँ पे। एनी वे फाइट यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से निकलती है। बात करें जाए टीम नंबर 17 की, यहाँ पे टीम ओएस से टकराव देखने को मिलेगी। एन ओएस के खिलाड़ी एक किले यहाँ पे निकाल चुके हैं, साथ ही टीम नंबर 17 भी एक फिनिश यहाँ पे देखने को मिलेगी उनकी तरफ से भी, दैट्स गुड इनफ। निंजा वाइटी की तरफ से एक शानदार फिनिश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे गॉड ड्रैगनार की बात करी जाए, गॉड रेंजर की तरफ से यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा फिनिश यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। सो यस अगेन ही इज बैक इन द फाइट, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू पुट अप सम वर्थ इन द फाइट व्हिच इज गुड इनफ फॉर हिम। बट ड्रैगनार की बात करी जाए, बैक एंड से एक और वन वी लेने निकले,
काफी शानदार तरीके से टेकआउट किया है। निंजा वाइटी आपको वहाँ पे अपनी टीम के आखिरी उम्मीदवार देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि इस समय रेगनर की बात करें जाए वो अपने लेवल पे लगातार फिनिशर्स आप उठाते हुए दिखेंगे। एंटीवर की बात करें जाए आपको बैक एंड पे देखने को मिलने वाले। एक मॉली जरूर से गई है निंजा वाइटी, अगर इस मॉली के अंदर फंसते तो शायद ना बच पाते हैं, बट निंजा वाइटी अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं विच इज गुड इनफ। सेंटिनल इज ऑल्सो लूजिंग सम ग्राउंड्स, तो इस पर अपन वन ही टैग्स वन आउट। यानी यहाँ पे देखिए खिलाड़ी को नॉकआउट करने के बावजूद एंडीवर को नॉकआउट यहाँ पे जरूर से किया, बट गॉड रेंजर यहाँ पे करके जाएंगे 1v3 विच वॉज एक्चुअली अ गुड इनफ फाइट। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर हम बात करते हैं 50/3 यहाँ पे सेकंड्स की, तो वो भी आपको यहाँ पे काफी टफ देखने को मिलने वाला है। फॉर टॉक अबाउट टीम नंबर 18 आपको ओएस के डॉक्टर ड्रेको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा भी आपको टीम नंबर 12 दैट इज गोइंग टू बी कैलिप्सो। यहाँ पे एनिक पॉइंट प्रेजेंट है, रन डेवल देखने को मिलने वाले हैं, हंटर भी साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। सो हर एक फैक्टर यहाँ पे कहने के काफी ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता हुआ दिखेगा, जैसे जैसे फाइट आगे निकलेंगी हमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्लैशेस यहाँ पे जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। बट अभी के लिए प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि टीम्स आपको काफी ज्यादा स्लो पेस और वेल बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नो डाउट इन दैट सम मोस्ट प्लेयर्स आर अबाउट टू बी देयर, बट टीम्स अभी भी इनैक्ट कर रही है, एंगेज करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। बट लेट्स सी हाउ आर दे आर गोइंग टू पुल थ्रू, हाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली परफॉर्म, हाउ दे आर एक्चुअली गोइंग टू पुल थ्रू विद द गेम प्ले व्हिच इज गोइंग टू बी देयर। तो अगेन मैं यहाँ पे यही चीज कहूंगा कि बिल्कुल भी आसान देखने को नहीं मिलने वाली है फाइट्स। आपको लगता है कि गाइस यहाँ पे कहीं दूसरे खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे, बट मात्र दो खिलाड़ी है तो अगेन इनका जो सर्वाइवल काफी ज्यादा टफ देखने को मिलेगा। देन अगेन आइटम के अलावा अगर हम बाकी मेंबर्स की बात करें, आपको हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे कुछ ना कुछ रैंडम शॉट्स यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे, रैंडम टेकआउट्स भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। टीम्स के लिए सर्वाइव कर पाना इनके लिए काफी डिफिकल्ट देखने को मिलने वाला है, बट आई वुड लाइक टू से दैट अगेन यहाँ पे सर्वाइव कर पाना टीम्स के लिए काफी डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। बट एलकेजी की स्क्वाड तो क्वालिफाई नहीं हुई, तो आप एलकेजी को सपोर्ट कर रहे हैं दैट्स गुड इनफ। फिर भी यहाँ पे प्लेयर 007 की यहाँ पे एचपी देखिए फिलहाल इस समय बहुत ही ज्यादा लो देखने को मिलेगी, और इनका बच पाना अब थोड़ा डिफिकल्ट मुझे यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। बट स्टिल गाइस समहाउ ही माइट बी एबल टू कॉन्कर दिस फाइट एंड मे बी इवेंचुअली राइज अप अगेन इन द बार। प्लेयर 007 इज राइट ओवर हियर, 1v1 यहाँ पे लिया गया बहुत ही अच्छी तरीके से, आप एक्सेप्ट के मीर खिलाड़ी को डाउन करते हुए देखेंगे। डॉक्टर हकीम की तरफ से शानदार नीड यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, आई बिलीव यहाँ पे जो टीम नंबर 11 है उनके प्लेयर 007 यहाँ पे जरूर से सर्वाइव करते हैं, बट डॉक्टर ए के एम घुसते हैं और इसीलिए यहाँ पे इनको भी टेकआउट किया जाएगा विच इज डिसेंट एंड विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो यस ऑफ कोर्स क्लैशेस यहाँ पे हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। देन अगेन अगर टीम नेमेसिस की बात करें जाए सर्वाइवल उनके लिए भी काफी टफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टीम नेमेसिस के खिलाड़ी प्रेजेंट जरूर साइड शॉट यहाँ पे 1v1 लेने गए लेकिन नहीं ले पाया यहाँ पे फिलहाल, बहुत ही बुरी तरीके से इनको टेकआउट किया जाएगा। नाउ इट्स ऑल अबाउट सौरभ, ही इज गोइंग टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम, एंड अगर वो सर्वाइव कर ले जाते हैं तो कहने के यहाँ पे इनके लिए जरूर से एक आसान टास्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अगर सर्वाइवल में कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पे पड़ी तो इनके लिए और ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पे बढ़ जाने वाले हैं। सो यस ऑफ कोर्स लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गेट फाइंड आउट। और यहाँ पे अगर फिनिशर्स की बात करें शायद आपको वो भी बैलेंस देखने को मिलेगी, मार्को सौरभ को भी एलिमिनेट किया इसी के साथ टीम नंबर 7 आउट परफॉर्म्स एंड गेट्स 4 अमेजिंग फिनिशर्स, गुड इनफ फॉर देम। 4 किल्स यहाँ पे करके आगे टीम मूव ऑन करते हुए दिख रही है। वेल देन दिस पर्टिकुलर फाइट इज अगेन गोइंग टू बी टफ इनफ बिकॉज यहाँ पे आप टीम नंबर 9 के खिलाड़ी की बात करें जाए 4 डॉक्टर्स के खिलाड़ी आपको जरूर से यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, बट किस तरीके से टीम यहाँ पे सर्वाइव करेगी ये भी एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है। बिकॉज जैसे जैसे जोन आगे बढ़ेगी आपको वहाँ पे और ज्यादा फिनिशर्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें टीम नंबर 13 की आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं भाई सबको पहलेगा फैंटम ओपी, उसके अलावा K9 रेड साथ ही एट्रोपाइन देखने को मिलेंगे, कंपीट कर पा रहे हैं इस टीम के लिए अगेन काफी ज्यादा कंफर्टिंग देखने को मिलने वाला है। 20 मोर सेकंड्स टू गो आफ्टर दैट द जोन विल पंच इन, मात्र 20 सेकंड आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगेन सर्वाइवल एक काफी ज्यादा मैं कहूंगा बड़े क्वेश्चन पे देखने को मिलने वाला है। सो सर्वाइवल यहाँ पे निकल पाएगा फिर नहीं निकल पाएगा वो देखना काफी ज्यादा मेजर है। बट यहाँ पे टीम नंबर 16 की बात करें जाए आपको डोमिनिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो भी यहाँ पे कम्पीट करते हुए दिख रहे हैं। डोमिनिक जराक विद दैट M416 विद 1 फिनिशर्स इज एब्सोल्युटली लुकिंग स्ट्रॉन्ग, और लग रहा है कहीं ना कहीं और भी ज्यादा फिनिशर्स यहाँ पे निकाल के लेके जा पाएंगे जैसे जैसे मैच यहाँ पे जरूर से बढ़ेगा। सो यस ऑफ कोर्स मजेदार फाइट्स मजेदार पैन आउट डैमेजेस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। डॉक्टर की बात करें जाए टीम 4 डॉक्टर्स के पंच ओपी सर इस समय लेते हुए दिखेंगे, TPP काफी बखूबी अपने आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा आप एंगेज नहीं करते हुए दिख रहे हैं विच इज गुड इनफ फॉर देम, डिसेंट इनफ फॉर देम। बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा सोन छोटी होती जाएगी वहाँ पे सर्वाइवल की क्वेश्चन और ज्यादा आप
देखने को मिलेगा। बट मूविंग ऑनवर्ड्स, वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपको टीम नंबर 15 देखने को मिलने वाली है, एक्सर रेड प्रेजेंट है। उसके अलावा लॉर्ड सिराज यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, लॉर्ड सूरज जो है आपको वो भी देखने को मिलेंगे। अलावा आप देख सकते हैं कॉर्नर हो पाना इस टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा देखने को मिलेगा। सोन के बाद 5 फर्स्ट विकेट्स, हालांकि सैनो का मैप जो होता है वो फिलहाल आप लोग जानते हैं कि हील बैटल बेस्ड मैप यहाँ पे देखने को मिलता है, बट आई डाउट यहाँ पे वो हील बैटल शायद आपको देखने को मिल पाएगा। बट फिर भी टीम कोशिश यहाँ पे जरूर से करेंगे कि शायद वो हील बैटल्स को अपने एंगेज यहाँ पे करके लेके जा पाए। बट देन अगेन एक्सेलरेट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, द ओनली होप फॉर दिस पर्टिकुलर टीम इज गोइंग टू बी दिस गाय। 12 टीमें 39 खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी अपने अपने बेस्ट गेम प्ले के लिए निकलता हुआ दिखेगा, अपने लिए पॉइंट्स निकालने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, बिकॉज चैलेंजिंग बहुत है। बट फिर भी कोशिश यहाँ पर रहेगी इन टीम की तरफ से। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लाइक करिए, एक्सेलरेट की तरफ से काफी शानदार टेकआउट देखने को मिल रहा है, इज गोइंग टू फिनिश हिम ऑफ दैट्स फॉर श्योर। बहुत ही ज्यादा डैमेज आउट यहाँ पे क्या बताएंगे, स्वाधीन यहाँ पे जाते हुए दिखेंगे फॉर दैट रिवाइवल, गुड एनफ फॉर हिम। अगेन एक फर्स्ट एड की करने की कोशिश, बट अभी इस समय फर्स्ट एड को करने की कोई जरूरत थी नहीं वैसे जहाँ तक है, बट कुछ बूस्टर जरूर से आप यूज करेंगे फिलहाल, सो दैट आप इनको बूस्ट होते होते आगे जोन के तरफ पुश किया जाए। 4 फर्स्ट एड किट्स, 10 बैंडेड्स और मात्र 1 एनर्जी रिंक और 2 पिंक कलर के साथ ये खिलाड़ी देखने को मिलेगा। एंडी पर ऑन दी कलर कॉर्नर हैज बीन टेकन डाउन, टीम नंबर 12 इज ऑल्सो ट्राइंग टू पैन आउट सम गुड शॉट्स। बट देन अगेन यहाँ पे स्पॉट किया, एक और शानदार स्पेस देने की कोशिश, टेक आउट जरूर से कर सकते हैं, लेकिन डेविल्स का ने बहुत ही बखूबी यहाँ पे राइट का फ्लैंक लिया हुआ था, उस फ्लैंक की वजह से आपने देखा कि एलिमिनेशन आपके सामने है। फिलहाल बहुत ही बखूबी यहाँ पे कोर टीम को डाउन किया जाएगा। अब 11 टीमें और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कुल 34 खिलाड़ी जो कि आप एंगेज कर रहे हैं। टीम नंबर 19 की बात करें जाए, कॉमरेड यहाँ पे निकल चुके हैं फॉर एक्चुअली एंगेजिंग एंड इवेंचुअली फिनिश ऑफ निकाल पाना यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। बट अगर सैम यूटेड की बात करें जाए, वो भी आपको देखने को मिलेंगे एंगेज करते हुए दिख रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करते हुए दिखेंगे। बट देन अगेन 1v1 लेने की कोशिश यहाँ पे पूरी देखने को मिलने वाली है, बट लेट्स सी हाउ इज एक्चुअली गोइंग टू कम्पीट। एंड यहाँ पे देखिए फिलहाल 2 किल के साथ ये टीम आगे एंगेज करते हुए दिखेंगे, आगे मूवमेंट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे, बट लेट्स सी हाउ मच मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस दे कैन एक्चुअली पुल थ्रू। एल जी बास के अलावा सैम यूटेड यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, बट देन अगेन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट इनके लिए फाइट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट देन मूविंग ऑनवर्ड्स, लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट। इफ वी टॉक अबाउट टीम नंबर 13, यहाँ पे ऑप्टिमस के भी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, 1 गुड कॉर्नर शॉट एंड देयर प्लेयर कुड हैव बीन टेकन डाउन, बट नहीं, नॉक नहीं हुए और आगे यहाँ पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। बट मूविंग ऑनवर्ड्स, देखते हैं किस तरीके से इनका फाइट यहाँ पे निकल के आ पाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टीम नंबर 10 के भी खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे आ चुके हैं, टीम नंबर 10 के डॉक्टर AKM065, उसके अलावा डेविल स्काई देखने को मिलने वाले हैं। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, इट कैन बी एक्चुअली वेरी टफ, यहाँ पे देखिए इनको टेकआउट यहाँ पे जरूर से किया जाएगा। बट देन अगेन टैग आउट देने की कोशिश यहाँ पे जरूर से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर बात करें डेविल की, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा वीपी स्वाधीन देखने को मिलने वाले हैं, 9 टीमें 24 खिलाड़ी, हर एक लेवल पे यहाँ पे टीम्स देखें जोन के अंदर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई भी टीम हो, छोटी बड़ी, सिंगल प्लेयर सर्वाइव कर रहा हो, चाहे 4 की 4 टीमें हो, हर एक टीम को अपने जोन के अंदर एक अच्छा एंगल लेना है। एट्रोपाइन की बात करें जाए, जो कि ऑलरेडी जोन के अंदर प्रेजेंट है, बट सिर्फ यहाँ पे जोन के अंदर जो टीम्स हैं उनको यहाँ पे टैग देते हुए दिखेंगे, जोन के बाहर वाली टीम्स को तो ऑलरेडी इनैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। बट देन इफ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्लोजन, यहाँ पे आपको टफ देखने को मिलेंगी कॉल्स, यहाँ पे टीम नंबर 13 की बात कर जाए, सर्वाइवल अगेन उनकी तरफ से भी टफ देखने को मिलेगा। टीम नंबर 19 के भी कुछ चंद खिलाड़ी आपको यहाँ पे बैलेंस आउट करते हुए दिख रहे हैं गेम को, तो फिलहाल देखते हैं किस तरीके से उनका फिनिश यहाँ पे निकल के आ पाता है। फैंटम की बात करें जाए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे काफी कूल वे में आप अपने गेम को एंगेज करते हुए दिख रही है टीम। बट यहाँ पे टीम नंबर 16 की बात करें जाए, आपको डोमिनेट जरार डायरेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, हालांकि देखिए अब यहाँ पे टफ कॉल जरूर से देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। लगातार स्पेस यहाँ पे दिए जाएंगे टेक आउट करने की कोशिश, बट डोमिनेट डायरेक्ट अपनी कार 98 पर ज्यादा भरोसा यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। बट सैनो के मैप में आपको बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो कि कार 98 के लिए यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। टीम 4 डॉक्टर्स की स्क्वाड आई गेस ऑलरेडी फिनिश अप हो चुकी है, बड़ी आई एम रियली वेरी सॉरी,
समरेश कर आपकी फेवरेट टीम, आप ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं तो उनको मैं दिखा नहीं सकता, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट एनीवे उन्होंने परफॉर्म काफी अच्छा किया होगा। तो चलिए मैं उनके स्टार्ट्स की भी एक बार बात कर लेता हूँ कि फोर डॉक्टर्स के पॉइंट्स कितने देखने को मिले थे, मात्र 2 गिल के साथ टीम फोर डॉक्टर्स अभी यहाँ पे आउट गई थी। बट अभी के लिए अगर हम बात करते हैं डोमिनिक की, तो आपको यहाँ पे जराक देखने को मिलेंगे जोन के अंदर बेस आउट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन। वेल, अगर हम बात करें जरार की, देखिए यहाँ पे आखिरी उम्मीदवार देखने को मिलेंगे, लगातार स्पेस जरूर दे रहे हैं, टीम नंबर 19 के एक और खिलाड़ी को डाउन किया। टॉप 6 टीम्स के अंदर यहाँ पे टीम डोमिनिक भी देखने को मिलने वाली है। आप लोगों को पता है इस पहला मैच टीम डोमिनिक ने चिकन जरूर से निकाला था, बट उसके बाद डोमिनिक के लिए अब दिक्कत बढ़ चुकी है। ये देखिए पैंटोम ओपी यानी कि टीम ऑप्टिमस की स्क्वाड के जो मेंबर है वो वहाँ पे इनको टेक आउट करते हुए दिखेंगे। छोटे छोटे कॉर्नर्स वहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, छोटे छोटे फाइट्स वहाँ पे कहीं के टेक ओवर करते हुए दिखेंगे, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट मूविंग ऑनवर्ड्स, लेट्स सी हाउ मच मोर ऑफ अ फाइट दे आर लेफ्ट विद एंड देखते हैं किस तरीके से और ज्यादा गेम अपने एनहांस कर पाते हैं, कितने ज्यादा पॉइंट्स वहाँ पे टीम निकाल के लेके जा पाएगी। हालांकि आगे सर्वाइवल और ज्यादा टफ होने वाला है, आगे के पॉइंट सिस्टम में और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी, बट टीम्स यहाँ पे कहने के कम्पीट कर रही है, अपना लेवल बेस्ट देने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए दिखेंगे। वेल नाउ इफ टॉक अबाउट टीम नंबर 6, यहाँ पे उनके खिलाड़ी भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, गोल्ड फ्लेक देखने को मिलेंगे, टेकआउट यहाँ पे इनको किया जाएगा। बट देन अगेन यहाँ पे टीम नंबर 6 के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। फिलहाल बढ़िया बादशाह की बात करी जाए, उनके ऊपर भी यहाँ पे स्पेस दिए जा रहे हैं, उनको भी कम्प्लीटली टेकआउट करने की पुरजोर यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। बट फिलहाल ये देखिएगा इस बादशाह को टेकआउट करते हुए दिख रहे हैं, पन्ने की बात करी जाए वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बट देन यहाँ पे जैसे कि हमने कहा सर्वाइवल काफी टफ है यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है, बट यहाँ पे वहीं अगर कॉल्स की बात करी जाए टीम्स को यहाँ पे देखने को मिलेगी, उधर से भी कुछ नए शॉट्स एलेक्स बांडी आपको देखने को मिल रहा है ऑन द टॉप ऑफ दैट कॉर्नर, बट ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम्पीट, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू कंफ्लिक्ट विद द शॉट्स। टीम नंबर 7 की बात करी जाए, शेडेक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि जोन के अंदर मूव इन कर रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश जरूर से करते हुए दिख रहे हैं, बट आई बिलीव इतना ज्यादा आसान देखने को नहीं मिलेगा टू एक्चुअली कन्वर्ट दीज फ्लैग्स, बिकॉज जितना ज्यादा आप जोन के अंदर जाने की कोशिश करें उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे गेट कीप कर लिया जाएगा, उतनी सारी टीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि वेल बैलेंस है, फाइट्स को टेकआउट करने की कोशिश कर रही है। टीम नंबर 13 की आप यहाँ पे देखिए काफी बक्कू की बात कर लीजिए, वो भी आपको यहाँ पे रिटायरेट करते हुए दिखेंगी, कुछ स्मोक्स और कुछ थ्रोएबल्स का यूज यहाँ पे अगेन देखने को मिल पा रहा है, बट फिर भी इन थ्रोएबल्स का रिजल्ट कैसा रहेगा ये भी जान पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी यहाँ पे कहने के काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा बीच में। अगेन कुछ और स्पेस यहाँ पे दिए जाएंगे, कुछ और टेकआउट्स यहाँ पे करने की कोशिश टीम जरूर से करती हुई दिखेगी। बट 3 टीमें और यहाँ पे आप देखिए 2 टीमें और 7 खिलाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। टीम नंबर 7 की बात करें पर्टिकुलरली शेड आपको देखने को मिल रहा है ऑन द बैक एंड। मूविंग ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी अनदर स्क्वाड कमिंग अप, एट्रोपाइन की स्क्वाड मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सामने, यानी कि टीम ऑप्टिमस वर्सेस टीम नंबर 7 का फाइट देखने को मिलेगा। अब दोनों ही टीम्स में से कौन सी टीम चिकन निकाल के लेके जा पाएगी ये तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता ही आता है, और उससे पहले यहाँ पे एक और थ्रोएबल यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस थ्रोएबल इफ गेट्स कनेक्टेड दैट वुड बी अमेजिंग। बट नाउ यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं थ्रोएबल का यूज जरूर देखने को मिल पा रहा है, बट फिलहाल इतना ज्यादा वाइटल नहीं हो पा रहा है, वो जो डैमेजेस रिक्वायर्ड है लॉबी के अंदर वो निकाल के नहीं लेके जा पा रहे हैं प्लेयर। बट फ्रॉम द कॉर्नर टीम नंबर 7 के कुछ और खिलाड़ी पुश करते हुए दिखेंगे, हालांकि अगर शेडेक्स की बात करें चाहे वो अभी भी टॉप कॉर्नर अपना होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, एक और शानदार नीड की कुकिंग यहाँ पे जाती हुई दिखेगी, बट दैट नीड इज एक्चुअली वे टू आउट ऑफ फ्रॉम द लोकेशन, दैट इज वाई वुड लाइक टू से दैट यहाँ पे भाई सबको मिलेगा वो यहाँ पे नॉक नहीं होते हैं। बट इसी के साथ धीरे धीरे करके आप जोन के अंदर मूव इन करने की कोशिश टीम नंबर 7 के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि पूरी की पूरी जोन को गेटकीप कर लिया गया है, मिहिर को नॉकआउट करते हुए दिखेंगे, इसी के साथ एक और ओपनिंग यहाँ पे निकल चुकी है, मिहिर के जो मेट्स हैं वहाँ पे नीड्स वगैरह पुल थ्रू करते हुए दिख रहे हैं, बट शेडेक्स क्या सर्वाइव कर पाएंगे, क्या अपनी टीम को बचा के लेके जा पाएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। देखिए सामने आपको कुछ खिलाड़ी देखने को मिलने वाले हैं, बट थोड़ी जल्दी कर दी इन्होंने, कुछ ज्यादा ही अर्ली इन्होंने अपने स्पेस दे दिए, अब यहाँ पे एक 1v1 तो लिया, बट इसी के साथ द मैच इज ओवर, एज यू ऑल कैन सी द फाइट इज प्रीटी मच ओवर, बिना बिना चिकन एंड गोज इनटू द हैंड्स ऑफ टीम नंबर 13 यानी कि टीम फैंटम यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से, और शुरू से टीम ऑप्टिमस काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे चिकन डिनर निकाल के लेके गई है, बहुत ही शानदार फिनिशिंग के साथ मानना पड़ेगा गाइस, 12 किल के साथ ही टीम चिकन निकाल के लेके जाती है। आई मीन व्हाट मोर डू यू वांट एट दिस पॉइंट, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा पॉइंट सिस्टम में आप देखने को मिलेगी, इसी के साथ द गेम इज डन, द फाइट इज ओवर एंड आई विल बी सीइंग यू। वेल गाइस मूविंग ऑनवर्ड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का आखिरी मैच, सॉरी टू बी प्रिसाइज, अभी यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से मैं कहूंगा फिलहाल ब्रेक अभी मिलेगा आपको, इसके बाद 7:30 पे अगला मैच देखने को मिलने वाला है, सो काफी लंबा ब्रेक रहेगा और स्ट्रीम पे ही आखिरी मैच आपको देखने को मिलने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रीम चलाई जाएगी क्योंकि आपको 7:30 बजे चालू होती हुई दिखेगी, और उसके बाद कल बाकी के 8 मैचेस देखने को मिलेंगे। सो आज के दिन 8 मैचेस होने थे जिनमें से 4 मैचेस ऑलमोस्ट यहाँ पे ओवर होने वाले हैं बिकॉज ये 4th मैच, और इसके बाद जो अगले 4 मैचेस देखने को मिलेंगे वो आपको शाम को 7:30 बजे से ट्यून इन होते हुए दिखेंगे, 11:30 तक आएगी इस रात में। बट एनीवे गाइस फाइट यहाँ पे चालू हो चुकी है, देखते हैं किस तरह का एग्जीबिशन यहाँ पे निकलता है, क्या टीम्स अपना गेम अपलिफ्ट कर पाएंगी या फिर नहीं कर पाएंगी, देखते हैं किस तरीके से इनका फिनिशेज यहाँ पे निकलती हैं, कैसे इनका जो है गन गेम वो देखने को मिलेगा, उस चीज़ पर हम यहाँ पे बात जरूर से करेंगे। बट अभी के लिए मुझे टीम्स यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा बैकएंड पे देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं सर्वाइवल इनके लिए काफ़ी क्रूशियल देखने को मिलेगा। सो ये सब कोर्स टीम्स कंप्लीट करेंगी। वन सिस्टम में भी अप्स एंड डाउन से आप जरूर से आते हुए देखेंगे, बट फिलहाल पहली जोन जो है वो आपके सामने ऑलरेडी देखने को मिलने वाली है। और ये पहली जोन आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पर तो नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल सेंटर में काफ़ी सारी टीम्स हैं, कुछ टीम्स ऐसी हुए मेल्टा पे जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं लगी अगर हम बात करें यहाँ पर फिलहाल फिनिशर्स की, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको टीम डोमिनिक की बात करें जाए वो आपको देखने को मिलने वाले विस्की प्रेजेंटर सामने, देखते हैं विस्की किस तरीके से यहाँ पे रिटायरेट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए देखेंगे। लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। विस्की की अगर बात करें जाए मलाई गेस विस्की यहाँ पे जाते हुए देखेंगे, जरा को रिवाइव देने की कोशिश यहाँ पे रहेगी। बहुत ही बखूबी यहाँ पे रिवाइवल दे दिया गया, बट फिलहाल आप देख सकते हो इतने छोटे से एरिया में कितना मस्त यहाँ पे फाइट देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हो बहुत ही छोटे एरिया में आपको बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। रोजा के छोटे से एरिया में तीन तीन टीम्स आपको फाइट के अंदर देखने को मिलने वाली है। सैन कमांडर पानी के अंदर डूब के यहाँ पे मारे जा चुके हैं, बिकॉज वो रूम मेकर थे, ही वॉज नॉट द वन हु वाज एक्चुअली गोइंग टू फाइट इट अप एंड इवेंचुअली टेक अ पार्ट। बट एनीवे दिस इज हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन। देखते हैं किस तरीके से फाइट यहाँ पे निकल के आ पाती है। बट चलिए बात करते हैं यहाँ पर फिलहाल नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस की, उनकी भी हम बात करेंगे। टीम नंबर 14 की बात करें जाए प्रोफेसर रूथ के सबके सामने हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज टू एक्स स्कोप पर, उसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे आई गेस अमेकिन स्काईवॉक। देखते हैं फिनाश उनके किस तरीके से निकलते हैं और कितने से एग्रेशन देखने को मिलने वाले। पर आप जैसे कि देख सकते हैं डोमिनिक डेरेक इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से छोटे छोटे गैप्स को आप होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, छोटे छोटे एरियाज को आप अपलिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। बट देखते हैं किस तरीके से फिनिश आप निकल के आवाज है उनके आगे मूविंग ऑनवर्ड। जैसे कि मुझे लगता है फिलहाल जो क्लैशेज हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे, डेवलपमेंट्स और देखने को मिलेंगे लॉबी के अंदर। बट अभी के लिए स्लो पेस गेम प्ले, बट टीम ऑफ 14 हैज डिसाइडेड टू पुश इन। बहुत ही बखूबी यहाँ पे पुश करते हुए दिखेंगे एंड ये पुशन्स का रिजल्ट्स वेल स्पेस यहाँ पे जरूर दिए गए। फिलहाल यहाँ पे डोमिनिक का बच पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे देखने को जरूर से मिल रहा है। हालांकि टीम ऑफ 14 के खिलाड़ी जिस तरीके से पुश कर रहे हैं इसके लिए ट्रबल सम जरूर देखने को मिलेगा। विस्की की तरफ से डॉक्टर स्ट्रेंज को भी यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा, विच इज गुड इनफ। और यहाँ पे देखिए इसे नॉकआउट के साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्लैशेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले, विच इज गुड इनफ फॉर देम। डायरेक्ट की अगर बात करें चाहे आप यहाँ पे बैक हेल्प पे देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे निकलते हैं। वंस अगेन स्पेस यहाँ पे देने की कोशिश रहेगी, टेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल बहुत ही बढ़िया मौके का इंतजार यहाँ पे रहने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज जिस तरीके से रिवाइवल लेते हुए देखेंगे, विच इज गुड इनफ। डायरेक्ट की बात करें अभी यहाँ पे बैक एंड पे ही देखने को मिलेगा ये खिलाड़ी, बट डायरेक्ट बहुत ही बुरी तरीके से ऑफ गार्ड पकड़े गए। बट पीछे से यहाँ पे देखिए बैकअप जरूर से दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासा बैकअप आप उन्होंने दिया। प्रोफेसर को भी यहाँ पे नॉक करते हुए देखेंगे, प्रोफेसर लूथर्स वाज आल्सो टेकन डाउन। लेफ्ट से एक और शानदार स्प्रे यहाँ पे देखने को मिल सकता है, एंड दैट स्प्रे इफ इट कम्स इन बहुत ही ज्यादा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलेगा इनके लिए। तो वन वी वन यहाँ पे लिया, शानदार टेक आउट देखने को मिलेगा। नो इट वॉज नॉट एन ओपनिंग एंड यहाँ पे इजीली तो उन खिलाड़ी को डाउन करते हुए देखेंगे। विस्की बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग यहाँ पे अपनी टीम के आखिरी उम्मीदवार देखने को मिलने वाले। विस्की अगर वो बच जाते हैं तो इनके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा फेवरेबल देखने को मिलेगी। स्प्रे दिया काफी शानदार तरीके से विस्की के, स्प्रे कनेक्ट यहाँ पे होते हैं विच इज गुड इनफ। नाउ विस्की हैज टू डू द कंफर्टिंग टास्क, ही हैज टू एक्चुअली जस्ट गो अहेड एंड एलिमिनेट द स्क्वाड्स। और यहाँ पे देखिए फिलहाल स्प्रे देने की कोशिश जरूर से रहेगी। विस्की की तरफ से दो फिनिश यहाँ पे जरूर से निकल चुके हैं, बट आखिरी खिलाड़ी को किस तरीके से टेकआउट कर पाते हैं वो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे निकलेगा। इजीली टेकआउट यहाँ पे किया, विस्की को भी फिनिश करते हुए देखेंगे। इसी के साथ ये टीम के पास चार के यहाँ पे आ चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से खिलाड़ियों का लॉस हुआ है वो इस टीम के लिए काफी ज्यादा डिट्रीमेंटल रहेगा आगे की फाइट्स के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी प्लेयर्स का लॉस हो चुका है इनके लिए, और टीम नेमेसिस इज आल्सो रेयर राइट नाउ। टीम नेमेसिस के खिलाड़ी भी काफी अच्छा खासा गेम यहाँ पे निकाल सकते हैं और अपने फिनिश के साथ बहुत ही बढ़िया एलिमिनेशन निकाल सकते हैं। वेल देन अगेन अगर हम बात करें फिनिशर्स की, वहाँ पे अभी आपको काफ़ी ज़्यादा वाइटल चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। बट अगर हम बात करें 17 टीमें और 61 खिलाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट अभी भी जो यहाँ पे कहने के फिनिशर्स है वो देखने को नहीं मिल पा रहे, जो पॉइंट सिस्टम है वो भी देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। बट लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट। बट फिर भी यहाँ पे कहने की कोशिश जरूर से यहाँ पे करते हुए देखेंगे।
ओह दैट वाज अ डैम गुड नीड गाइस, बहुत ही वेल प्लेस्ड नीड यहाँ पे देखने को मिला है। उस नीड के कनेक्शन के साथ ही टीम नेमेसिस ने ओपनिंग यहाँ पे कर दी है। डोमिनिक जरा का बच पाना इससे मुझे काफी मुश्किल देखने को मिलेगा। एंड विस्की ऑलरेडी यहाँ पे पूरा पूरा फॉल बैक कर चुके हैं, बिकॉज उनका वहाँ पे रुकना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। दैट इज वाई ये फॉल बैक शायद इनको आगे यहाँ पे जरूर से हेल्प करेगा। बट अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये फॉल बैक करते हुए देखेंगे। बट नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, यहाँ पे जो इनके फिनिशेस है वो शायद आपको और भी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंगेज होते हुए, और देखते हैं किस तरीके से क्लैश यहाँ पे निकलता है, कितने और पॉइंट्स को आप टीम लेके जा पाएंगे उस चीज़ पर हम लोग आपके पास जरूर से करते हुए दिखेंगे। और हालांकि अभी जैसी फिनिशेज हैं, जैसी फाइट्स हैं, जैसे क्लैशेज हैं वो काफ़ी वाइटल देखने को मिल रहे हैं। बट आई गेस वी हैव गॉट अनदर कंटेस्टेंट कमिंग अप। टीम डोमिनिक के खिलाड़ी तो ऑलरेडी नॉक यहाँ पे हो रहे हैं, बट फिलहाल अब जो हमारे खिलाड़ी हैं वो फिलहाल टीम नंबर 15 को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। और टीम नंबर 18 से आप इनका कहने की क्लैश देखने को मिल रहा है। अमलान ऑलरेडी नॉक आउट है, टीम 15 के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। अमलान जैसे खिलाड़ी यहाँ पे नॉक आउट देखने को मिलेंगे, सो अगेन ट्रबल तो बढ़ेगा ही। पिछले मैच में आई गेस यहाँ पे कहीं ना कहीं 1v1 इन्होंने लिया था, काफ़ी अच्छा खासा जीते थे फिलहाल पिछले मैच के अंदर फाइट। बट इस मैच के अंदर देखते हैं किस तरीके से कम्पीट है पे ऊपर थे लोग। दैट वॉज अ डेडली नेट, बट फिर भी यहाँ पे बचते हुए दिखेंगे। चलिए गाइस मूविंग ऑनवर्ड्स, देखते हैं किस तरीके से इनके फिनिश यहाँ पे निकल के आ पाती है। और यहाँ पे वन सेकेंड यहाँ पे देखें नीड्स वगैरह पे डालते हुए दिखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इनके अनाउंसमेंट यहाँ पे निकल के आ हुआ था। बट फिलहाल अगर हम बात करें इस समय यहाँ पे जो इनका फर्स्ट एड किट्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल देखने को मिलेगा इनके लिए, और ऐसे ही हील वील करते हुए दिखेंगे। बट लेट्स अगेन हाउ द फाइटर्स एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। टीम 9 डॉक्टर 4 डॉक्टर्स की बात करें जाए इनके लिए दिक्कत यहाँ पे जरूर से देखने को मिलने वाली है। देन अगेन यहाँ पे इनको टेकआउट किया जाएगा, फिनिश ऑफ यहाँ पे किया जाएगा। दो किल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैडॉक की बात करी जाए वो आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे अगर बात करें डॉग पेंटोप की बात करी जाए काफ़ी अच्छे खासे फिनिशर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। टीम 4 डॉक्टर्स भी यहाँ पे सफर करते हुए दिखेंगे। बट मूविंग ऑनवर्ड्स इफ टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर टीम नोन एज आई गेस टीम ऑप्टिम टीम ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमस की बात करी जाए तो इस पर्टिकुलर टीम के पास यहाँ पे देखिए अभी 0 फिनिशर्स देखने को मिल रहा है। बट आई गेस धीरे धीरे करके जैसे मैच आ रहा आगे एनहांस होगा शायद और ज़्यादा फिनिशर्स यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे और आगे कहीं ना कहीं पंच करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो स्प्रेज आते हैं, लुक एट दैट, बहुत ही अच्छा खासा आपको डैमेज देखने को मिलने वाले फिलहाल। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे कंटेस्टमेंट की वो भी आपको देखने को मिलने वाले। बट फिलहाल यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से क्लैशेस निकलते हैं। दैट वॉज स्प्रे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्प्रेस डालते हुए दिखेंगे। फिलहाल टीम नंबर 9 यानी कि 4 डॉक्टर्स स्क्वाड मैडॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा प्रेशर में देखने को मिलने वाले हैं। मैडॉक इस समय प्रोन डाउन है, एक यहाँ पे ऑलरेडी टीम नंबर 13 को मिल चुका है। ऑलरेडी गोस फॉर 1v1, मैडॉक ने यहाँ पे जंप करके स्पेस देने की कोशिश, बट मैडॉक को भी टेकआउट किया जाएगा। विद दिस द फाइट इज प्रीटी मच ओवर, एज यू कैन सी द गेम इज डन फॉर देम। टीम 4 डॉक्टर्स इज आउट ऑफ इक्वेशन। टीम 15 की बात करी जाए एक्सरेट यहाँ पे निकलते हैं, 1v1 लेने की कोशिश रहेगी। बट एक्सरेट यहाँ पे खुद डैमेज आउट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसी के साथ इनको भी टेकआउट यहाँ पे किया जाएगा। लॉर्ड सूरज की बात करी जाए वो बहुत पीछे यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी बैकअप तो नहीं मिलने वाला। वेल ऑफ कोर्स अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स एलीट फोर्स की यहाँ पे तो देखिए उनकी तरफ से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। एनिग वॉइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फिलहाल। चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से इनका एग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एनिग वॉइड तो ऑलरेडी फॉल बैक कर चुके हैं, बिकॉज इनकी टीम के 3-3 खिलाड़ियों को ऑलरेडी लॉस देखने को मिलेगा है। अब यहाँ पे बच पाना अगेन यहाँ पे काफ़ी ट्रबलसम था। ऑल राइट नाउ यू कैन सी दैट एक्सरेफ के खिलाड़ी यहाँ पे रोटेट करते हुए देखेंगे और यहाँ पे निकल चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ओपन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। बट चल कहीं ना कहीं जो अपना जो फिनिश है वो निकाल के नहीं लेके आ पा रहे हैं। बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से एंगेजमेंट आपको देखने को मिलने वाला है।
अब देखिए इंगेजमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं टीम सेंट्रल्स की। यहाँ पे बात कर लीजिए तो फिलहाल वो रोटेट यहाँ पे करते हुए दिखने फटाफट से यहाँ पे, और कहीं ना कहीं अपनी जो रोटेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर डालते हुए दिखेंगे। बट चलिए देखते हैं इनकी रोटेशन किस तरीके से वाइटलाइज यहाँ पे होते हुए दिखेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल उसी की तरफ अगर हम बात करें नेक्स्ट मैचेस की, वो भी आपको आपको देखने को मिलने वाली है। बट मूविंग ऑनवर्ड्स इफ टॉक अबाउट टीम नंबर सिक्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी बादशाह। उसी के अलावा जनार्दन देखने को मिलने वाले, गोल्ड फ्लैग भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले। बट फिलहाल यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से गेम यहाँ पे निकल के आ पाता है। और वहीं अगर हम बात करें टीम नंबर 10 की, बात यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं वी हैव गॉट डॉक्टर ए के एम, और उसके अलावा वी पी स्वाधीन भी देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए टीम्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी, कुछ अच्छे फिनिशर्स निकालने की भी कोशिश यहाँ पर जरूर से रहने वाली है, तो हमको जरूर दिखाएंगे। बट आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल इनफ फॉर देम टू एक्चुअली टेक ओवर। मैं जा रहा गंदी पानी, अच्छा बीबीएस है, मैं समझा नहीं आप लिखना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल विश्वजीत भाई अब सेकंड जोन इसी के साथ कहने के कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे होती हुई देखेंगे, देखते हैं सेकंड जोन किस तरीके से यहाँ पे निकल के आ पाता है। पूरी पूरी जोन जब यहाँ पे फिनिश अप होगी तो उसके बाद यहाँ पे और भी ज्यादा नए क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। आई बिलीव यहाँ पे काफी ज्यादा मजेदार फाइट्स देखने को मिलेंगी, टीम्स कंप्लीट करती हुई दिख रही है, टीम फिनिश यहाँ पे निकालते हुए दिखेंगे जरूर से यहाँ पे। बट मूविंग ऑनवर्ड्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ चैलेंज। टीम नंबर 19 की बात करें, यहाँ पे आपको सैमी और रेड यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, उसके अलावा कॉमरेड आपको देखने को मिलेंगे। अब हर एक खिलाड़ी अपने पॉइंट्स किस तरीके से निकालेगा यही एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। हालांकि जैसे जैसे जोन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे टीम्स आपको कंप्लीट आप से करती हुई दिखेगी। बट लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। वेल अगेन द स्पेस आर देयर यहाँ पे फिलहाल, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लैशेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गॉड जोनाथन की बात करें, जोनाथन की बात करें जाए टू बी यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से फिनिश आप निकल। देन अगेन स्पेस यहाँ पे दिया जा रहा है, बट फिलहाल यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से नीड यहाँ पे निकल के आ पाता है। बट फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे किस तरीके से एग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट अगर बात की जाए गोल्ड फ्लेक की वो आपको देखने को मिले। देखिए यहाँ पर लगातार 3-4 थ्रोएबल्स का यहाँ पे यूज देखने को मिलेगा, बट फिर भी थ्रोएबल्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे उनके। लगातार कोशिश करते हुए देखेंगे, लगातार नीड्स पे नीड्स यहाँ पे करते हुए देखेंगे, कोशिश यहाँ पे जरूर से रहेगी कि शायद ये नीड कनेक्ट हो जाए। इफ दैट हैपन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे इनके लिए यहाँ पे चांसेस देखने को मिलेंगे। अगर नीड यहाँ पे इनका सही टाइम पे कनेक्ट होता है तो दैट इज वुड बी अमेजिंग। लेट्स सी हम, लेट्स सी आप रियली अमेजिंग। मैं अगेन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर्ड अप करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए दिखेंगे, और यहाँ पे फिनिशर्स निकालने की कोशिश यहाँ पे जरूर से यहाँ पे देखने को मिलेगी। बस जैसे ऐसे मैच आगे निकलेगा टीम्स कंप्लीट यहाँ पे जरूर से करते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे टीम नंबर 6 से, आपको उनकी तरफ से भी खिलाड़ी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही टीम्स यहाँ पे अभी एंगेज करने की कोशिश कर रही है, बट फिलहाल जो लेवल ऑफ एंथुसियाज्म में जो फिनिशर्स हमें रिक्वायर्ड है वो देखने को नहीं मिल पा रहे। सो थोड़ी देर का हम लोग यहाँ पे इंतजार और करना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट जोन जैसे ही आएगी आई बिलीव आपको ये क्लैशेस देखने को मिलेंगे, आपको ये फाइट्स, आपको ये थ्रैशेस देखने को मिलने वाले हैं, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी रियली वेरी लवली फॉर द टीम पर्टिकुलरली। स्टिल गाइस दे आर सर्वाइविंग एंड दे आर डूइंग इट वेरी ब्यूटीफुली।
टीम एक्सरेफ, नो डाउट इन दैट। अमित कुमार आपकी जो टीम एक्सरेफ है भाई, उनका परफॉर्मेंस तो मानना पड़ेगा काफ़ी काबिले तारीफ है। पर इसी के साथ टीम नंबर 6 के खिलाड़ी को अप डाउन किया जाएगा। आप यहाँ पे फ्लेक निकलते हुए दिखेंगे, लेट्स सी हाउ द फ्लेक इज एक्चुअली गोइंग टू होल्ड इन। बट यहाँ पे एक 1v1 दिया बखूबी, 1v2 यहाँ पे करते हुए दिखेंगे फ्लेक की तरफ से। काफी शानदार शॉट्स यहाँ पे देखने को मिले, आउटकम आपके सामने। दैट टीम नंबर 10 यहाँ पे आप खतरे में देखने को मिलने वाली है। स्वाधीन नॉकड आउट है, डेविल एसके 18 ऑलरेडी आ चुके हैं प्रेशर देने के लिए। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगे दूसरे खिलाड़ी जो कि यहाँ पे रोटेट करते हुए देखेंगे। एपेक्स प्रेडेटर डिसाइड्स टू रोटेट एंड इवेंचुअली गो फॉर द रिवाइवल्स। अगर रिवाइवल पॉसिबल हो पाता है इनके लिए तो वो चीज़ बेटर देखने को मिलेगी। वो डेविल एसके 18 ऑलरेडी यहाँ पे कुछ शॉट्स रिसीव करते हुए देखेंगे। एसके 18 वॉज टेकन डाउन एंड विद दिस एपेक्स प्रेडेटर बिकम्स द ओनली मैन स्टैंडिंग ऑफ इस पर्टिकुलर टीम। यहाँ पे आखिरी उम्मीदवार देखने को मिलेंगे आपको अपनी पर्टिकुलर टीम के ही। फिलहाल रिवाइवल इनके लिए कहने के काफ़ी टफ है। ऑल राइट, नाउ द प्रेशर इज एक्चुअली गोइंग टू राइज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिलहाल जोनाथन यहाँ पे रिवाइवल के लिए जाते हुए देखेंगे। एसके 18 का बच पाना इस समय बिल्कुल इंपॉसिबल है, बट एपेक्स प्रेडेटर यहाँ पे स्वाधीन को जरूर से रिवाइवल देते हुए देखेंगे, विच इज गुड इनफ। यहाँ पे बहुत ही बखूबी अपने प्लेयर को यहाँ पे रिवाइवल दे चुके हैं। बट नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, चलिए देखते हैं किस तरीके से फिनिश यहाँ पे देखने को मिलेगा। जोनाथन की बात करें जाए, उनके ऊपर यहाँ पे जरूर दिए जाएंगे। जोनाथन को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिट किया जाएगा। चौथी जोन भी आती हुई दिख रही है, डैमेजेस यहाँ पे जरूर से देखने को मिलेगा। बट सर्वाइव यहाँ पे कर पाना इस पर्टिकुलर टीम के लिए यहाँ पे देखने को मिलने वाला। पंद्रह टीमें, 43 गाड़ी यहाँ पे देखने को, किस तरीके से इनका गेम यहाँ पे निकल के आ पाता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए जोन के अंदर जा पाना है टीम्स के लिए यहाँ पे निकल पाना बहुत ही डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। बट जो टीम जोन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे मूव इन कर चुके हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे देखने का क्या होता है। स्वधीन आपको अभी बैक एंड पे देखने को मिलेंगे, जोनाथन अभी भी सर्वाइव करते हुए देखेंगे। स्वधीन की बात करें जाए, देखिए स्पेस यहाँ पे दिया जाएगा स्वधीन के पास, बहुत ही बखूबी यहाँ पे डाउन किया गया। फिलहाल नीचे के साथ टेकआउट यहाँ पे करते हुए देखेंगे। दैट सेट वेल रिवाइवल तो यहाँ पे दे दिया जा रहा है, बट अब जोन के अंदर किस तरीके से पहुंचेंगे वो भी एक मेजर टास्क यहाँ पे देखने मिलने वाला है, बिकॉज गाड़ी ऑलरेडी काफ़ी डैमेज है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इस समय पर्टिकुलर टीम नंबर 6 के कुछ और खिलाड़ियों के, जैसे कि आप देख सकते हैं बंडिया पे पोजिशन कर रहे हैं, फ्लेक भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेट्स सी हाउ दे आर एक्चुअली गोइंग टू गेट कॉम्प्रोमाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लैम देने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करी जा रही है, बट फिर भी देखते हैं किस तरीके से गेम यहाँ पे अगर निकल के आपत है। पंद्रह टीमें, 41 खिलाड़ी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। फ्यूरी एलियास यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, बट देन अगेन टीम नंबर 8 की बात करें जाए, अरे यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए इस समय चुपचाप इंतजार करते हुए दिखेंगे, बिल्कुल भी यहाँ पे मूवमेंट्स नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी मैसअप नहीं करना चाह रहे हैं इन पूरी फाइट्स को। और यहाँ पे फिलहाल देखने किस तरीके से इंगेजमेंट इनकी बढ़ पाएगी। हालांकि शॉट्स बहुत ही बखूबी यहाँ पे लिए जाएंगे, टेकआउट करने की पुरजोर कोशिश यहाँ पे जरूर से करी गई थी, बट फिर भी सर्वाइवल एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे और कितने क्लैशेस को डिमांड यहाँ पे कर पाएंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। बट प्यूरी होली हीलियर्स यहाँ पे निकल चुके हैं फटाफट से जोन के अंदर जाने के लिए। वन सेकेंड अगर जोन के अंदर पहुँच जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगा। बूस्टर्स का यूज़ यहाँ पे सामने इनको एक व्हीकल देखने को मिलने वाला है। एंड फिलहाल फटाफट से ये व्हीकल जो है इसका यूज़ करके वो आगे यहाँ पे मूव इन कर सकते हैं। दैट वुड बी गुड इनफ। एंड एक बार अगर यहाँ पे सर्वाइव कर ले जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे मच बेटर यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। अदरवाइज नाउ एट दिस पॉइंट वुड लाइक टू से दैट अ लॉट ऑफ कंटेस्टमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। बट मूविंग ऑनवर्ड्स यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा टीम गेन करती हुई दिखेगी अपनी फाइट्स को। और यहाँ पे अभी के लिए टीम्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैक एंड पे देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हीरोज आपको देखने को मिलेंगे, एक्सेल फोर्स के खिलाड़ी ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं, बट सेल जो खिलाड़ी अब यहाँ पे बचे हैं देखते हैं वो किस तरीके से गेम अपना निकाल के आ पाते हैं।
एक्सेल इट फोर्स इज टेकिंग अ टीपीपी और यहाँ पे इस समय टीपीपी का इंतजार करते हुए देखेंगे। वंस दैट टीपीपी कम्स इन बहुत ही इजीली यहाँ पे कहने के पॉइंट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पे कहने के इंतजार जरूर से करते हुए देखेंगे और फिनिशेस निकाल पाना है टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन भरा देखने को मिलेगा। हालांकि ये देखिए आज का जो ब्रेक से पहले के चार मैचेस हैं उनका लास्ट मैच यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये चार मैचेस कहने के एक अच्छा खासा इंप्लीकेशन दे सकते हैं दैट आप फाइट्स के अंदर किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि सिर्फ मात्र ही 18 टीम्स ही खेलते हुए दिखेंगे, देर इज नो अदर टीम विच इज गोइंग टू कम्पीट। तो यही 18 टीम है फाइट लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन एंड हाउ मच मोर ऑफ परफॉर्मेंस दे कैन एक्चुअली पुल थ्रू। देन अगेन इन टीम्स का कंप्लीट कर पाना आप जैसे कि देख पा रहे हैं काफ़ी डिफिकल्ट होता जाएगा जैसे जैसे जोन श्रिंक होती हुई जा रही है, बिकॉज 36 सेकंड हमारे पास मात्र और बचे हैं। उसके बाद पांचवीं जोन भी यहाँ पर श्रिंक होती हुई दिखेगी और ये पांचवीं जोन अगेन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेशन लेके आती हुई दिखेगी। चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से फिनिश इनका निकल के आ पाता है। फिलहाल वहीं अगर बात करूँ नेमेसिस की तो आपको वो भी देखने को मिलेंगे, नेमेसिस के खिलाड़ी भी पूरा पुश करते हुए दिख रहे हैं। आइटम की बात करें जाए वो भी देखने को मिलेंगे, वी हैव गॉट प्लेयर 007 ऑल्सो इन द सीन। चलिए देखते हैं गाइस किस तरीके से इनके फिनिशर्स यहाँ पर निकल के आ पाते हैं। इस समय मिस्टर हंट के अलावा आपको बाकी प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे, बट देन अगेन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ड्राइव होती हुई दिखेगी। टीम नंबर 19 की बात कर लीजिए, सैमी ओडनेट को भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा एंड विद दिस वन मोर कैजुअल्टी वाज देयर। बट मूविंग ऑनवर्ड्स इफ वी टॉक अबाउट टीम नंबर 3 आपको सेंट्रल के स्क्वाड के मात्र 3 किल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस समय टीम सेंट्रल भी अपना यहाँ पे जो कब्जा है वो जरूर से बना के रखी है, अपने फिनिशर्स को भी यहाँ पे जरूर से निकाल के रखी है। फिलहाल चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से गेम इनका निकल के आ पाता है एंड अगर हम बात करें मूविंग ऑनवर्ड्स और ज़्यादा फिनिशर्स की आपको वो भी देखने को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे आपको टीम नंबर 13 के भी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। एट्रोपाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, भाई सबको पहले का प्रेजेंट है। फैंटम ओपी भी आपको देखने को मिल रहे हैं, स्पॉट करते हुए देखने ऐसे मौके का इंतजार करते हुए देखने जहाँ से फिनिशर्स निकाल के लेके जा पाए। हालांकि वी ऑल नो दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, हमको जहाँ तक देखने को मिल पा रहा है यहाँ पे आसान बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। टीम्स कंप्लीट करने की अभी पुरजोर कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे, बट चलिए गाइस देखते हैं आगे के फिनिश किस तरीके से निकलते हैं। वो इसकी बात करें जाए आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे होक्रक्स एंड दी अदर मेंबर्स विच आर ट्राइंग टू एक्चुअली परफॉर्म एंड इवेंचुअली गेटिंग दोस क्लोजर्स इज गोइंग टू बी द केस फॉर दिस टीम। मूविंग ऑनवर्ड्स देखते हैं किस तरीके से टीम सर्वाइव यहाँ पे करके लेके जा पाती है और किस तरीके से पॉइंट सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा टीम्स की तरफ से वो भी देखना चाहूंगा। हालांकि देखिए एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, टीम का सर्वाइवल भी आपको काफ़ी टफ यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट फिर भी कैजुअलिटीज को अपने डिप्लॉय करते हुए देखेगी टीम और यहाँ पे कोशिश जरूर से रहेगी कि फिनिशर्स अपने निकाल के लेके जा पाए जिस तरीके से रिक्वायर्ड है। हालांकि आगे पीछे लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्लैम्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे स्पेस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे सबको यहाँ पे कहने की टीम्स एंगेज करने की अभी भी कोशिश करते हुए दिख रही है, टीम्स अपना गेम फॉरवर्ड आगे यहाँ पे करेंगी एंड अपने जो पॉइंट सिस्टम है उसमें भी आपको यहाँ पे अप्स एंड डाउन जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। गुड इनफ फॉर देम, मूविंग ऑनवर्ड्स देखने का इस कितने और गेम का निकाल के लेके जा पाती है, आपकी क्या ओपिनियन है इस पर कमेंट करके जरूर से आप बताइए। लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गेट फाइंड आउट फ्रॉम दिस कॉर्नर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी बुरी तरीके से टीम के खिलाड़ियों का डाउन किया जाएगा। इस समय टीम ऑप्टिमस ने काफ़ी अच्छे तरीके से फिनिशर्स यहाँ पे निकाले हैं। एक्सेलेंट फोर्स की स्क्वाड की बात करें जाए उनके लिए भी अब दिक्कतें बढ़ने वाली है, मात्र 3 किल के साथ आपको ये टीम देखने को मिलेगी और सामने टीम नेमेसिस के मेंबर्स का पूरा पूरा पुश आता हुआ दिखेगा। इस पुश के अंदर सर्वाइव कर पाना इस टीम के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, बट गाइस आप लोगों से दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से यहाँ पे करिए, बिकॉज आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल देखने को मिलेगा। 1v1 यहाँ पे काफ़ी लिया बखूबी, बट फिलहाल संजीत को भी फिनिश ऑफ करेंगे। इसी के साथ टीम एक्सेलेंट इज ऑल्सो आउट ऑफ इक्वेशन, सारी की सारी वैसी टीम है गाइस जो कि यहाँ पे ऑल लॉबी के अंदर एग्रेसिव
एग्रेसिव हैं वही सर्वाइव कर रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेंटिनल्स की बात कर रहे हैं, नेमेसिस की बात कर रहे हैं या फिर बात करें टीम ऑप्टिमस की तो वो भी सर्वाइव करते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद टीम नंबर 17 भी सर्वाइव करते हुए दिख रहे हैं। तो यानी एग्रेसिव से एग्रेसिव बंदे आपको इस समय लॉबी के अंदर सर्वाइव करते हुए दिख रहे हैं, ये एग्रेशन आप इनको कहीं ना कहीं काफी आगे लेके जाता हुआ दिखेगा, दैट्स गुड इनफ फॉर देम। टीम ऑनवर्ड्स देखते हैं किस तरीके से गेम इनका निकल के आ पाता है, किस तरीके से पॉइंट्स को अपने फेवर में आप लेके जा पाएंगे, बिकॉज इसी वन में लेने गए बट नहीं चोक करते हुए दिखेंगे। इसी के साथ जो आखिरी खिलाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं वही आपके सामने प्रेजेंट है, रस्टिक कोर आपको देखने को मिलने वाले हैं, एंड दिस इज हाउ द गेम एक्चुअली वॉन्ट। मॉलीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, कुछ और अच्छी मॉलीज का यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखेंगे, बट टीम नेमेसिस इस समय काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, फोर मैन पावर प्रेजेंट है, नॉक किल यहाँ पे वो टीम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेंटिनल्स के पास मात्र 4 किल देखने को मिलेंगे। वही टीम ऑप्टिमस की बात करें जाए इनकी तरफ से मुझे काफी अच्छा खासा एग्रेशन यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है, काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, बट मूविंग ऑनवर्ड्स देखते हैं किस तरीके से गेम निकलता है। सामने टीम नंबर 3 के खिलाड़ी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एट्रोपाइन प्रेजेंट है, फैंटम ओपी देखने को मिल रहा है, उसके अलावा सेंटिनल्स के भी खिलाड़ी आपको काफी अच्छे तरीके से वेल प्लेस्ड गेम प्ले को मेंटेन यहाँ पे करते हुए दिखेंगे, बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से इनका गेम यहाँ पे निकल के आ पाता है। हालांकि जितने भी एरियाज हैं, जितने भी कवर्स हैं, जितने भी फ्लैग्स हैं, उनको ले पाना इस टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे निकल के आएगा, बट इस चैलेंज को किस तरीके से अपलिफ्ट करते हैं वो सबसे मेजर टास्क देखने को मिलेगा। एट्रोपाइन वॉज स्पॉटेड, शॉट्स यहाँ पे ले गए और उनके हेड पे यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखेंगे, बट किंग ओपी को डाउन करते हुए दिखेंगे टीम नेमेसिस के खिलाड़ी, विच इज गुड इनफ। टीम नेमेसिस एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चेओस इन द लॉबी, नेमेसिस के खिलाड़ी लगातार पॉइंट्स को उठाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं, आपके सामने रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल पा रहे हैं, लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। वेल अगेन द नीड कम्स इन, जस्ट इज हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन, और आपके सामने यहाँ पे बिना बिना चिकन डिनर लाती हुई टीम दिख रही है फिलहाल, एंड जिस टीम ने यहाँ पे बिना बिना चिकन डिनर लाया है वो हमारी टीम नेमेसिस, 14 किल करके आज के यहाँ पे राउंड वन का छोड़े से फाइल्स का राउंड वन एक तरीके से मान लीजिए उसका समाप्ति करते हुए दिखेगी, एंड आपके सामने देखने को मिलने वाला है पूरा पूरा स्टार्ट्स, एज यू ऑल कैन सी दिस इज हाउ द मैच वेंट डाउन, दिस इज हाउ द गेम एक्चुअली वेंट डाउन, एंड यहाँ पे आपको टीम नेमेसिस बहुत ही बखूबी परफॉर्म करते हुए दिखे, एंड इसी के साथ द गेम इज डन, द फाइट इज डन, सो ऑफ द मैच आपके सामने देखने को मिलने वाले हैं, प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट फाइट टू कम इन एट दिस मोमेंट वुड लाइक पैराडाइज बीजी माय चैंपियनशिप होस्टेड बाय एनके विजी कॉलेज ओडिशा स्टेज इंटर कॉलेज क्वालीफायर्स, जहां पर 27 टीमें हमारे साथ जुड़ने वाली है और 27 टीमों को टीम ग्रुप्स में बांट दिया जा चुका है, जहां पर वो ग्रुप्स रहने वाले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, एंड हर एक ग्रुप के दो दो मैचेस होने वाले हैं, एंड ये जो मैच अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी का रहने वाला है, जहां पर हर टीम को जैसे मैंने बताया दो ग्रुप में बांटा गया, दो ग्रुप्स आपस में खेलेंगे, हर ग्रुप को दो दो मैचेस मिलने वाले, एंड वहां से ओवरऑल मैचेस देख सकते हैं होते नजर आएंगे, हर एक टीम 4 मैचेस खेलते हुए नजर आने वाली है, एंड ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बाद टॉप 18 टीम्स हमारे सामने निकल कर आएंगे जो कि आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, हर एक टीम को वहां 12 मैचेस मिलेंगे फॉर द फाइनल्स, तो देखा जाएगा किस तरीके से टीम्स यहां पर प्रदर्शन करती हैं, एंड फ्लाइट पाथ देख सकते हैं सेंट्राइज एकदम निकल कर आए कोपा से लेकर यहाँ गटका के ऊपर से होते हुए नजर आ रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये मैच हमारे सामने निकल कर आएगा, एंड टीम्स किस तरीके से जो है प्रदर्शन यहाँ करते हुए नजर आएंगे, तो वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड सही चीज यही रहने वाली है कि किस तरह से प्लेयर्स यहाँ पर हमारे सामने खेलने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी निकल कर आने वाला है, एंड यही पर बात करिए यासना के आसपास देख सकते हैं हमारे सामने प्लेयर्स के बीच में कस्टर जरूर उतरते हुए नजर आएगा, तो देख सकते हैं किस तरह से अब यहाँ जो फाइट्स है वो किस तरह से निकल कर आएंगे, इसके ऊपर जरूर हमारी नजर बनी रहेगी, टीम नंबर 3 के प्रॉपर जो प्लेयर्स सारे उतरते हुए नजर आ चुके हैं, सेन के प्लेयर्स की बात करी जाए पिछले बार भी इनकी तरफ से काफी अच्छे तरीके से प्रदर्शन देखने के लिए जरूर मिला था, यहीं पर देखा जाए टीम नंबर 5 के प्लेयर्स भी काफी अच्छे तरीके से अभी लूट करते हुए गैम्बलर, उनके पास देखते भी फिलहाल के लिए M16 ही रहने वाली है, वहीं पर शॉर्ट की बात की जाए उनके पास भी देखते हैं M4 एंड उजी उनके पास आ चुकी है, तो अभी फाइट के लिए थोड़ा बहुत रेडी होने की कोशिश यहाँ प्लेयर्स करते हुए नजर आ रहे, तो देखा जाएगा किस तरह से कौन सी टीम इस जगह से आगे की तरफ निकल कर आती है, वहीं पर रोजॉक के ऊपर
एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है। दो टीम्स यहाँ पर भी देखने के लिए, बुलेट के पास भी गन्स एंड ऑल आ चुकी है, एंड यही कोशिश रहने वाली है कि जितना जल्दी आपके पास बेसिक लूट कन्वर्ट हो जाती है उसका फायदा आपको जरूर होने वाला। टीम नंबर 15 थ्री हाउस का पूरा फील्ड बना रखा है, एंड वहीं पर टीम नंबर 12 के प्लेयर्स इवन की स्प्लिट लूट करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर लूट के अक्रॉस पैराडॉक्स उतर है एंड वो यहाँ से कॉफ एंगल क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो उसके ऊपर जरूर नजर रहेगी कि किस तरीके से प्लेयर्स यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। पैराडॉक्स के पास मिनी एंड स्कार उनके पास रहने वाली है, तो मुझे लगता है कि अच्छा उनके पास गन का कॉम्बो रहेगा, एंड यहाँ से ये जरूर देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर जो है मैनेज हमारे सामने कर पाते हैं। बट बहुत ज्यादा शानदार सिचुएशन निकल कर आएगी, एंड गाइस जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से जल्दी चैट में जल्दी से स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी चीज निकल कर आएगी। देख सकते हैं 20 की रैंक को नॉक किया जा चुका है, कोशिश कर रहे थे मिनी मिनी 16 के शॉट्स का टॉप कनेक्ट करने की, लेकिन अभी के लिए उतना ज्यादा सेकंड के हाथ लगी नहीं है, एंड यहीं से देखा जाएगा किस तरीके से आगे की तरफ प्लेयर्स बढ़ते हैं। जय भी देख सकते हैं अभी भी आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, रोकन वॉल के पीछे वो तैनात है, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से जो उन्होंने नॉक किया था उसको कन्फर्म किस तरीके किया जाए, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा लो है। अपने आप को देख सकते हैं यहाँ पर बैंडेजेस लगाते हुए नजर आए, टीम पर 10 के प्लेयर्स भी आसपास नजर आ रहे हैं, तो वही चीज है तीन टीम्स यहाँ पर उतरी है, तो फाइट जो है इसी तरीके से निकलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी थी भी। टीम नंबर 10 ऑलरेडी एक फिनिश पॉइंट जो है सिक्योर कर चुकी है अपने खाते में, तो अब इसी तरीके से आगे की तरफ और कैरी फॉरवर्ड करने का पूरा मौका यहाँ पर ये टीम बनाते हुए नजर जरूर आने वाली है। बट पर्टिकुलरली बात की जाए देख सकते हैं अभी टीम नंबर 10 इनके लिए थोड़ी सी ज्यादा मुश्किलें बन चुकी, क्योंकि ऑलरेडी डेविल इनके एलिमिनेट हो चुके हैं, तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे और एक आध कैजुअलिटी इनके लिए निकल कर। लेकिन वहीं पर अगर बात करी जाए टीम नंबर 14 के आ रहे नॉक पड़े, एंड यहाँ ये काफी अनफॉर्चुनेट हो जाता है, जरूर रिवाइव देने की कोशिश, बट उनके एक और पेयर पर यहाँ पर नॉक किया जाता है, ये चीज बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट हो जाएगी। एंड इसे देखते हैं हॉकरथ उसी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेयर को रिवाइव देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीम नंबर 16 के प्लेयर्स भी यहाँ से देखते हैं आगे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, बट नेक्स्ट के दो प्लेयर्स को नॉक कर रहे हैं, लगातार डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से कवर में आना काफी इंपॉर्टेंट, पेड़ के पीछे जरूर बहकर अपने आपको अपने प्लेयर को रिवाइव देने की कोशिश कर रहे थे। एलियस अभी भी उसी दिशा में बैठे, टीम नंबर 6 के लिए अगर बात की जाए देखते हैं सिर्फ मात्र पिस्टल उनके पास रहने वाली है, तो ये काफी अनफॉर्चुनेट है, निजी वजह से देखते हैं फॉल बैक करने पर मजबूर किया जाएगा। बट टीम नंबर 14 यहाँ से इस फिनिश पॉइंट को भी बटोरे बिना नहीं जाने वाली है, तो ये देखा जाएगा किस तरीके से उनको फिनिश कर पाते हैं। आराम से देखते डैमेज देने की कोशिश निकल कर आ रही है यहाँ पर ओएस के प्लेयर्स के पास होने वाली, चार फिनिश पॉइंट यहाँ टीम 14 ने सिक्योर कर लिए, एक अच्छा मैच इनकी तरफ से निकल कर आया। यहाँ पर देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स हमारे सामने खेल में माफ कीजिएगा, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे सिचुएशन को कैंपलाइज करना पड़ा, लेकिन मैच देख सकते हैं वापस से काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट निकल गया। टीम नंबर 15 की बात की जाए अभी भी आराम से होल्ड करके हमारे सामने बैठे हैं, यहाँ से देखा जाएगा किस तरीके से प्लेयर्स खेलने की कोशिश करते हैं। तो देखने वाली बात जाएगा पीछे से बहुत ही बेहतरीन पोजिशन आपस में होल्ड कर रखी है, देख सकते हैं नॉक फिनिश करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, एंड यस वहाँ पर डाल भी दिया जा चुका, बिल्कुल टीम 15 के प्लेयर सामने अभी भी तैनात है। एंड यहाँ अब देखने वाली बात होगी किस तरह से अटैक कर पाता है, प्लेयर डैमेज भी लगातार निकल कर रहा है सौरभ की तरफ से, एंड अब यही चीज है देखने वाली बात होगी किस तरह से इस कैपिटलाइज जो सिचुएशन हो गया किस तरह से अटैक करते हैं। टीम 15 के दोनों प्लेयर्स को पिन डाउन कर रखा है, उनकी लोकेशन ट्रेस है, चारों प्लेयर्स उनके ऊपर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं 1-2-1 के स्प्लिट में यहाँ टीम नंबर 12 खेलते हुए नजर आ रही थी, एंड अब टीम मार्कस मुझे लगता है आसानी से इस चीज का फायदा उठाते हुए नजर आएगी, पता है उनके पास नंबर से एडवांटेज है, प्लेयर्स की लोकेशन पता है, तो इससे ज्यादा आसानी और क्या है। बट यहाँ इस फाइट को अपने फेवर में कन्वर्ट करते हुए एक भी कैजुअलिटी उनको नहीं लेनी है, दैट वुड बी द मेन थिंग जो
यहाँ अब इनको होल्ड करना पड़ता है। ट्रॉल की तरफ से ग्रेनेड जरूर जाते हुए नजर आने वाले हैं। ये ग्रेनेड किस तरह से कनेक्शन ढूंढता है वो काफी इंपॉर्टेंट ज्यादा, बट वहाँ प्लेयर्स नहीं थे, पैनिक के अंदर प्लेयर्स जा चुके हैं। सीएस के आसपास भी देखते हैं टीम ऑफ 15 के प्लेयर्स बैठे होंगे जरूर, सो दैट डैमेज ना पड़े ग्रेनेड का। एंड यही एक ऐसी पोजीशन होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्लेयर्स के लिए। यस देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ आते हुए नजर आएंगे, यहाँ से देखने वाली बात अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट एक नॉक किया गया, दूसरे प्लेयर को भी इंस्टेंटली ऊपर की तरफ जाकर टीम ऑफ 12 के प्लेयर्स ने नॉक फिनिश यहाँ पर कर दिया। एंड यही चीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स बाकी हमारे सामने प्रदर्शन करते हैं। बट फाइट देख सकते हैं जिस तरह से लगातार निकल कर आ रही है, टीम सोच कर जरूर आई है कि आज कुछ अलग ही लेवल का प्रदर्शन करना है। टीम नंबर 10 की बात की जाए, एक फिनिश पॉइंट इनके पास है, एंड यहां से आप देख सकते हैं वाटर रोटेट करके शायद टुवर्ड्स द कंटेनर जाने की कोशिश है, या फिर टीम ऑफ 4 से बचने का प्रयास यहाँ पर टीम अटेंड कर रही है, तो उसके ऊपर नजर जरूर हमारी बनी रही क्योंकि देखते हैं पोजीशन के पास है। बट वहीं पर टीम के द्वारा एनडीपीएल को देखते हैं नॉक फिनिश यहाँ पर करते नजर आने वाले, डैमेज यहाँ पर 80 के ऊपर भी पड़ा था, एंड ये चीज शायद बिल्कुल भी अज्यूम नहीं निकल कर आई थी। टीम ऑफ 19 के तरफ से द्वारा प्रीमियर स्क्वाड देखते काफी अच्छा रिटेलिएशन की तरफ से निकल कर आया, एक कैजुअलिटी डेविल के रूप में जैसे ही हुई थी आप उसका बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते यहाँ रेवेंज टीम ऑफ 19 के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यही चीज इस टीम को काफी यूनिक बनाती है, पूरा मौका रहता है, किसी भी क्षण आप किसी टीम को प्रेशर में डाल सकते हैं। एंड यहीं पर देख सकते हैं रस्टिक को स्पॉट किया जाता है, डैमेज यहाँ पर देने की कोशिश निकल कर आ रही है, एंड रस्टिक को फिनिश करने में यहाँ मुझे लगता है पूरा मौका बनाने की कोशिश रहेगी। बट वही चीज है, कोई एक रेड डॉट तक भी टीम के पास नहीं थी, एंड शायद उनके M4 में बुलेट्स नहीं बची होंगी जिसकी वजह से उन्होंने उस AR का यूज नहीं किया, बट उसके चलते रस्टिक अभी के लिए सेफ देखने के लिए मिल जरूर रहे। एंड यही चीज देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स हमारे सामने खेलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी जो है निकल कर हमारे सामने आएगी, तो वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहती जरूर। टीम ऑफ 4 के प्लेयर्स की बात की जाए, देख सकते हैं वो यहाँ से बगी लेकर निकलते हुए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि अपनी अभी रोटेशन के ऊपर काम करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोन श्रिंक ऑन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो नहीं चाहेंगे यहाँ पर एक आध फिनिश पॉइंट और उनके खाते में से जाते नजर आ रही है। रस्टी की अगर बात की जाए वो भी देखते हैं सामने प्लेयर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, टीम 19 के प्लेयर्स जिस पीछे की तरफ ही तैनात है, तो जैसे ही वो बाहर की तरफ निकल कर आएंगे तो उनके ऊपर देखा जाएगा किस तरीके से टीम प्रेशर बनाती है, एंड वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। तो वही चीज है, आपको सोचना पड़ेगा किस तरह से खेलते दोनों ही तरफ से। अगर बात करें 3-man स्क्वाड है, प्रॉपर एक PvP फाइट रहने वाली, जोन के बाहर जरूर है, फर्स्ट जोन है, डैमेज उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, बट स्टिल आप कितनी ज्यादा देर जोन के बाहर रहेंगे वो एक बहुत बड़ा मैटर फैक्टर हमारे सामने लाकर रख देता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको एक एक मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जोन के अंदर जाना। बट स्टिल फाइट जो है अभी भी हमारे सामने लगातार निकल कर आ रही है, एंड देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हैं। उसके आर्या यहाँ पर एक प्लेयर को अभी भी नॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, फिनिश भी उनके द्वारा किया जा चुका, टक्सीडो नॉक हो गए थे, बट यहाँ अब देख सकते हैं उनको रिवाइवल दिया जा रहा है, टीम बस एम के प्लेयर्स के साथ भी काफी अच्छा रिटेलिएशन निकल कर आ जरूर रहा है। बट वही चीज है, देखने वाली बात होगी किस तरह से अटैक कर पाते हैं। एंड पर्टिकुलर बात की जाए, देख सकते हैं इकलौता खिलाड़ी यहाँ पर फोंडा बचे हैं, एंड वो कितनी दूर बैठे हैं, मौका बनेगा को नॉक किया जाने वाला है, बिल्कुल स्पैनिक के अंदर बैठे थे, एंड यही से वापस शेयर के ऊपर चला था, बट एक बेट और कनेक्ट हुई, एंड ये प्लेयर एलिमिनेट होते हुए नजर जरूर आने वाला, तो ये चीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। बट ग्रेनेड आएगा, एंड यहाँ से अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि पता है आपका प्लेयर्स लगातार ग्रेनेड वगैरह फेंकेंगे, एंड यहाँ जो डैमेज बढ़ने वाला है ग्रेनेड का वो अपने पे काफी क्रूशियल है। बट उजी क्या यहाँ पर ये अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे वो अपने आप पे काफी इंपॉर्टेंट है। बट बैंडेजेस लगाना एक रिस्की मूव हो सकता है, इससे पता चल जाता है प्लेयर्स को कि उनके पास उतनी ज्यादा मात्रा में हील नहीं है, एंड वही चीज है आप देख सकते हैं यहाँ से कोशिश जरूर करें फंडा अपने आपको बचाने की, हल्का सा पी देने की कोशिश की तरफ से निकल कर सर्वाइव की, बट कोई खिलाड़ी ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, उनको पता है जैसे ही कोई खिलाड़ी आएगा ये ग्रेनेड जाएगा, टक्सीडो गएगा, बेहतरीन पोजिशन उनके फेवर में कन्वर्ट हुई, एंड आसानी से वो चार फिनिशर्स लेकर अब आगे की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। बट यहीं पर टीम 19 के प्लेयर्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि किस हिसाब से वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। एंड ऑन दी अदर एंड मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, देख सकते हैं वो यहाँ से व्हीकल की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं, बग्गी उनको देख जरूर चुकी है, एंड यहाँ से अब क्योंकि पता है आपको ऑन फुट जाना ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं, बट यहीं पर बात की जाए टीम ऑफ 5 की, वो देख सकते हैं ये पोजिशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास के जितने भी प्लेयर्स रोटेट करते हैं सर्कल के एकदम डॉट सेंटर पर, यहाँ टीम ऑफ 5 के प्लेयर्स तैनात हैं, एंड आसपास से जो भी टीम रोटेट आएगी उनके ऊपर अटैक करने में ज्यादा परेशानी रहेगी नहीं, तो वो चीज अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहेगी। एंड देखने वाली बात होगी किस तरह से यहाँ पर प्लेयर्स खेलने की कोशिश करते हैं, सर्कल का शिफ्ट आ जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन, एंड यहीं पर देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स हमारे सामने खेलने की कोशिश करते हैं, एंड वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, तो देखा जाएगा
किस तरह से प्लेयर्स यहाँ मैनेज करते हैं एंड क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है निकल कर आने वाली है। बट जिस तरीके से टीम ऑफ ट्रॉय के प्लेयर्स के पास अभी पूरा एक होल्ड बना रखा है, देखते हैं रोजॉक से लेकर अपार्टमेंट के आसपास तक के सारे एरियाज में टीम ऑफ ट्रॉय के प्लेयर्स बैठे हैं अपना अपना होल्ड बनाकर, और मुझे लगता है अब उनको रियूनाइट होना पड़ेगा क्योंकि इतने ज़्यादा कंपाउंड्स को इतने कम प्लेयर्स नहीं कैपिटलाइज कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप चाहेंगे जरूर कि आपके प्लेयर्स एक ही ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के आसपास हो, सो दैट अगर आसपास कोई टीम्स रहेंगी तो उनको काटने में ज़्यादा आसानी रहेगी, रोटेशन तोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी निकल कर हमारे सामने आ जाएगी। तो वही चीज़ अपने हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर लेकर आती है। टीम ऑफ फोर की पर्टिकुलरली बात की जाए वो भी देख सकते हैं आराम से अभी रोटेशन के ऊपर ही कार्य कर रहे हैं, बट ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस हिसाब से ये अभी रोटेशन डाल रहे। बट ऑन दी अदर बात की जाए टीम ऑफ एट की, फुल फोर मैन स्क्वाड है बट बहुत ज़्यादा सिल्वर के आसपास यहाँ लूट करते हुए नजर आ रहे हैं, को जोन के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो वो चीज अपने आप में काफी क्रिटिकल रहेगी कि किस तरीके से वो जोन में एंट्री लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं जिस तरीके से अगर पर्टिकुलर बात की जाए टीम नंबर 16 के प्लेयर्स वो भी मूव करेंगे टुवर्ड्स यासना, एंड अगर वो वहीं पर होल्ड करना चाहते तो शायद गेट पी की पॉसिबिलिटी हमारे सामने निकल कर आ सकती है। तो वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जरूर कि किस हिसाब से वो चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है। बट यहीं पर देख सकते हैं यासना टीम नंबर 3 के प्लेयर्स ने पूरा होल्ड बना रखा है, एंड वो भी कुछ ही सेकेंड्स में अब सर्कल के अंदर तरफ जाने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे जैसे वो चीज़ निकल कर हमारे सामने आएगी उस चीज़ का फायदा जरूर देखने के लिए टीम नंबर 12 की बात की जाए, आसपास से उनकी तरफ से भी रोटेशन निकल कर आ रहा है। यहीं पर चाहेंगे जरूर कि किस हिसाब से प्लेयर्स हमारे सामने खेलने की कोशिश करते हैं एंड क्या स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे सामने निकल कर आएगी। तो बिल्कुल यही चीज़ें टीम कोशिश करने वाली कि अच्छे से अच्छी पोजीशन के पास निकल कर नंबर 5 जो है दोबारा से हमारे सामने निकल कर आते हुए नजर आ रही है। टीम 20 की मुश्किल बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं, जहाँ से लॉर्ड्समैन जरूर उनके देखते हैं वॉर को लॉक किया गया था, बट जहाँ उन्होंने इंस्टेंटली फिनिश एक स्पॉट को कर दिया है, इतने में यहाँ थे, इतने में तो एलिमिनेट भी किया जा चुका था। पार्ट पॉइंट पर टीम 4 के प्लेयर्स भी देखते हैं आसपास काफ़ी नज़दीक देखने के लिए मिल रहे, बट उनको यहाँ फाइट नहीं लेनी है, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर रोटेशन एंड चाहेंगे जरूर कि जल्दी जल्दी अपने सर्कल के अंदर एंट्री ली जाए, क्योंकि जिस तरह से सर्कल दिख रहा है ये चीज़ साफ है कि सर्कल मेन आइलैंड की तरफ ही जाएगा अनटिल एंड अनलेस एक हार्ड शिफ्ट टूवर्ड्स द नदर एंड हमें देखने के लिए मिले, तो उसके ऊपर नजर जरूर बनी रहेगी। टीम 12 की पर्टिकुलरली बात की जाए वो देख सकते हैं अभी आराम से कंपाउंड्स होल्ड कर रहे हैं, यहाँ से अगर देखा जाए तो जो भी सेवनली आइलैंड की तरफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं उनका ब्रिज कैंप किया जा सकता है। बट कहीं टीम 12 के प्लेयर्स भी चाहेंगे कि और अच्छी पोजीशन की तरफ जाया जाए, एंड वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर हमारे सामने आएगी। तो ये चीज़ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आएगी, तो वो जरूर देखने वाली बात हो जाती है किस तरीके से हमारे सामने टीम्स खेलने की कोशिश करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। बट यहाँ पर गाइस जल्दी जल्दी स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड आप सबको पता है किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर टीम्स कर रहे हैं, आपकी फेवरेट टीम्स आपके फ्रेंड्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप उनको चीयर करिए चैट में एंड आई विल बी ट्राइंग कि मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ पाऊँ, एंड वही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। बट यहीं पर अभी भी बात कर सकते हैं, देखिए टीम नंबर 13 के प्लेयर्स सोचते हैं फोर के ऊपर अटैक करेंगे, बनाते हुए बनाने वाले हैं, मुझे लगता है टीम फोर के लिए मुश्किल यहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑफेंस बनाने का पूरा मौका रहेगा, बॉक्स डाउन करके डेविन की रोल एंड दोनों प्लेयर्स को नॉक किया जाएगा एंड फिनिश करने में कोई परेशानी यहाँ पर रहने नहीं वाली है। बाकी दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा दूर है एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ से किसी भी हालत में उनको रिवाइवल यहाँ मिलने वाला है। घोष देख सकते हैं ऑन दी अदर एंड अभी बहुत ज़्यादा दूर थे एंड वहीं पर बात की जाए विवेकम की, वो भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर रहने वाले हैं, तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ, इतना ज़्यादा बड़ा स्प्रेड शायद नहीं खेलना चाहिए था, जिसके चलते आप देख सकते हैं दोनों ही खिलाड़ी को इंस्टेंट कैजुअलिटी मिली, नॉक फिनिश वहाँ पर डाला गया, रिवाइवल का कोई चांस भी उनके पास नहीं था एंड वो चीज़ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर हमारे सामने आ रही है। तो ये चीज़ देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स हमारे सामने खेलने की कोशिश करते हैं एंड जैसे जैसे प्लेयर्स आगे की तरफ जाएंगे तो वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं से बड़ी की बात कीजिए देखते हैं विवेक देख सकते हैं कोशिश करेंगे टीम नंबर 30 के प्लेयर्स को टीम नंबर 3 के माफ कीजिएगा प्लेयर्स को अटैक करने, क्योंकि उनकी जस्ट बराबर से उनकी तरफ से रोटेशन निकल कर आई थी एंड यहाँ से विवेक क्या उनको ऑफ गार्ड पकड़ेंगे या फिर नहीं वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन वहीं पर बात की जाए अभी भी टीम नंबर 3 के प्लेयर्स एक अच्छी पोजीशन बनाने की कोशिश कर जरूर रहे हैं। यहीं पर बात की जाए देख सकते हैं कहीं ना कहीं पैनकेक्स के आसपास होल्ड करने की कोशिश है, 1-3 के स्पेस में यहाँ पर खेल रहे हैं, वो भी मेरी थोड़ी समझ से बाहर है कि अपनी चौथे प्लेयर को पीछे की तरफ क्यों छोड़ा गया, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी अभी यहाँ पर लूट निकल कर हमारे सामने आ रही थी। यहीं पर देख सकते हैं अभी भी पीछे होल्ड करके बैठे कमांडर, देखना जरूर चाहेंगे यहाँ से किस तरह से और टीम रोटेट कर रहे हैं, बट क्या
फिनिश पॉइंट्स बटोरने के लिए इस खिलाड़ी को पीछे की तरफ तैनात किया गया, बट मुझे लगता है ऐसी पोजीशन जरूर होनी चाहिए कि जहां से अगर आपका खिलाड़ी नॉक होता है तो आप उसको फिनिश कर पाए, बट देख सकते हो बोर की यहाँ पोजीशन निकल कर आ रही थी एंड ये चीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो रही है। एंड यहीं पर देखने वाली बात होगी किस तरीके से प्लेयर्स हमारे सामने खेलने की कोशिश करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी जो है वो निकल कर हमारे सामने आते नजर आएगी। बट वहीं पर देख सकते हैं अभी दोबारा से टीम में 20 के प्लेयर्स अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, यहीं पर देख सकते हैं 4 फिनिश पॉइंट ऑलरेडी ये टीम सिक्योर कर चुकी है, बट स्टिल अभी भी इनकी तरफ से हमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट लगातार देखने को मिल रहा है, वो चीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट जाती है। बट सर्कल अब शिफ्ट लेने वाला है, किस दिशा में सर्कल लेगा, सर्कल लेगा एकदम सेंट्रलाइज शिफ्ट एंड ये सर्कल रोजॉक को छोड़ते हुए देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है सर्कल बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ रोजॉक के आसपास ही देखते हुए नजर आएगा। एंड यहां से और सारी टीम्स के लिए अब थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे 4 से 5 टीमों को क्लस्टर में देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर ब्रिज कैंप की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी जो है हमारे सामने निकल कर आते हुए नजर जरूर आने वाली है। यहां से देखा जाएगा डेविल उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, चाहेंगे जरूर जितना जल्दी आप कंपाउंड का होल्ड बना ले उतना ज्यादा आपको फायदेमंद साबित वो रहेगा। यही से टीम पर 13 के प्लेयर्स की, टीम पर 12 के प्लेयर्स की बात की जाए, उन्होंने पहले सी रिजॉक का होल्ड बना रखा है, डेविल के पास भी कंपाउंड आ चुका है। एंड यहां से अगर बात की जाए देखते प्रॉपर फाइट इन्वॉल्वमेंट नजर आने वाले हैं, यहां से अगर बात की कैलेप्सो आगे तो जाने की कोशिश की बट के ऊपर अभी भी अटैक करने की कोशिश निकल कर जरूर आने वाले, बाकी लेकर यहां से निकलने का प्रयास उनकी तरफ से रहेगा, बट जैसे दिखता है रिग्मा उनको नॉक किया जा चुका है, बिल्कुल अब जो है वो ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से जरूर देखने को डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, नॉक करके फिनिश भी किया जा चुका है 3 पॉइंट लेकर, अब यहां से आगे की तरफ मूव जरूर करने की कोशिश करेंगे। बट यहीं पर टीम 13 टीम 12 के बेस के द्वारा जो रिटेलिएशन देखने के लिए मिल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पैराडॉक्स ऑफ एंगल क्रिएट कर रखा है, जरूर चाहेंगे यहां से एक आधा प्लेयर को जरूर वो फिनिश कर पाए, बट चाहेंगे अभी भी मुझे लगता है काफी ज्यादा समय उनके पास है, बट एक कैजुअलिटी हो चुकी है तो अब देखा जाएगा किस तरीके से इसका रेवेंज लेने की कोशिश रहेगी, बट क्या मुझे लगता है ये रेवेंज लेने का समय है, ये अभी के लिए प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ वेट गेम खेलने का समय मेरी तरफ से नजर जरूर आया, जितना ज्यादा आप समय लेंगे उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड अगर आप जल्दी करते तो मुश्किल बढ़ सकती है। कैलिप्सो देखते हैं एडीएस के अंदर पैराडॉक्स के आ सकते थे बट स्टिल ही इज टेकिंग हिज टाइम एंड यहां से अब डैमेज देने की कोशिश निकल कर आई है, जल्दी देखते हैं एक बार वापस एक बार गॉड के ऊपर अटैक करने की कोशिश निकल कर आ सकते हैं, यहीं से कैलिप्सो भी वापस कवर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे एंड यस देख सकते हैं उनके खाते में ये चीज आसानी से आते हुए नजर भी आने वाली, बिना किसी परेशानी के वापस देख सकते हैं कवर के अंदर आएंगे, बट जिस तरीके से जहां पर पैराडॉक्स ने पोजीशन होल्ड करके रूफ के ऊपर जाना आई डोंट थिंक वुड बी अ वेरी गुड आइडिया, एंड यहीं से पैराडॉक्स रैंडम अपने कहने के डीपी की शॉट्स कनेक्ट करने वाले, अगर वो कर देते हैं तो मुझे लगता है एक आधा नॉक निकाला जा सकता है, बट वाई ही इज नॉट ट्राइंग टू शूट क्योंकि देख सकते स्मोक हुआ है ओपन, आपको रूफ देखने के लिए मिल रही थी, आपके पास एंगल था ट्राई कर सकते थे, एंड वही चीज है ऐसी सिचुएशन को देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही कहावत आती है, यू मिस ऑल द शॉट्स दैट यू डोंट टेक, एंड एग्जैक्टली वही चीज यहाँ निकल कर आई है, चाहते अगर वहां पर रैंडम 2-3 शॉट्स कनेक्ट किए होते तो मुझे लगता है आसानी से उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश निकल कर आ सकती थी, बट वो चीज अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। बट यहीं पर बात की जाए जिस तरह से बाकी प्लेयर्स मूव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके पर नजर जरूर आएगी, टीम 10 की प्लेयर्स की बात की जाए उनके पास भी देखते हैं प्रॉपर एक कंपाउंड एक प्लेयर की कैजुअलिटी उनको हो चुकी है, बट वहीं पर ऑन द अदर एंड एक फिनिश पॉइंट उन्होंने भी सिक्योर कर रखा है, तो जरूर चाहेंगे इस नंबर को और आगे की तरफ लेकर जाने का। 13 टीम हमारे सामने बची है, 46 प्लेयर्स हमारे सामने अभी भी खेलते हुए नजर आने वाले, वहीं पर लगातार आप देख सकते हैं जिस तरह से अटैक करने की कोशिश प्लेयर्स कर रहे हैं वो अपने आप में काफी क्रूशियल रहेगा, एंड फाइव टीम को 5 के प्लेयर्स देख सकते हैं पीछे से बैक स्टैप करने की कोशिश कर सकते हैं, टीम 12 को अब यहाँ थोड़ा सा चकित रहना पड़ेगा क्योंकि देखते हैं उनके 2 दिशाओं से उनके ऊपर अटैक किया जाएगा, सैंडविच सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं जो कि मुझे लगता है ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहने वाले, यहाँ बिल्कुल डैमेज जरूर टेक फाइव में टीम 12 की तरफ से दिया गया है, चाहेंगे अपने आपको पहले हील किया जाए एंड फिर यहां से रिटेलिएशन लेने की कोशिश जरूर निकल कर हमारे सामने आते नजर आएगी। बट मैं सबसे ज्यादा जो चकित हूं अभी स्कूल और स्कूल अपार्टमेंट्स अनकंटेस्टेड है जो कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा हूं, टीम्स उस दिशा में जाना ही नहीं चाह रही है, और उसका एक रीजन ये भी रहने वाला है कि प्लेयर्स सोच रहे होंगे कि वहां पहले से प्लेयर्स होल्ड होंगे, वो कंपाउंड्स पहले से होल्ड होंगे, इस वजह से कोई भी प्लेयर उस दिशा में नहीं बढ़ रहा है, एंड वही चीज है उसके चलते सारे प्लेयर्स एक कहीं नॉन सिक्योर एरिया की तरफ ही ज्यादा होल्ड करके बैठे, बट वही चीज आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कैंसिलेटेड रिस्क लेना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हंटर देख सकते हैं टीम 12 के प्लेयर्स को अभी भी डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हल्के से जो रैंडम शॉट्स है वो कनेक्ट करने का प्रयास है, बट लेट्स सी सर्कल की तरफ जाता है, सर्कल ले गए का नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट एंड यहां से अब सारी टीम्स को जाना पड़ेगा टुवर्ड्स द नेदर एंड एंड रोजॉक रोजॉक हिल, वो सारे एरिया काफी क्रूशल हो जाते हैं, बट यहीं पर देख सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए
एंड यहीं से देखा जाएगा किस तरीके से प्रेस किया जाए। टीम की पर्टिकुलर बात की जाए, आराम से अब वाटर सिटी के एरियाज लूट करते हुए नजर आने वाले बिना किसी परेशानी के। एंड यहीं पर देखते हैं जोन के अंदर है तो मुझे लगता है ज्यादा परेशानी रहने वाली है, पोजिशन काफी क्रूशल हो सकती है। एंड अगर आप रोड अक्रॉस स्क्वाड उसको होल्ड कर लेते तो उसका फायदा भी आपको जरूर होते नजर आएगा। यहाँ पर देखने वाली बात होगी किस तरह से उस चीज का फायदा उठा पाते हैं। बट भाई टीम 15 की पर्टिकुलर बात की जाए, देख सकते ऑलरेडी वॉल्ड शॉट टू एलिमिनेटर जो टीम 13 के एक प्लेयर को नॉक किया जा चुका है। ये चीज काफी एक नहीं दो प्लेयर यहाँ पर नॉक हो चुके हैं तो ये काफी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो सकती है। कैलिप्सो अभी भी देखते ऑफ एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट डेविल ने भी एक अच्छी पोजीशन ले रखी है, अपने प्लेयर को रिवाइवल देने की कोशिश जरूर यहाँ से करते हुए नजर आएंगे क्योंकि पता है एक एक प्लेयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है कि एक प्लेयर की कैजुअलिटी आपकी टीम को कितना ज्यादा बैकफुट पर लेकर जा सकती है। बट यहाँ से अब आसानी से रिवाइवल मिल जाएगा, वो वहां पर कोई ज्यादा ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बट हम देखते हैं यहाँ पर डेविल के ऊपर पड़ा जरूर था, यहाँ से पैराडॉक्स ऑफेंगल बनाने की कोशिश जरूर करेंगे बट यहाँ से रिवाइवल आसानी से मिल जाने वाला। पैराडॉक्स कोशिश कर रहे हैं कि उस रूफ के ऊपर से अगर कोई एंगल बन जाए जहां से वो शॉट कनेक्ट कर पाते वो काफी मौका मिलता है। बट डेविल प्रोन क्यों नहीं हो रहे जो कि मेरी समझ के परे है, बट जहां से वापस एक को नॉक जाएगा पैराडॉक्स को ट्रेड पर डाउन किया जाने वाला है। डेविल डॉट एचपी बचे बट कैलिप्सो की तरफ से काफी अच्छा ट्रेड पाया जिसके चलते अभी भी डेविल सर्वाइव करते हुए नजर आने वाले। बट जहां से ग्रेनेड रूम के ऊपर आते हुए नजर आएंगे मुझे लगता है टीम 13 बहुत मुश्किल में आते हुए नजर आए क्योंकि यहीं से पैराडॉक्स की बात कर जाए वो भी देखते हैं ऊपर की तरफ चार्जिंग करने की कोशिश जरूर करेंगे। एंड यहीं पर देखा जाएगा किस तरीके से वो अटैक करने की कोशिश कर पाते हैं। बट स्टिल अगर बात की जाए देख सकते सौरभ वेट करें यहाँ पर स्पॉट करने का देख सकते हैं हमारे सामने यही से देखते हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से अटैक करेंगे, रिटेलिएशन किस तरह से निकलकर हमारे सामने आएगा क्योंकि देखते हैं जिस तरीके अभी के लिए क्रक्स की तरफ से प्लेयर बचा बट बाक साहब उनको भी क्या आएगा गेल के ऊपर देख सकते हैं कि एसबो टीम नंबर 3 आकर अभी के लिए अपना होल्ड बनाते हुए नजर आने वाली है। आसपास से जितनी भी टीम्स आएंगी वहां फाइट काफी ज्यादा तेजी से निकल कर आते हुए नजर आएंगे। टीम नंबर 16 के प्लेयर्स भी देखते हैं इनके ऊपर आ चुके हैं, फाइट जो है एक अलग ही रंग रूप हमारे सामने लेते हुए नजर आएगी। एंड भाई चीज है जहां पर जिस टीम को जो जगह मिल रही है वो होल्ड करते हुए देखने के लिए टीम भाई टीम के प्लेयर्स की बात करते देखते स्क्वाड हाउस का पूरा होल्ड बना रखा है। यही से देखते स्वरज को स्पॉट किया जा चुका है यहाँ से बेहतरीन तरीके से भाई सबको पहले गार्ड के द्वारा एंड इंस्टेंटली देख सकते हैं नॉक किया जा चुका है। फिनिश करने में तो कोई परेशानी रहेगी नहीं क्योंकि देखिए डाउन दैट इज टेबल स्पॉट किया गया बट स्मोक जरूर करते हुए नजर आएंगे। बट क्या गणेश डैमेज दे पाएंगे अपने प्लेयर को? बट यस लगातार डैमेज उस दिशा में पड़ रहा है, एक दो बुलेट और एंड मुझे लगता है काम बन सकता है। बट स्टिल उस दिशा में जरूर जाना चाहूंगा एंड देखने वाली बात होगी यहाँ से किस तरह से अब सिराज को बचाया जाने वाला है। एक बुलेट और कनेक्ट हो गया एंड काम बन सकता है। बट स्टिल अभी के डाउन दर जाना चाह रहे थे बट यहाँ से साइरस ब्लैक के शॉट कनेक्ट हुए एंड अभी भी रिवाइवल देख सकते हैं एक ही सेकंड में दोनों प्लेयर्स को मिल रहा था बट एक ग्रेनेड आया जिसके चलते टीम्स के लिए मुश्किल बनते हुए। यहीं पर देखने वाली बात होगी किस तरह से आप टीम मैत्री की टीम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते बट यहाँ से मुझे लगता है आप त्याज राज की बात करें उनको मुझे लगता नहीं कि यहाँ से किसी भी वजह से छोड़ा जाने वाला। टीम 3 के प्लेयर्स बिल्कुल मूड बनाकर आए थे अटैक करने के लिए एंड बिल्कुल ये फिनिश पॉइंट जो है काफी शानदार तरीके से उनकी तरफ से भी सिक्योर होते हुए नजर आए। बट यहाँ पर पास देखते टीम 9 के प्लेयर्स स्पॉट करने की कोशिश करें, यहाँ से तज के ऊपर डैमेज निकल कर आ रही है, हल्का सा विजन उनको शायद दिख रहा है जिसकी वजह से यहाँ से राज लगातार उस तरफ अपने टैप्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट सच इतनी ज्यादा नहीं मिली है। बट यहीं से अगर बात की जाए देखते हैं मुझे लगता है फाइट्स काफी ज्यादा अच्छी तरीके से तेजी से निकल कर हमारे सामने आ रही है। एंड अगर बात करें वाटर सिटी के ऊपर 17 के प्लेयर्स भी नॉक पड़े, यस आई एम नॉट रॉन्ग शैडो अपने नॉकों के रिवान को जरूर मिल चुका है। यहीं से गॉन कोशिश करेंगे अपने आपको हील करने की टीम बैटिंग के लिए सामने मौजूद है एंड जोन एक शिफ्ट लेगा टुवर्ड्स द ईस्टर्न शिफ्ट। एंड यहीं पर अगर बात करके देख सकते हैं अब ये हिल के एरियाज बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। यहीं पर देखने वाली बात होगी किस तरीके से प्लेयर्स हमारे सामने फाइट खेलने की कोशिश करते नजर आएंगे। यहाँ पर देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स यहाँ पर खेलने की कोशिश करते हैं एंड देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स हमारे सामने खेलने का पूरा पूरा मौका बनाते हुए नजर आएंगे। यहीं पर किस तरह से प्लेयर्स जो है पूरा मौका बनाएंगे वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टीम नंबर 16 की बात की जाए देख सकते हैं वो भी आराम से पूरा समय ले रहे हैं बट यहाँ पर डैमेज देख सकते हैं थर्ज को पीछे से पड़ते हुए तो रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है उनका सर्वाइव होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं क्योंकि देख सकते हैं उनको 360 डिग्री डायरेक्शन अटैक निकल कर आ रहा था। वही चीज है आपको सोच समझ कर खेलना पड़ता है जब आप ऐसी पोजिशन पर होते हैं, नॉन मेजर वाले सर्कल के सेंटर में रहेगा
तो कैसे काम चलेगा, एंड वही चीज इसकी वजह से प्लेयर्स देख सकते एलिमिनेट हो गए थे। बट गाइस देख सकते हैं जिस तरीके से अटैक निकल कर रहा है, जल्दी से जल्दी आप स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड तभी आप चैट में अपने व्यूज प्रकट कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये पर टीम 8 की बात की चार फिश पॉइंट सिक्योर किए जा चुके हैं, नीचे देखते हैं पूरा पूरा मौका टीम 19 रन बनाने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन प्लेयर्स को पिक ऑफ किया जाए। जोन के जो सेज पर तैनात है, बट यहाँ सर्कल एक और शिफ्ट लेगा, एंड यहाँ अभी के लिए देख सकते कोई भी टीम जोन के अंदर नहीं है, एंड ये अब देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। टीम 18 की तरफ से रोटेशन निकल कर आ भी रहा है, एंड यहीं पर देख सकते जल्दी जल्दी चाहेंगे सर्कल के देख सकते हैं रज का पूरा मौका उन्होंने आप में होल ले लिया, नहीं सब देखते स्मोक एंड ग्रेनेड करने की कोशिश करेंगे टीम 9 के ऊपर आप बैठा दिया है, स्पॉट ड्रॉप करने का मौका मिलेगा लॉट ऑफ ओपन आगे जाएंगे ये आपको सिंगल को किया जाने वाला है, टेरिस गोल डाउन किया जाएगा, तीन फिनिश पॉइंट यहां से टीम के खाते में आ चुके हैं। पर टीम 8 की बेस्ट पीस बैकअप करेगा, पूरा मौका बनाते हुए रहेंगे, यहां से देखने वाली बात होगी किस तरह से ये टीम मैनेज आउट कर पाती है, वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे गॉडफ्ले की बात की जाए देखते हैं वो भी आराम से अभी के लिए होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर बाकी प्लेयर्स की बात जो जैसे पंक की वो भी देख सकते हैं उसी दिशा में अभी अटैक करते हुए नजर जरूर आ रही है। बट वही चीज है अपने आप को सेव करना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, देखा जाएगा किस तरह से प्लेयर्स हमारे सामने खेलने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से एरियाज यहाँ पर ज्यादा अच्छी तरीके से कैपिटलाइज अभी भी होने वाले। टीम 5 की बात की जाए 30 सेकंड उनके पास है अभी के लिए, कोई भी फिनिश पॉइंट उनके खाते में नहीं ऐड हुआ है, बट कितनी और देर ये पोजीशन उनको ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी, बट मुझे लगता है नाउ इट्स द टाइम दैट दे हैव टू मूव, अदरवाइज मुश्किल है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि आसपास यहाँ से टीम 14 के प्लेयर भी देख सकते हैं बैठे हैं कंपाउंड में, वो भी जोन के अंदर नहीं मूव करे, बट देख सकते हैं अब यहाँ से जितनी टीम जोन के बाहर है उनके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा बड़ी खतरे की घंटी बजने वाली, क्योंकि जिस तरह से टीम संकल के अंदर रहने वाली है वो अच्छी तरीके से लगातार डैमेज देने की कोशिश करेंगे, यहीं पर देखा जाएगा किस तरीके से वो रिटेलिशन हमारे सामने डालते। टीम 3 की बात की जाए स्मोक वगैरह करने की कोशिश करें सो दैट विजन ब्लॉक किया जाए टीम 18 का, एंड अपने आप में ये चीज काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है, अभी के लिए अच्छा एक पोजिशन उनके पास रहेगा, एंड यहीं से देखने वाली बात होगी किस तरह से वो जोन के अंदर पहुंच पाते, क्योंकि ये जोन टीम्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करते नजर आएगी। टीम 14 की बात की जाए जोन देख सकते हैं जो पोजीशन है एक बहुत ही शानदार पोजीशन साबित होते हुए नजर आया, मात्र 3 टीम हमारे सामने सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, जोन से देख सकते हैं विद इन स्पैन ऑफ सेकंड 3 टीम्स का एलिमिनेशन हमारे सामने हो चुका है, यहीं पर देखा जाएगा किस तरीके से बाजी पर अटैक कर पाते हैं ये बच्चे, यहां पे गॉड शॉट पर फुट पड़ जाता है, ओ माय गॉड रेज की तरफ देखते हैं रेज शॉट निकल गया, बट वैसे जॉन अगर बात कीजिए इसके उनके द्वारा ट्रेड फायर जरूर निकल कर आता, बट उनको नॉक फिनिश किया जाने वाला है यहां से ब्लैक के द्वारा, यही बार अब देखने वाली बात होगी ये दो टीम्स किस तरह से प्रदर्शन करते नजर आएंगे, 4-3 सिनेरियो रहने वाला है, एंड अब पता है किस तरह से टीम 18 को अटैक करना है, क्योंकि देखते टीम 3 के दो पेस नॉक हो चुके हैं, यहां से ब्लैक इज उन्होंने सर्वाइव स्पोक वगैरह करकर जरूर चाहेंगे अपने आपको बचाना, बट मुझे लगता है ये मैच में आप मुझे लगता है ज्यादा कुछ बचा नहीं, टीम 18 विल गेट दैट बिना किसी परेशानी के, लोकेशन को पता है एग्जैक्ट कहां पर पिन डाउन कर रखा है, एंड बिल्कुल चारों प्लेयर्स आएंगे आप अटैक करने में ज्यादा परेशानी रहेगी नहीं, बट ट्रेड फायर देखते ब्लैक के द्वारा बीच में यहां से भाई पोजीशन को भी पिकऑफ किया जा चुका है, एलोट्रोपिन बहुत लोन हेल्थ आ चुका है, मुझे लगता है रेज को अपने को रिवाइव देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था, वैसे दिक्कत बहुत ज्यादा बनेगी, बट एक ग्रेनेड आएगा एंड यहां से मुश्किलें बढ़ सकती है, बट अभी भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से खेलने की कोशिश निकल कर आ रही है, यहां पर देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स हमारे सामने खेलने की कोशिश करते हैं, वो चीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है, बट से अगर बात की जाए देख सकते हैं अभी भी डैमेज लगातार निकल कर रहा है, यहां से रेज के द्वारा एक मॉली कनेक्ट की गई जहां पर इसके नॉक जरूर किया जा चुका है, वहां से अगर बात करें रेज लगातार ट्रेड बार में डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर पर यहां से कितनी और देर वो सर्वाइव कर पाएगी, दो को नॉक किया जा चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर फिनिश भी करते हैं नजर आए, बट माई गॉड क्या ही फायदा, क्या ही शानदार फाइट यहाँ पर इसके द्वारा ली गई है, देख सकते हैं वहीं पर बात की जाए देख सकते हैं 4-2-6-3-9 फिनिश पॉइंट के साथ चिकन डिनर सिक्योर किया गया था, वहीं पर एशियन की बात की जाए उनके द्वारा भी यहाँ 9 फिनिश पॉइंट सिक्योर किए गए, बाकी सारी टीम्स का रिजल्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, एंड आराम से आप अपनी फेवरेट टीम का रिजल्ट देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था, बट अभी भी
जस्ट पहले ही मैच था, कुछ ही देर में हमारा दूसरा मैच स्टार्ट हो जाएगा। तब तक जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े गए, जल्दी से जल्दी स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सो दैट मैं देख पा रहा हूँ 33 की वॉचिंग आ रही है एंड बिल्कुल जरूर चाहूंगा कि आप जल्दी से। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का एक बार पैराडाइज बीजीएमआई चैंपियनशिप होस्टेड बाय एमकेवीजी मेडिकल कॉलेज उड़ीसा से। इंटर कॉलेज क्वालिफायर्स ऑलरेडी चल रहे, ग्रुप ए वर्सेस बी का मैच हमारे सामने निकल कर रहा है। पहला मैच हमारे सामने बहुत ही शानदार निकल गया था। नाउ वी आर हेडिंग इन टू द नेक्स्ट मैच जो कि होने वाला है मेरे मार्ग के ऊपर है। देखते हैं फ्लाइट पार्ला को ब्रेविया से लेकर चुमा से अराउंड लॉसलीनेस के बीच से जाते नजर आ रहा है, तो काफी ज्यादा शानदार फ्लाइट पाथ है उससे हमें देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पर इस फ्लाइट पाथ के चलते मुझे लगता है बहुत ज्यादा अर्ली एंगेजमेंट हमारे सामने होते हुए नजर आने वाली है। देखा जाएगा कहाँ कहाँ पर प्लेयर्स किस तरीके से प्रदर्शन हमारे सामने करने वाला है। एल्पोजो की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, देख सकते दो से तीन स्क्वाड वहां पर हमारे सामने उतरते नजर आएंगे, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहेगी कि वहां फाइट ज्यादा तेजी से हमारे सामने निकल कर आए। देख सकते हैं यही पर टीम 11 के प्लेयर्स ने ड्रॉप जरूर ले लिया एंड आसपास अगर बात की जाए टीम में 5 के प्लेयर्स भी देखने के लिए मिल रहा है, चाहेंगे जल्दी जल्दी उनके पास उसकी बेसिक लूट आ जाए एंड उसके बाद फाइट जरूर वहां अग्रेस होते हुए नजर आने वाली, तो काफी क्रूशियल सिचुएशन यहां निकल कर आ रही है। पर्टिकुलरली वहीं पर बात की जाए टीम में 6 के प्लेयर्स भी देखने के लिए मिल रहा है एंड उनके पास थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो चुकी है जहां पर वो चारों प्लेयर्स उतरे। अभी भी बात की जाए जल्दी जल्दी चाहेंगे अपने पास लूट वगैरह फिक्स हो जाए एंड उसके बाद यहाँ फाइट किस तरह से निकल कर आएगी उसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके की नज़र रहने वाली है। बट वे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से जल्दी आप स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी के तभी आप भी हमारी इस चार्ट में आप शामिल हो सकते हैं। आप बिल्कुल अपने व्यूज प्रकट कर सकते हैं, अपनी फेवरेट टीम को चीयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स अगर आपके खेल रहे हैं तो उनको आप चीयर कर सकते हैं। बट फॉर दैट you have to subscribe and please that to hit the like button as well so that aapka bhi pyar lagatar bana rahe and hame pata chalta rahe ki kitna zyada aap enjoy kar rahe hain matches ko, to wahi cheez apne aap mein kafi important bhi rehne wali hai। but abhi bhi agar baat ki jaye dekh sakte hain jis tarike se alpozo mein tino hi teams aaram se apna samay vyatit kar rahe hain, wo dekhne wali baat hogi kitni zyada der aur yahan par inke beech mein engagement hone mein hamare samne abhi bhi lagte hain nazar aa rahe hain। team 17 ke players dekh sakte hain wo jis tarike se yahan tainat hain wo apne aap mein kafi crucial rahega, lekin टीम 11 की बात की जाए देख सकते हैं आराम से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लूट को एंड यहीं से वेयरहाउस के आसपास टीम 11 के प्लेयर्स दो प्लेयर्स यहां लूट करते नजर आएंगे। ड्राइव पर दोनों प्लेयर्स की बात की जाए टू टू के स्प्रेड में गिरे, टीम 6 की बात की जाए वो भी आसपास ही लूट करते नजर आएंगे। ऑन द ईस्टर्न डायरेक्शन टीम 5 के प्लेयर्स के पास पूरा होल्ड उन्होंने अपना बना रखा है, तो कोशिश यहां पर यही रहेगी जल्दी जल्दी उनके पास लूट निकल कर आते नजर आए एंड फिर यहीं से फाइट जो है वो भी काफी क्रिटिकल तरीके से निकल कर हमारे सामने आएगी, तो वो चीज अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहीं पर बात की जाए देखते हैं पोर्टो परिसियो के आसपास, वहां पर टीम 3 के प्लेयर्स अपना होल्ड बना रखा है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ उनकी जो फाइट है टीम 4 के प्लेयर्स के साथ हो जाए, बट चांसेस उतने ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बट ऑन रोटेशन शायद एक पॉसिबिलिटी बन जाए कि हमें थोड़े बहुत शॉर्ट स्टेड होते हुए नज़र आ सकते हैं, बट बाकी और जगह पर आई डोंट थिंक कि कहीं भी फाइट हमारे सामने निकल कर आने वाली। टीम 9 की बात की जाए देख सकते हैं आराम से रोड के आसपास रोटेट कर रहे हैं, वहीं पर डेड शॉट जो है काफ़ी नज़दीक उनके बैठे हैं, बट वही ये चीज़ है उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ लोड के ऊपर ही फोकस निकल कर आ रहा है। यहीं से अब शायद उनको आइडिया लग चुका है कि एक आसपास से गाड़ी जाते हुए नजर आएगी, यहीं से गाड़ी से उतारने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं वो सिर्फ और सिर्फ वेट करना चाहते हैं, बट डैमेज उनकी तरफ से निकल कर आ रहा है, टीम की तरफ से निकल कर आ रहा है एंड यहाँ से अब देखा जाएगा किस तरीके से वो मैनेज आउट करने वाले अपने प्लेयर्स को, किस तरीके से बताने वाले कि वो किस तरीके से अटैक करते हैं। बट यहीं पर देखते ऑलरेडी जंप किया जा चुका है, यहाँ पर स्ट्राइक को भी स्ट्राइक करने का मौका बनेगा, जिस डैमेज की तरफ से बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर उनको पता है कि अब स्ट्राइक को पिकअप करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, डेड शॉट जरूर देखते ज्यादा नजर आएंगे। बट उनकी तरफ से देखते हैं पैराडॉक्स उनकी टीम के नॉक फिनिश डाल दिए जा चुके हैं जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है यहाँ पर, बट अब यहाँ से देख सकते डेड शॉट किस तरीके से अटैक करेंगे वो जरूर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशन निकल कर आने वाली है। बट कहीं पर एक्सराक अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आ जरूर है, बट वही चीज है वो समय देखते ही यहाँ से निकल के जो उनको यहाँ से बचाते हुए नजर आने वाले डाउन किया जाएगा एंड अब डेड शॉट इंस्टेंटली अपने प्लेयर को फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे बट उनको रन ओवर किया गया, ये चीज शायद एक्सपेक्ट नहीं की गई थी नूब के द्वारा, देख सकते हैं स्पैनिंग से इस चीज का फायदा उठाया गया, दैट वाज लिटरली अ क्रिटिकल स्ट्राइक दो प्लेयर्स नॉक किए जा चुके हैं इनकी टीम के द्वारा बट फिनिश एक भी नहीं डाला, बट नाउ दे विल फिनिश द पीपल डाउन एंड इंस्टेंटली जो कैजुअलिटी है
उसको जरूर अपने फेवर में कन्वर्ट करते हुए नजर आएगी। तो वो चीज जरूर देखने वाली बात होगी किस तरह से हमारे सामने निकल कर आती है एंड क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो निकल कर आएंगे, उसके ऊपर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर भी निकल कर आएगा। तो जल्दी से जल्दी जरूर जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े जल्दी से जल्दी यहाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स अलॉट गाइज, अगर आपको मेरी कास्टिंग अच्छी लगी है, थैंक्स अलॉट शशांक सिंह, थैंक्स अलॉट ब्रदर, एंड रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड वहीं पर बात की जाए, देखते हैं क्रक्सो पे अभी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम नाइन की बात की जाए वो भी देख सकते हैं आराम से जस्ट अभी भी होल्ड करने की कोशिश ही कर रहे हैं, चाहते नहीं है कि यहाँ से एक आध प्लेयर और उनका एलिमिनेट हो जाए। वहीं से अगर बात की जाए देखते डायरेक्ट पीछे की तरफ तैनात है एंड यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कवर फायर किस तरह से मिलना, बट यहीं से क्रक्स को आई डोंट थिंक कि यहां से रिवाइवल मिलने वाला है अगर वो नॉक हो जाते, क्योंकि सौरभ जो है उनकी टीम की काफी ज्यादा दूर है। अभी के लिए देख सकते हैं उसी दिशा में पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे, जल्दी से जल्दी चाहेंगे अपने पैर के पास पहुंचा जाए, बट देख सकते जिस तरह से अभी भी क्रक्स के पास एक अच्छी पोजीशन है, चाहेंगे यहाँ से ज्यादा समय लिया जाए, बट नूब को स्पॉट कर सकते हैं, क्यों वो अटैक नहीं कर रहे वो मेरी समझ के परे, बट शायद चाहते कि एकदम क्लियर शॉट जब उनके पास होगा ही विल ट्राई एंड फाइंड आउट एंड इंस्टेंटली वो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की तरफ से निकल कर आएगी। तो वो चीज अपने आप काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट देख सकते हैं अभी भी प्लेयर्स पूरा समय लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अल्पोजो के आसपास जो फाइट थी वहां पर मुझे लगता है जरूर एक आधा कैजुअलिटी देखने को मिली होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं वहां पर प्लेयर्स बिना फाइट लिए ही वहां से निकल गए थे, तो हमने सही करा कि हम इस फाइट की तरफ आए जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन हमारे सामने निकल कर आई है। एंड ये चीज अपने में काफी इंपॉर्टेंट है। वेनम का हेलो राइडर भाई केम चो एंड देख सकते हैं एक सुपर चैट यहाँ पर निकल कर आई है वेनम अंकल की तरफ से, वेरी वेरी बिग शाउट आउट टू वेनम अंकल, वेरी वेरी बिग शाउट आउट टू यू, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, थैंक्स अ लॉट एंड रियली मीन्स अ लॉट कि आप सपोर्ट करते हैं, बट यही से देख सकते हैं आप यहाँ से क्रक्स के ऊपर डैमेज पड़ने की कोशिश जरूर निकल कर आते नजर आएगी, यहाँ से लूट लगातार डैमेज दे रहे हैं, बट कितनी और देर इस गाड़ी में बैठना अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा, वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जरूर। यहाँ से देखते हैं नीचे पर अटैक करने की कोशिश जरूर से क्रैक्स अभी भी करूँ कि लोकेशन एक्जैक्टली पता है कहाँ पर है एंड वहीं पर एक ग्रेनेड जरूर फेंका गया था, बट इसके पास पूरा एक एरिया आराम से ब्रीद इन करने का, तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो आप उतना एक्यूरेटली वो ग्रेनेड नहीं फेंक सकते रोड के ऊपर, बट सिर्फ वहीं पर अगर बात कीजिए देखते हैं सौरभ भी अब यहाँ पर पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, 2v2 एक प्रॉपर फाइट निकल कर हमारे सामने आएगी एंड यहाँ देखने वाली बात होगी कौन सी टीम इस फाइट को अपने नाम करने वाली है। एंड इफ आई वुड टू से मेरे को लगता है टीम 12 इस सिचुएशन को कैपिटलाइज कर सकती है, क्योंकि देख सकते हैं जिस तरीके से डायरेक्ट अभी भी बाहर की तरफ नहीं आए उनको जरूर सोच समझ कर खेलना पड़ेगा, नूब भी अभी भी आराम से इस फाइट का पूरा मौका बनाने की कोशिश करेंगे, यहीं पर देखा जाएगा किस तरीके से टाइम निकल रहा है नूब के द्वारा एंड क्रक्स को यहां पर एक गलती उनकी तरफ से निकल गई, जब ओपन में जाने का कोई मतलब ही नहीं था, ओपन में चले गए एंड ये चीज बिल्कुल भी फ्रूटफुल साबित नहीं होगी, बट नाउ द सिचुएशन टर्न्स आउट टू 1v2 एंड यहां से बिल्कुल टीम 9 के प्लेयर्स चीज का फायदा उठाएंगे, मुझे लगता है चार्जिंग करने का समय आ चुका है, सौरभ के ऊपर अटैक करने की कोशिश जरूर ये खिलाड़ी करते हुए नजर आएंगे एंड अब मुझे लगता है यहां से सौरभ का बचना जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है, बट लेट्स सी किस तरह से यहां अब ये रिटेलिशन दिखाते हैं, ग्रेनेड जरूर पुल कर रखा, नूब काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, ये चीज कितना इफेक्टिव, ओह माय गॉड दैट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग ग्रेनेड एंड यहीं पर एक और ग्रेनेड उनकी तरफ से निकल कर जरूर आते, काफी अच्छी तरीके से पुल उन्होंने दोबारा कर लिया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जहां पर फुट सारे वहीं पर अटैक करने की कोशिश की तरफ से निकल कर आने वाले, डैमेज की तरफ से दोबारा पड़ा है पर एक प्लेयर को फिनिश करने की कोशिश निकल कर आई, यहां से देखते जरूर चाहेंगे एटलीस्ट उनके पास गन आ जाए, बट नहीं शायद मुझे लगता है 16 के साथ ही जाना चाहिए था, बट वो चीज नहीं हो पाई एंड आसानी से देखते टीम 9 के प्लेयर इस फाइट को अपने फेवर में कन्वर्ट करा एंड वही चीज है आपको रिजल्ट भी देखने को मिला, बट एक फाइट खत्म हुई है, वी हैव एंटर्ड टू द सेकंड फाइट जहां पर देखते ऑलरेडी विवेक नॉक हो चुके हैं एंड जहां टीम 4 के दो प्लेयर्स काफी ज्यादा मुश्किल में आ चुके हैं, फिनिश उनको किया जाएगा, टीम 3 के प्लेयर्स चीज का फायदा लगातार उठाते नजर आने वाले, यही से अगर बात जाए घोष ट्रेड बाय देने की कोशिश करेंगे जरूर, ये पे देखा जाएगा कितना ज्यादा इफेक्टिव हो रहने वाला, बट स्टिल टीम नंबर 3 इज नाउ अ फुल 4-man स्क्वाड एंड यहीं पर देखा जाएगा किस तरीके से इस चीज का फायदा निकल कर आएगा। एफएम बंदा बंदा एफएम भागा भागा ये क्या हो रहा है, आई एम रियली नॉट श्योर बट यहीं पर बात की जाए देख सकते प्लेयर्स अभी भी आगे की तरफ जाने की कोशिश की जाने वाली, किंग को भी आगे तरफ चार्जिंग करेंगे, लोकेशन को यहाँ पर नॉक फिनिश अब डालते नजर आएगी, टीम नंबर 4 फिस्ट करके उनको फिनिश किया जा रहा है, यही इस गेम को डिफरेंट बनाता है
एंड पर्टिकुलरली बात करें देखते घोस्ट इज द लोन मैन सर्वाइवर एंड आई थिंक कि यहां से उनको फॉल बैक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो यहां से फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल निकलकर हमारे सामने आएंगे। ये चीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहती जरूर है, यहीं पर देखा जाएगा किस तरीके से हमारे लिए सिचुएशन निकल कर आएगी, तो वो चीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर लेकर आती जरूर है। एंड यहीं पर अभी के लिए बात की जाए, देख सकते हैं जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स आसपास देखने को मिल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट बचा था, बट पर्टिकुलरली बात किया टीम में 13 के प्लेयर्स की काफी नजदीक टीम में 9 प्लेयर मूव करते नजर आने आता है। जो कि बात करते देखते हैं एनिग्मा के ऊपर अटैक करने की कोशिश है, निकल कर आ रही है, यहीं से देख सकते हैं वो इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। डोमिनिक के वहीं पर देख सकते हैं दोनों प्लेयर्स अब उसी दिशा में बढ़ेंगे या फिर नहीं, चार फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी टीम सिक्योर कर चुके हैं, बट अब देखने वाली बात होगी क्या फाइट में इंटरेस्ट इनका रहने वाला है और नॉट, बट जिस तरीके से वो 13 चाह रही है वो जरूर चाहेंगे इस फाइट को डिसएंगेज करना, एंड दे विल बी लिटरली काफी इंपॉर्टेंट हमारे सामने निकल कर आते नजर आने वाली है। कास्टर भाई किम छो मजा में, अरे खूब खूब मजा में, मेरे को लैंग्वेज नहीं आती बट वेलकम अंकल, थैंक्स अ लॉट, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको मेरी कास्टिंग अच्छी लग रही है। एंड यस राइडर्स आल्सो हियर इन द चैट गाइस, राइडर होप इन द चैट हो जाए स्पैम गाइस जल्दी से जल्दी, एंड फॉर दैट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई कैन सी 32 पीपल आर वाचिंग, तो जल्दी से जल्दी गाइस आप लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको भी चैट करने का पूरा मौका मिले, एंड यहीं पर सब्सक्राइबर ओनली चैट है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वो बेल आइकन जरूर बता दीजिएगा सो दैट आपको सारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, एंड दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। बट वहीं पर बात की जाए टीम 17 अभी भी अगर बात की जाए आराम से होल्ड करते हुए नजर आए, बीइंग अ 3 मैन स्क्वाड वो फिनिश पॉइंट के खाते में नहीं रहा, फाइट में अभी के लिए इन्वॉल्वमेंट इनकी तरफ से बिल्कुल नहीं देखने को मिला, एंड यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं एंड अपना वेट करने की कोशिश की तरफ से रहने वाले। बट सर्कल किस दिशा में जाएगा, सर्कल अभी भी सेंट्रलाइज ही कहना चाहूंगा, यस थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न साइड में हल्का सा झुकाव सर्कल का देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर 10-20% वाटर बॉडीज अभी भी वो हमारे सामने देखने के लिए मिल रही है। बट वहीं पर देख सकते हैं सेंट मार्टिन के आसपास से प्लेयर्स मूव करने की कोशिश जरूर करेंगे, वहीं पर अगर बात की टीम 5 एंड टीम 17 के प्लेयर्स हमारे सामने निकल कर आए, टीम 5 के प्लेयर्स जल्दी से कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी रोटेशन के ऊपर कार्य किया जाए, बट वही चीज़ है अभी भी प्लेयर्स के पास बहुत ब्रीदिंग स्पेस आराम से अवेलेबल है, तो बिल्कुल जितना जब तक वो क्लोज विसिलिटी में नहीं आने वाले तब तक उनके पास पूरा मौका रहेगा कि किस तरीके से वो होल्ड करते हैं। किरण कुमार कास्टर ओपी, थैंक्स अ लॉट किरण, थैंक्स अ लॉट, रियली रियली मीन्स अ लॉट ब्रो, आई एम वेरी रियली वेरी हैप्पी कि आपको पसंद आ रहा है। राइडर भाई ओपी एंड यस बिल्कुल राइडर भाई बिल्कुल वेरी मच ओपी एंड ही इज ऑल्सो इन द चैट गाइज, जल्दी से जल्दी आप सवाल पूछिए अपने, राइडर आपको जरूर जवाब देते हुए नजर आने वाले हैं। बट यही टीम 15 की बात की जाए देख सकते हैं उनकी तरफ से भी सर्कल के अंदर जाने की कोशिश लगातार निकल कर आने वाली है, वही चीज है नथन एंड की तरफ से अगर आप बात करें 3-4 टीम्स सर्कल के अंदर एंट्री लेते हुए नजर आ रही है, वहीं पर अगर बात की जाए जिस तरह से टीम 15 के तहत सबसे उस रैली को अग्रेस कर रहे हैं, उस रैली को ट्रैक कर रहे हैं एंड सबसे पहले जोन के अंदर पहुंचने वाली टीम बनेगी नथन एंड से, एंड अगर वो वहीं पर जाकर गेट कीप कर लेती है तो मुझे लगता है आसानी से बाकी टीम्स के लिए मुश्किलें क्रिएट की जा सकती है। बट वही चीज़ है अभी जगह बहुत है, आई डोंट थिंक कि प्लेयर्स ऑफ द फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेना चाहेंगे, बट फाइट अभी भी निकल कर आ रही, घोस्ट देख सकते हैं अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, टीम 3 के प्लेयर्स आसपास तैनात है एंड दे आर लिटरली ट्राइंग टू हंट देम डाउन, बट स्टिल ये फाइट कहाँ निकल कर आ रही है जो मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह से देख सकते हैं। यस नाउ आई कैन सी ये फाइट टीम 5 के प्लेयर्स करते नजर आए, काइनेटिक इज अ लोन मैन सर्वाइवर एंड यहीं से अगर बात की जाए देखते टीम 19 के प्लेयर्स सामने की तरफ तैनात है, यहीं पर भी बात की जाए उनके भी दो प्लेयर्स को नॉक किया चुका, स्टॉर्म सामने की तरफ ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, यहीं से अगर बात की जाए देखते मॉली उनकी तरफ से निकल कर जरूर आई थी, यहाँ से स्टॉर्म भी अब किस तरह से इस ग्रेनेड को टॉच करेंगे वो अपने आप में देखने वाली बात होगी, डेविल भी चार्ज करते नजर आने वाले, यहाँ से ग्रेनेड जाते नजर आए देखो नॉक किया जा चुका है, यहीं से भी अटैक करने का मौका मिलेगा बट इतने फैन को डाउन किया जाएगा, स्टॉर्म इंस्टेंटली स्टॉर्म आउट करेंगे पूरी टीम को, यहीं पर टीम 19 चार फिनिश पॉइंट के साथ अब आगे की तरफ जाते नजर आने वाली है, आसानी से अब देख सकते हैं किस तरीके से टीम हमारे सामने खेलने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी जो है यहाँ निकल कर आएगी, बीन जरूर रॉक हुए थे बट बिना किसी परेशानी की कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं आई है, तो इस चीज का फायदा अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टीम 18 की बात की जाए बिना किसी फिनिश पॉइंट के दे आर एब्सोल्युटली होल्डिंग द परफेक्ट पोजीशन फॉर देम एंड यहीं से धीरे धीरे आगे की तरफ जाने का प्रयास भी टीम की तरफ से निकल कर आई। टीम 15 की बात की जाए अभी के लिए उन्होंने फाइट में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया एंड यहीं से अब आगे की तरफ जाते नजर आएंगे। टीम नेमेसिस भी देखते हैं, नेमेसिस के यहाँ पर चार्ट में फैंस जुड़ चुके हैं एंड वही चीज है, अब ये चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है जब व्यूअर्स अपने फ्रेंड्स और अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने आते तो वो
बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ाता है एंड देखकर बहुत मजा आता है कि उनके चहीते प्लेयर्स खेल रहे हैं एंड उनको अप्रिशिएशन भी मिल रहा है। तो ये चीज अपने आप इस गेम को दूसरी ऊंचाई तक लेकर चला जाता है। टीम नंबर 13 वाले पर बात की जाए, आराम से इंजॉय कर रहे हैं अपनी रोटेशन को एंड चाहेंगे यहाँ पे अच्छी से अच्छी पोजिशन जितना जल्दी कैप्चर की जाए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट वहीं पर अभी की बात की जाए टीम नंबर 14 के प्लेयर्स के काफी नजदीक अगर मैं कहूँ टीम नंबर 6 के प्लेयर्स देखने के मिलना है, दोनों बेस्ट परफॉर्मेंस स्क्वाड है। अभी भी एज सच फाइट में उतना जल्दी इन्वॉल्वमेंट नहीं आने वाला है, दोनों के पास अपने दोनों ही टीम्स के पास अपने अपने कंपाउंड रहने वाले हैं एंड यहीं पर देख सकते हैं किस तरीके से टीम्स हमारे सामने खेलने की कोशिश निकल कर आ रही है। हाउ आर यू कास्टर, मैंने यही लिखा था गुजराती में, यस यस ये तो मैं समझ गया था वैन अंकल, ये तो मैं समझ गया था बट मुझे उसका आंसर नहीं पता था कि कैसे बोलते हैं। तो अगर खूब भालो बट वो बंगाली में होता है मजामा आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्लीज आप बता दीजिए कि क्या आंसर रहने वाला था। बट आई गेस मैं इसको लॉक करूंगा मजामा मजामा क्योंकि मुझे जहां तक बंगाली बोलते खूब भालो बट वही चीज है। अभी भी अगर बात करें देख सकते हैं टीम ऑफ 14 के प्लेयर्स अच्छी तरीके से कंपाउंड का पूरा होल्ड बनाने की कोशिश यहां करते हुए नजर आए। टीम ऑफ 6 के प्लेयर्स भी सिर्फ और सिर्फ स्टे करना चाहते हैं, समय व्यतीत करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख सकते हैं अभी भी अगर बात की जाए मात्र सेकंड सर्कल ही रहने वाला है, सेकंड जोन जरूर श्रिंक हमारे सामने होते हुए नजर आने वाला है। वहीं पर अभी भी 16 टीम सर्वाइव कर रही है, 58 प्लेयर्स हमारे सामने निकल कर आ रहा है एंड ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज ब्रूट, कास्टर रियल ओपी आशुतोष, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आशुतोष, रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, माय नेम इज ब्रूट वेलकम अंकल एंड यहीं पर बात की टीम ऑफ 14 वो भी देख सकते हैं आराम से अच्छी तरीके से होल्ड करने की कोशिश है यहाँ करते हुए नजर आने वाले। टीम ऑफ 15 की बात की जाए उनके पास प्रॉपर एक होल्ड बना रखा, उन्होंने भी वेयरहाउस का पूरा आराम से उन्होंने होल्ड बना रखा है। बाकी टीम ऑफ 20 के प्लेयर जरूर कोशिश कर रहे हैं एक आध पे को स्पॉट करने की बट फाइट्स लगातार अभी भी निकल कर हमारे सामने। टीम ऑफ 16 के प्लेयर देखते हैं थर्ज उनके अंदर टीम ऑफ 17 के जरूर आसपास देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से देखते हैं टर्किश किस तरीके से अटैक करेंगे। उनके पास यहाँ पर M24 एंड AKM का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन रहने वाला है, तो ये देखने वाली बात होगी किस तरह से इस चीज का प्रयोग ही कर पाते हैं। एंड वहीं से अगर बात करें देख सकते हैं स्पाइसी गेम किस तरह से वो भी अटैक करने की कोशिश करने, सिराज की बात की जाए वो भी जस्ट सीपी लेने की कोशिश ही करते नजर आएंगे। बट वही बट नंबर 7 फॉर 4 मैन स्क्वाड यहां से अटैक करने की कोशिश जरूर करते नजर आएंगे। यहीं से देखते हैं K98 के यहां पर भीष्मा के पास भी रहने वाली है, तो देख सकते हैं अब तर्किश एंड भीष्मा की एक प्रॉपर हमारे सामने स्नाइप फाइट होते हुए नजर आएगी। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स यहाँ फाइट लेने की कोशिश करते हैं, यहीं पर कौन सा प्लेयर अपनी टीम के लिए पहले ओपनिंग निकालेगा वो चीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी जरूर। बट सर का देख सकते हैं शिफ्ट ले चुका है टूवर्ड्स द वेस्टर्न एंड, यहीं पर टीम्स जरूर चाहेंगी कि जल्दी जल्दी अपनी रोटेशन डाली जाए, अपनी अच्छी पोजीशन को सिक्योर किया जाए एंड दैट वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहीं पर भी बात करें टीम 9 के डायरेक्ट इज द लोनली सर्वाइवर एंड यहीं पर उनके ऊपर अभी भी अटैक निकल कर आ रहा है, ग्रेनेड एंड वगैरह स्पैम किया जा रहा है टीम 8 के द्वारा एंड चाहेंगे जरूर इस लास्ट फिनिश पॉइंट को भी सिक्योर किया जाए। एक फिनिश पॉइंट टीम सिक्योर कर चुकी है एंड यहीं से अब धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने की कोशिश निकल कर आएगी, तो वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शो टीम नंबर 3, बिल्कुल टीम नंबर 3 के पास चलते हैं एंड यस देयर इट गोस, टीम नंबर 3 हमारे सामने आ चुकी है। टीम नंबर 3 अभी एंजॉय करिए, जोन के बाहर जरूर अभी रहने वाले हैं बट नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द रोटेशन एंड अभी के लिए बाद में 3 फिनिश पॉइंट टीम सिक्योर कर चुके, चाहेंगे जरूर कि इस अच्छे स्टार्ट को आगे की तरफ कैपिटलाइज किया जाए। बट 16 टीम है एंड गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से ईस्टर्न साइड से आपके ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 टीम और सर्कल के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, तो ये क्लस्टर किस तरीके से अब अटैक करेगा एक दूसरे के ऊपर वो जरूर देखने वाली बात हो जाती है। बट स्टिल वहीं पर बात कीजिए सर्कल के सेंटर को होल्ड करके बैठे टीम 18 के प्लेयर्स, वहीं पर टीम 3 के प्लेयर्स के दोबारा बीच में फाइट होते नजर आने वाली है एंड वहीं पर अब किस तरीके से डैमेज दिया जाएगा वो जरूर देखने वाली बात हो जाती है। नहीं यहाँ पर एंजॉय ही कर रहे थे मुझे लगा शायद गन शॉट चले तो शायद एक आध को नॉक वगैरह किया जा चुका, कोई प्लेयर आ चुका बट नहीं ऐसा नहीं था। बट लाबेन डेटा के ऊपर टीम ने पूरा अपना प्रॉपर होल्ड बना रखा है एंड यहीं से देखते हैं अब इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश रहेगी। पोजीशन एकदम लिटरली टॉप नॉच है एंड यहीं पर देखा जाएगा किस तरीके से आगे की तरफ ये टीम जाते नजर आएगी। मजामा छू इज राइट, ओ मजामा छू, यस आई वाज क्लोज, मजामा छू तो मैंने लगा था मेरे पास मजामा, सो ये अपनी गुजराती पे काम करने की कोशिश है। आप कहाँ से हो कास्टर ब्रदर, आई एम फ्रॉम यूपी ग्रेटर नोएडा, किरण कुमार दूध भाई ओपी, थैंक यू लॉट किरण, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू
एंड यहीं पर अभी भी बात की जाए, देख सकते हैं प्लेयर्स आसपास मूव करने की कोशिश जरूर करते नजर आएंगे। आसपास से प्लेयर्स जो भी आ रहे हैं उनके बीच में देख सकते हैं फाइट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। टीम 17 की बात की जाए, टीम 16 के प्लेयर्स काफी नजदीक है एंड देयर सीम्स टू बी अ फाइट जो कि हो सकती है क्योंकि कंपाउंड यहाँ पर क्लैश हो चुके हैं। यहाँ पर टीम से अटैक करने की कोशिश करेंगे, जहां तक देखने को मुकाब किया जा चुका है, नॉक किया जा चुका है। नाउ टीम 16 से 2 मैन स्क्वाड एंगेजमेंट के लिए देखते हैं जिस तरीके से गाउल अटैक करने की कोशिश करेंगे, वो यहां पर काफी बहुत करते हैं। थोन मैच आगे की तरफ क्यों आए सिराज, क्यों आपने फिनिश पॉइंट क्यों आपने दिया, कोई मतलब नहीं था आपको ओपन मारने का, आपको पोजीशन नहीं पता प्लेयर्स की, बट आप कैसे ये चीज कर सकते हैं। बट नाउ देख सकते हैं लोन मैन सर्वाइवर एंड ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस खिलाड़ी के लिए आ चुकी है क्योंकि देखते हैं उनको हंड डाउन किया जाने वाला है एंड आप कितना भी चाहिए अब आपको जैसे ही स्पॉट किया जाएगा आप मुझे लगता है यहां से एलिमिनेशन कुछ ही सेकंड में टीम 16 का मरता होते हैं नजर आएगा। देख सकते हैं भूखे शेरों की तरह टीम 17 के प्लेयर स्पॉट करने की कोशिश यहां पर करते हैं नजर आएंगे। शैडो अभी भी आगे बढ़ाने की कोशिश को नॉक करने की कोशिश लोग बच्चों के यहाँ पर रिवील हो चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम टू से गुड बाय टू टीम 16 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैच एंड अब आराम से मुझे लगता है जहां से उनका बचना जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही रहने वाला है। एंड स्पॉट किया जा चुका है, एनिमीज ऐड किया जा चुका होगा एंड अभी भी देख सकते हैं प्लेयर समय लेना चाहते हैं जो कि मेरी समस्या बने जीवन से यस देयर इट गोस शैडो विल पुट द फाइनल नेल इन द कॉफिन एंड इंस्टेंटली देख सकते हैं उनका एलिमिनेट किया जा चुका है। बट वहीं पर बात की जाए बाकी सारी टीम्स किस तरीके से हमारे सामने खेलने की कोशिश करेंगे वो अपना में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। एंड यहीं पर अभी भी देखा जाए टीम्स काफी अच्छी तरीके से हमारे सामने खेलने की कोशिश यहाँ करते हुए नजर आने वाले हैं। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए टीम 13 के प्लेयर्स आराम से जस्ट ब्रोकन वॉल के आसपास बैठे जरूर है, वहीं पर सर्व कर लेगा टुवर्ड्स साउथ ईस्टर्न शिफ्ट साउथ वेस्टर्न शिफ्ट माफ कीजिएगा। यहीं पर बात की जाए देखने वाली बात होगी किस तरह से 3/20 जो उनको गिफ्ट मिला है इस मैच के अंदर उसका किस तरीके से प्रयोग करें क्योंकि फुल फोर मैन स्क्वाड है, फाइट में भी के लिए इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट मुझे लगता है इस जगह से आप कितने ज्यादा फिनिश पॉइंट्स बटोर सकते हैं क्योंकि आसपास से जितनी भी टीम रोटेट करेंगी आपके पास एक पूरा एंगल उनके पास रहेगा। देख सकते हैं उसी का एग्जाम्पल आपके सामने निकल गया टीम 13 के बैच होल्ड करते हुए नजर आने वाले हैं। यहीं से आप फायदा उठा सकते हैं क्योंकि आपने प्रॉपर कवरेज टीम 4 के बैच ऊपर से रोटेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर देख सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख सकते घोस्ट इकलौते खिलाड़ी बचे थे, उनकी गाड़ी को डैमेज भी काफी ज्यादा पड़ा था। फिनिश पॉइंट यहाँ एक भी नहीं है घोस्ट के ऊपर बट अभी भी डैमेज लगातार उनके ऊपर पड़ा है। नाइट गेट उनको अब इस गाड़ी को छोड़ देना चाहिए, डैमेज लगातार पड़ रहा है। यस अब इस कवर को इस गाड़ी को किस तरह से कवर यूज करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्मोक चला जा चुका है एंड यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की बैटल रहते हुए नजर आने वाली है। बट लगातार हर एक टीम चाहेगी कि इस फिनिश पॉइंट्स को बटोरा जाए। बट टीम 13 देख सकते हैं उनके ऊपर लगातार डैमेज देते हुए नजर आते हैं। जहां से हंटर एंड कैलिप्सो की अगर बात की जाए उनकी गाड़ी को भी काफी ज्यादा मात्रा में डैमेज मिल चुका है एंड एक दो बुलेट और कनेक्ट हुई तो वो कार ब्लास्ट के चलते एलिमिनेट हो सकती है। लेकिन देखते हैं जिस तरीके से टीम 18 के प्लेयर्स अपने कंपाउंड का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं इस चीज का रिजल्ट उनको मिल सकता है। यहाँ पर लगातार डाल के लिए कुछ निकल कर राइट यहाँ से देखते हैं एक बार गॉड को स्पॉट करने का मौका मिलेगा कि लिप्टिंग के ऊपर बैठी यहाँ पर सिंगल टैप स्पॉट करने के लिए ओ माय गॉड एक और बुलेट अगर कनेक्ट हो जाती थी आपको देखो क्या जो अपना एंटर को भी निकल कराते देखते भाई सबको मिलेगा अभी भी लगातार अपना डोमिनेशन दिखाकर साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉक निकालने ओह माय गॉड दैट वाज लिटरली स्टनिंग, एक और बुलेट अगर कनेक्ट हो जाती थी तो इंस्टेंटली लॉक नहीं फिनिश करने का मौका भी अभी भी हमारे सामने निकल कर आ सकता था। बट स्टिल अभी काफी अच्छी सिचुएशन निकल कर हमारे सामने आ रही है। यही पर देखने वाली बात होगी किस तरह से प्लेयर्स खेलने का प्रयास हमारे सामने करते हैं। टीम 10 की अगर बात करी जाए देख सकते हैं उनके पास भी अभी प्रॉपर एक समय रहने वाला है आराम से रस्टिक देख सकते हैं सामने प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। कमांडो की बराबर से मूव करने की कोशिश करेंगे एंड जहां जहां पर उनको अटैक करे बिना परेशानी हो जाए तो बिल्कुल वो चीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरह सर्वाइव करते हैं। बट घोस्ट द लोन मैन सर्वाइवर एंड ही इज लिटरली होल्डिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल विच सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आप देखते हैं अमूमन आप किसी लोन मैन को सर्कल के सेंटर पर नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि प्लेयर्स कोने में ही खेलना पसंद करते हैं बट यहाँ पर हम उसके विपरीत कुछ ऐसा नया देख रहे हैं जहां पर प्लेयर्स अभी भी सर्कल के सेंटर को ही होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अकेले हैं। बट तो क्या स्टिल उनकी तरफ से यही कोशिश है कि जितना ज्यादा आप सर्कल के सेंटर तक सेंटर होल्ड करते रहेंगे उतना ज्यादा दूर तक आप अपनी टीम को लेकर जाते नजर आएंगे। बट वहीं पर टीम 8 की बात की जाए देख सकते हैं उनके भी अभी के लिए यहाँ से जनार्दन नॉट पड़े बटने पर फिनिश किया जाएगा दोनों के बाद से यहां से दो फिनिश पॉइंट सिक्योर करके अभी के चार्ज करने का मौका उनको मिलने वाला टीम में टेंशन के बाद जाए
उनके अगेंस्ट बाहर की तरफ से बटी मत्री की तरफ से विकेट अटैक करने की कोशिश करने ऐसे पर के द्वारा ट्रेड पर एक पे को पिक ऑफ जरूर किया जा चुका है वो भी देख सकते विकेट अटैक करने की कोशिश करें ट्रेड उनके ऊपर आए यही मेरा देखने वाले बहुत कमेंट को पिक ऑफ कर पाएंगे आप इन्हें देख सकते हैं यहां से जिस तरीके से पंच और प्ले फॉर द लास्ट टू मैच स्टैंडिंग से स्पॉट जरूर करने की कोशिश है पंच की तरफ से निकल गया थी मॉली उनके ऊपर कनेक्ट की गई है पीछे की तरफ निकलेंगे मॉली कनेक्ट हो चुकी है पिक ऑफ करने का बॉल करेगा इसके बाद करेंगे ट्रेड पर नॉन को भी डाउन किया जाएगा गॉड प्ले के से लोन मैन सर्वाइव माय गॉड क्या यहां पर सर्वाइव करा पाएंगे फिर को खड़ा किया जा चुका है टू से करके जाते रन लाइन या देखने को नॉक किया जाएगा टीम थ्री को भी देख सकते हैं एलिमिनेट करने का मौका बन सकता है रिवार्ड उनको भी दिया जा रहा है यहां से बादशाह को वापस से पिक ऑफ करने का मौका बनेगा बट स्टिल यहीं पर देखते किंग ओपे भी कोशिश करेंगे अपने प्लेयर्स को बचाने का राम को वापस रिवार्ड मिल चुका है ग्रेनेड जरूर फेंकने की कोशिश निकल कर आ रही है यहीं से देख सकते हैं कमांडो को फिनिश किया जा चुका है नाउ The tables have turned. Team number 8 is literally on the leading situation. They are holding the standing. But now the King of the an element of surprise. And one player will knock out. कितना और मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है उनको डाउन किया जाने वाला टेर को टीम नंबर थ्री को एलिमिनेट किया जाएगा दैट वाज ओह माय गॉड लिटरली एन अमेजिंग अमेजिंग टीम फाइट बहुत ही शानदार यहाँ पर सिचुएशन निकल कर हमारे सामने आई है बट वहीं पर टीम सेवन देख सकते हैं उनके द्वारा भी लगातार एक बेहतरीन पोजीशन सिक्योर की जा सकती है 20 की बात की जाए देखते हैं वो भी अच्छे एंगल्स को होल्ड करने की कोशिश की तरफ से निकल कर आने वाली है फोर गॉड की बात की जाए अभी भी देख सकते हैं आराम से होल्ड करने का मौका उनकी तरफ से टीम 10 के प्लेयर्स इस हाई ग्राउंड का फायदा कितना ज्यादा उठाने वाले फुल फोर मैन स्क्वाड है नॉट इन सर्वाइव करेंगे 20 प्लेयर्स हमारे सामने दो प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाएगा एंड यहीं पर आप देख सकते हैं अभी भी सरवाइव करते नजर आ रहे बट इनसे मैट्रिक्स को जरूर ट्रेड में नॉक किया गया बट मेरी मतलब है कि घोस्ट के ऊपर उनके पास मात्र 3 बैंडेजेस बची है मॉलीज उनके ऊपर फेंकी जा रही है एंड ग्रेनेड्स उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं बट नाउ अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली क्योंकि आप टाइम अटैक करने की कोशिश करेंगे उनको नॉक करने का मौका मिल सकता है बट पर डाउन किया जाएगा एंड शायद फंस गए थे जिसके चलते उनको एलिमिनेट किया गया एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 8 टीम्स 25 प्लेयर्स हमारे सामने रहने वाले एंड यहीं पर देखा जाएगा किस तरीके से सिचुएशन क्या चीज हमारे सामने का पे लगा नहीं तो क्या करेगा नायक बिरो रोहित राय की तरह से देख सकते हैं एक बेहतरीन कमेंट आया तो बिल्कुल जिसके लिए भी आया बिल्कुल पढ़ ले उनको बट यहाँ पर फाइट जो हमारे सामने लगातार निकलते हुए नजर आने वाले टीम में 18 से 3 प्लेयर्स ऑफ हो चुके हैं जहां पर सबको पे लगा को भी अपील में प्रेशर का मौका मिलने का चांस है नजर आने वाले दोबारा से मारने का मौका मिलने का फाइट अब चार्ज कर रहे हैं 14 के बैक सामने से अटैक करने की कोशिश करेंगे हील करने का पूरा मौका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं नजर आने वाले पर ट्रेड आएगा उनको डाउन किया जाएगा यहां पर टीम में 40 इंस्टेंटली फिनिश करते हुए नजर आने वाली बट नहीं अभी भी रेस सरवाइव करे नो में सरवाइव करे हीलिंग उनके पास नहीं है मात्र 10 बैंडेज के बैक कर दिया जाएगा यहां से उनको डाउन करते हुए नजर आएंगे हेलियस एंड इंस्टेंटली देखते वो भी इकलौते खिलाड़ी थे एंड जाते जाते उन्होंने भी एक प्लेयर को फिनिश किया हीलिंग उनके पास खत्म हो चुकी है 7 टीमें सरवाइव कर रही है ओ माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग अमेजिंग गेम प्ले गाइस जो यहां निकलकर हमारे सामने आते हुए लगा टीम में 20 ऑन द अदर एंड एक प्लेयर का फिनिश हो चुका है नाउ अभी भी देख सकते हैं एक फिनिश पर उनके खाते में नहीं आया है किस तरह से अटैक करेंगे वो अपने आप में काफी क्रूशियल रहते हुए नजर आने वाला बट कई बार अभी भी देख सकते हैं टीम में उनके जस्ट ऊपर की तरफ तैनात है एंड वो किस तरह से अटैक करेंगे वो जरूर देखने वाली बात है उनका पूरा फोकस टीम 7 के साथ एवर फाइट में बॉल में लेते हुए नजर आएगा 5 की तरफ से ग्रेनेड जरूर जा रहा है कनेक्शन ढूंढने का फिर नहीं वो जरूर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा टीम 20 के बेस पीछे से अटैक करने की कोशिश करेंगे टीम 7 को जोन के अंदर आना है गेट कीप उनका किया जा चुका है टीम 8 यहां से बिल्कुल उनको एंट्री नहीं लेने देगी बट टीम 20 के देख सकते हैं किंग पीछे से अटैक करने की कोशिश करेंगे जहां से उनके ऊपर अटैक करने का मौका देने का बट डैमेज उनको काफी ज्यादा मात्रा मिला बादशाह के द्वारा एंड टीम नंबर 8 देख सकते हैं जहां से एक साथ 2 टीम के साथ फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेने की कोशिश करें मॉली देख सकते कितना ज्यादा नजदीक आकर गिरी थी बट दे आर लिटरली हैंडलिंग 2 टीम्स एट अ सिंगल टाइम विच सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यहीं पर अब देखा जाएगा बट टीम 7 के बेस्ट काफी ज्यादा क्लोजिंग करते नजर आने वाले यहीं से अभी भी देख सकता है सेल्स के द्वारा टीम 20 के बेस्ट को अटैक करने की कोशिश भी निकल कर आ रही है नहीं तो जारी पीछे अटैक करने की कोशिश करे बट टीम 7 के बेस्ट को अब कुछ भी करके जोन के अंदर आना ही पड़ेगा क्योंकि ये जोन आपको नहीं बख्शेगा यहीं से देखते हैं को डैमेज जरूर पड़ा फ्लेक काफी ज्यादा लो नेल जा चुके हैं यहीं से अगले बात टीम 7 के बेस्ट सारे जोन का डैमेज लेकर अंदर की तरफ आते नजर आ रहे टीम के बाद टीम को अटैक करने का बेस्ट को भी टॉप करने का मौका उनके पास रहता है क्या तो लेकिन चार्ज करके अटैक को चार्ज में टाइम देने का मौका बनता है यहीं से देखते हैं सही की अटैक करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जरूर पर क्या सिचुएशन यहां पर निकल जाएगी टीम यहां देखते, पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट करते
प्रॉपर यहाँ पर इस टीम की इस खिलाड़ी की तरफ से निकल गया, नो टीम की तरफ नहीं, इस खिलाड़ी को कहना चाहूंगा, बट टीम बाय एट अभी भी सर्वाइव करेगी। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली थ्री टीम्स, टीम बाय एट के तरफ ऊपर सर्वाइव करें, बट फाइव साहब करेगा मॉक काउंटर करेगा पांच होता है करने की कोशिश करेंगे। यहीं से देखते हैं किंग एंड विजार्ड ऑफ द लास्ट उन दोनों को नॉक करेगा। जेरी एक लौटा खिलाड़ी टीम की तरफ सर्वाइव करे, दीवार करेगा मॉक काउंटर पड़ेगा बट उनको डाउन किया जाएगा बादशाह के द्वारा। जहां पर देख सकते हैं बादशाह के बादशाह शॉट लगातार हमारे सामने कनेक्ट होते नजर आएंगे। यहीं पर अभी के लिए काफी शानदार टीम जो है यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन हमारे सामने करते नजर आएंगे। वही चीज काफी अच्छी सिचुएशन हमारे सामने बनाएगी टीम, बट टेन की अगर बात करी जाए वो भी देख सकते हैं आराम से अभी भी सर्वाइव करे। टू वी थ्री सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं। कौन सी टीम इस जगह से इस चिकन डिनर को अपने नाम करेगी वो अपने आप में काफी क्रूशियल लेकर हमारे सामने आता नजर आएगा। रेस्टिक की बात की जाए देखते हैं टोन डाउन होकर बैठे जरूर है टीम बाइट के प्लेयर्स जस्ट अंदर की तरफ आते नजर आएंगे। देखा जाएगा किस तरीके से वो अटैक यहाँ पर करते नजर आएंगे, बट यहाँ पर 1-1 पंख के द्वारा रेस्टिक को यहाँ पे नॉक फिनिश किया जाएगा। मैट्रिक्स इज अलोन नजर आ रहा है। नाउ द सिचुएशन कम्स डाउन टू 1v3 एंड मैट्रिक्स अब किस तरह से यहां इस सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नजर आ रही है यहां से, जोन के तो अंदर है बट मुझे लगता है यहां से अब टीम को पता है कि सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी उनकी पोजीशन पता है एंड अब आसानी से उनको एलिमिनेट करने में मुझे नहीं लगता ज्यादा समय उनको लगने वाला है। मैट्रिक्स वापस से एक ऑफ एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से देखते हैं ग्रेनेड वगैरह फेंकने की कोशिश भी जारी है, नॉक करने का मौका मिल सकता है, यहां से नॉक करने में कामयाब भी हो जाएंगे। कवर के अंदर जाते नजर आएंगे, फसल उनके पास ओपन कर लेनी चाहिए बट वहीं से अभी के लिए बादशाह पीछे की तरफ जरूर रहने वाले। तो अभी भी सिचुएशन 1v2 आ चुकी है, यस देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि एक 1v2 सिचुएशन हमारे सामने निकल कर आ सकती है। यहां पर देखा जाएगा किस तरीके से वो कैपिटलाइज करते हैं, डैमेज से निकल कर आएगा तो सिर्फ को पिक ऑफ कर सकते थे बट वहां गन स्विच करने के चक्कर में एलिमिनेट किए गए एंड नाउ द सिचुएशन विल बी ओवर एंड बेहतरीन प्रदर्शन यहां देख सकते हैं निकल कर हमारे सामने टीम गॉड प्ले के द्वारा। देख सकते हैं 6 और 6 12 फिनिश पॉइंट सिक्योर इस टीम ने कर दिए थे वहीं पर जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पर हमारे एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल गाइस शक्ल तो गायब हो चुकी है लेकिन डोंट वरी वॉइस गायब नहीं होगी, मैं यहाँ पे जरूर से रहूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग का प्यार कहाँ पे कहने के आशिक बनते हुए दिखूंगा। टू बी प्रिसाइज अगर आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करोगे तो दैट वुड बी लवली फॉर मी। इवेंचुअली गाइस गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ टीम जंप कर रही है, कहाँ कहाँ क्लैशेस रहेंगे। आई मीन देखिए क्लैशेस तो आपको कई सारी जगह देखने को मिलने वाले हैं बट यहाँ पे बात करी जाए टीम 4 डॉक्टर की आपको रेगन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं पंटॉप सर, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आशो देखने को मिलेंगे, साथ ही मैड डॉग प्रेजेंट है। तो ये 4 डॉग की स्क्वाड उनके सामने यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। 4 डॉक्टर के अलावा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे टीम नंबर 17, बट आई गेस दिस इज अ टीम विच इज एक्चुअली ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कम्पीट और कहीं ना कहीं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन देने की कोशिश यहाँ पे टीम जरूर से करते हुए दिखेंगे। सो यस ऑफकोर्स मजा काफी ज्यादा यहाँ पे आने वाला है। टीम नंबर 17 की बात करी जाए दिस इज टीम फाइटर्स, देखते हैं इनकी एग्रेशन किस तरीके से रहती है, किस तरीके से फाइट करते हैं, कितने पॉइंट्स को आप निकाल के लेके जा पाती है। एंड हाँ गाइस आप लोगों से हमेशा यही दरख्वास्त रहेगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर से कर दीजिए बिकॉज आप लोग का एक प्यारा सपोर्ट मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल रहेगा इन फ्यूचर टू एक्चुअली डेवलप दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विद मेनी कॉलेजेस जो कि आप लोग को प्रोवाइड करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइट्स के साथ। एंड आप लोगों को भी यहाँ पे कहने के काफी ज्यादा मजा आने वाला है इन द थ्रू फाइट्स विच आर गोइंग टू बी देयर। सो यस गाइस अगर आप लोगों को पसंद है मजा आ रहा है जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करिए। एंड हाँ गाइस यहाँ पे हमारे जो चैट है वहाँ पे आपको सब्सक्राइबर्स ओनली मोड यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को बस सिंपली करना क्या है सब्सक्राइब का बटन दबाना है नीचे एंड तुरंत के तुरंत आपका चैट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और वहाँ पे अपने फेवरेट टीम का नाम लिखिए। जिन लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है यानी कि जो MKCC कॉलेज से प्रेजेंट है वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, बट जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आई बिलीव सो, जाइए जल्दी जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब करिए। बट चलिए बात करते हैं यहाँ पे टीम नेमेसिस की, ऑलरेडी इनके खिलाड़ी का लॉस यहाँ पे हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं नेमेसिस के क्रक्स फिनिश ऑफ हो चुके हैं यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करते हैं डेड शॉट की तो देखिए उनकी तरफ से मुझे AKM एंड M416 का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब मजे की बात यहाँ पे यही रहने वाली है कि इस कॉम्बिनेशन को वो किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे पॉइंट्स उठा सकेंगे, किस तरीके से वो इन डिफिकल्ट टास्क को यहाँ पे कहने के मैनिपुलेट कर पाएंगे, ये एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे निकल के आता है फिलहाल। हालांकि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे शुरुआत में कहने के फिनिशेस काफी ज्यादा प्लॉजिबल देखने को मिलेंगी, काफी ज्यादा मजेदार सिनेरियोज यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। आई जस्ट होप यू गाइज आर मोर देन रेडी टू सी दैट हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गेट एस्टैब्लिश, बिकॉज देखिए मैं भी कहने के एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से गेम निकलेगा, कैसे फिनिशर्स यहाँ पे निकल के आती हैं, किस तरीके से एक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, हर चीज़ पर हम लोग बात करते हुए जरूर से यहाँ पे देखेंगे। सो आई होप यू गाइज आर मोर देन रेडी टू एक्चुअली टेक अप अ फाइट एंड इवेंचुअली गेट विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट विच इज गोइंग टू बी देयर। एंड अगर आप लोग को स्ट्रीम पसंद आ रही है, कास्टिंग पसंद आ रही है तो कमेंट डाउन करके जरूर से यहाँ पे बताइए दैट हाउ द फाइट्स आर एक्चुअली गोइंग टू गेट एस्टैब्लिश। एंड अगर कोई भी अलग चीज़ है, कोई भी अलग आपके ओपिनियन है, कुछ भी अलग बात अगर आपके दिमाग में चल रही है तो जरूर से कमेंट डाउन करके मुझे बताइए, आई बी मोर देन हैप्पी। टीम नंबर 7 को दिखाने के लिए बोले, ओके टीम नंबर 7 को दिखाने के लिए हम जाएंगे जरूर से, बट फिलहाल आप जैसे कि देख सकते हैं नेमेसिस और इन दोनों के बीच में फाइट चल रही है। चलिए तभी बीच में हम आपको टीम नंबर 7 दिखा देते हैं फटाफट से। एक्सपोर्ट्स की जो स्क्वाड है वो आपके सामने है, मिहिर देखने को मिलेंगे, मिहिर के अलावा आपके पास यहाँ पे ब्लीड के अजराइल देखने को मिलने वाले हैं, उसके अलावा शेड प्रेजेंट है और साथ ही आपको एक्सपोर्ट्स के सीज देखने को मिलेंगे।
पर ये चार खिलाड़ी अभी रोटेशन के लिए जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ खास फाइट देखने को नहीं मिलेगी। बट वहीं अगर हम बात करते हैं टीम नेमेसिस की, तो देखिए नेमेसिस के सामने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्शन काफी ज्यादा भर चुका है। आज यू ऑल कैन सी नेमेसिस के खिलाड़ी अपनी UMP-45 एंड M416 का यूज करते हुए कहीं ना कहीं काफी अच्छे खासे रिटेलिएशन डालने की कोशिश जरूर से करेंगे। FM टाइगर्स OP प्लेयर सुभांशु परिदा यहाँ पे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं, दैट इज एब्सोल्युटली लवली। अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करो गाइज, बिकॉज इफ यू गाइज आर गोइंग टू सपोर्ट योर टीम्स, आई गेस आपकी टीम कहीं ना कहीं जीत सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पे वन विन लेने की कोशिश जरूर करी गई थी, हंटर को डाउन किया, बट कोई खास फायदा नहीं रहा टीम नेमेसिस की तरफ से। नेमेसिस बहुत ही अर्ली अपने दो खिलाड़ियों को यहाँ पे लूज कर चुके हैं, जो कि शायद इनके लिए आगे वाली फाइट्स में ज्यादा इतना ज्यादा फेवरेबल देखने को ना मिले। चलिए बात करते हैं टीम नंबर 8 की, यहाँ पे टीम नंबर 8 के भी खिलाड़ी आपके सामने प्रेजेंट है गाइस। सो टीम नंबर 8 इज पर्टिकुलर नोन एज टीम टीबी, लेट मी जस्ट चेक आउट द नेम, टीम TBBBMG, टीम बीबीएमजी, इसका फुल फॉर्म क्या है गाइस आप लोग अगर बता सकते हो तो दैट वुड बी लवली, बिकॉज ये नाम थोड़ा सा टंग ट्विस्टर की तरह देखने को मिल रहा है। उमा शंकर मलिक, अगर आप अपनी फेवरेट टीम का नाम बता सकते हो तो दैट वुड बी लवली। आपकी जो टीम नंबर 8 है उनका नाम बता दीजिए मुझे बस एक बार, तो मेरे लिए कहने के काफी ज्यादा अप्रिशिएबल देखने को मिलेगा। बट एनीवे चलिए टीम नंबर 18 की भी हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्शन जो चल रहा है पहले उसकी हम बात कर लेते हैं फिलहाल, पर टीम नंबर 18 को भी दिखाना बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। बट डोंट वरी गाइस, एट दिस मोमेंट वुड लाइक टू से दैट टीम नंबर 13 इज वन ऑफ दोस हाईएस्ट होल्डिंग टीम्स, जिसके पास फिनिशेस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं और कहने के टीम अगेन पुश करती हुई दिखेगी। कैल्पिसो की बात करी जाए, वेल वो वहाँ पे कहने के हील कर चुके हैं, रेड डेविल इज ऑलरेडी ऑन द बैक एंड। बात करें अगर हम इस प्लेयर की यानी कि एनिक मॉइड की यहाँ पे, तो फिलहाल वो भी आपको बैक एंड पे देखने को मिलेंगे। एंड हंटर, वेल ही इज ऑल्सो बैक इन द गेम एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। मूविंग ऑनवर्ड्स अगर बात करते हैं टीम नंबर 16 की, तो यहाँ पे आपको स्पेकी सैम देखने को मिलेंगे, साथ ही सायराज देखने को मिलने वाले हैं। बट अगर हम बात करें इस समय तारीख की, तो उनको देखिए यहाँ पे नॉक कर दिया गया है, उनका बचपाना समय एकदम इम्पॉसिबल देखने को मिलेगा एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट फॉर देम। मूविंग ऑनवर्ड्स थोड़ा डिफिकल्ट जरूर से जाएंगी ये चीजें, बट लाइक आप लोग यहाँ पे जरूर करिए गाइस, फटाफट से शेयर करिए जितना हो सकता है एंड सब्सक्राइब करिए अपनी कम्युनिटी के अंदर जितना हो सकता है आप शेयर करिए, बिकॉज ऐसे ही अमेजिंग मैचेस और टूर्नामेंट्स के साथ मैं आप लोगों के लिए वापस जहाँ पे जरूर से आता हुआ दिखूंगा। एंड ये प्रेजेंटेड है इस समय अपनी MKCG की तरफ से द पैराडाइज कप, बट गो डोंट वरी गाइस, आपको और भी ज्यादा अमेजिंग चीजें देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द। बट अभी के लिए यहाँ पे फिलहाल रिवाइवल देना कहीं ना कहीं काफी एसेंशियल देखने को मिलेगा, तो उससे पहले इनको थोड़ा सा सफर जरूर करना पड़ रहा है, अपने टीममेट का इंतजार कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा कवर के अंदर आए। बट फिलहाल स्पेकी सैम की अगर बात करी जाए, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू दिस गाय, इनको यहाँ पे रिवाइवल दे देना चाहिए, बट अभी यहाँ पे लेट किया है इन्होंने और इनके टीममेट मारे गए यहाँ पे, ये कैसे, मतलब ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे करना क्या चाहते थे। अगर आप लोग में से कोई बता सकता है कि भाई यहाँ पे हुआ क्या, तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए, बिकॉज इस तरीके से प्लेयर्स का लॉस करवाना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इनके लिए दिक्कत बना रहेगा। बट एनीवे चलिए यहाँ पे बात करते हैं FM टाइगर्स की, तो यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं भाई सबको पेलेगा, और यहाँ पे देखिए इनका नाम यही है भाई सबको पेलेगा। उसके अलावा अगर बात करें ड्रे पॉइजन आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको यहाँ पे K9 रेज देखने को मिलने वाले हैं, उसके अलावा फैंटम OP भी देखने को मिलेंगे। तो ये चार चंद खिलाड़ी हमारे जो कि फाइट लेने की कोशिश करते हुए दिखेंगे, देखते हैं किस तरीके से उनका एग्रेशन यहाँ पे रहने वाला है, किस तरीके से पूरी फाइट्स उनकी डेवलप होगी, हर एक चीज़ पे हम लोग बात जरूर से यहाँ पे करेंगे। बट जैसे कि मैंने कहा गाइस, स्ट्रीम पे 2.5 मिनट का डील लगा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे बातचीत जरूर करिए, आपकी चैट का रिप्लाई भी तुरंत मैं अपनी तरफ से दूंगा। बस वही बात है कि आपको ये चैट मिलने में या फिर लेट्स से ये रिप्लाई रजिस्टर होने में थोड़ा सा टाइम जरूर से लग सकता है, बट डोंट वरी गाइस, आपके लिए मैं हूँ यहाँ पे और आप लोग भी मेरे लिए यहाँ पे हो, तो दैट इज एब्सोल्युटली लवली। बट फिलहाल टीम X3F यानी कि एलीट X4 एक्स एलीट फोर्स के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेगी। ये टीम MKCG कॉलेज का जो यहाँ पे कहने के वन ऑफ द टेबल टॉपर टीम्स देखने को मिली थी मुझे यहाँ पे फिलहाल, जब इनकी फाइट्स निकली थी, जब इन्होंने क्वालिफायर राउंड खेला था टू बी प्रिसाइज अपने MKCG कॉलेज का, वहाँ पे मुझे देखने को मिला था काफी शानदार एग्रेशन इस टीम की तरफ से, जब इन्होंने फाइनल्स भी खेले थे जहाँ से टॉप टू टीम्स MKCG कॉलेज से उठ के आई थी, वो भी देखने को मिला था काफी ज्यादा। ऑप्टिमस टीम को दिखाओ, टीम 18 दिखा दिया मैंने, उस टीम को भी दिखा दिया, डोंट वरी एक एक करके सारी टीम्स को दिखाया जाएगा। आई गेस आप लोगों को चैट पे थोड़ा सा बस समझने में देर लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रीम पे डिले डला हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हो, बहुत अच्छी बात है, अपनी फेवरेट टीम्स के लिए आप उत्सुक हो बहुत ही अच्छी बात है, बट थोड़ा सा आप लोग वेट करिए एंड जरूर से आपको काफ़ी सारे अच्छे तरीके से सिचुएशंस देखने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको नई चीज़ें देखने को मिलने वाली है। बट एट दिस मोमेंट टीम नंबर 20 इज द वन लूजिंग वन प्लेयर, दैट इज गोइंग टू बी जेरी। जेरी को नॉकआउट यहाँ पे किया गया और किंग यहाँ पे करते हुए देखेंगे होल्ड, यू कैन ऑलरेडी सी ही इज द वन सपोर्टिंग दिस एरिया। एंड नियॉन रैगनार की बात करी जाए, देखिए एक और खिलाड़ी को अप डाउन किया जाएगा, दैट्स बैड फॉर द टीम राइट नाउ। लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, लॉर्ड स्पिन यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए देखेंगे, लॉर्ड सिपम फिनिश ऑफ वहाँ पे हो चुके हैं, विच इज नॉट गुड। एंड यहाँ पे देखिए वॉर गॉड को भी डाउन किया जाएगा, किंग इज होल्डिंग द रिजेस, देखते हैं किंग किस तरीके से होल्ड कर पाते हैं और कितनी देर तक यहाँ पे होल्ड कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट गाइस। जैसे जैसे मैच आगे यहाँ पे कहीं ना कहीं पैन आउट होगा, इस पर्टिकुलर खिलाड़ी के लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होगा। यहाँ पे देखिए एक्स एलीट फोर्स काफी बखूबी अपने प्रेशर को मेंटेन कर रही है और किंग अब इस समय अपने आखिरी खिलाड़ी देखने को मिलने वाले हैं, अपनी टीम के एक चंद ऐसे खिलाड़ी जो कि शायद अपनी टीम को थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं। हालांकि देखिए उनके लिए भी वो भी पॉसिबल देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही बखूबी छोटे से पिक्सल से यहाँ पे पिक इन किया। देखते देखते टीम एक्स एलीट फोर्स लॉबी की सबसे पहली स्क्वाड को धराशायी करेगी, इसी के साथ द गेम इज
डन फॉर दैट पर्टिकुलर टीम। मूविंग ऑनवर्ड्स, टीम नंबर 17 के खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में टीम नंबर 8 के, जहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली ये पर्टिकुलर टीम, जहाँ पे फैंटम ओपी है, इन्हें रेज देखने को मिलेंगे, साथ ही रे पॉइजन देखने को मिलने वाले हैं, एंड इनका नाम है भाई सबको पेलेगा। नाम तो कहने के काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, बट देखते हैं परफॉर्मेंस इस तरह की देखने को मिल पाती है या फिर नहीं, बिकॉज परफॉर्मेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशल देखने को मिलेगी। एंड मूविंग ऑनवर्ड्स, इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ हॉटस्पॉट सिनेरियो इन द लॉबी। तो ऑफकोर्स काफ़ी कुछ यहाँ पे अमेजिंग देखने को मिलने वाला है, क्लैशेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज होते हुए दिखेंगे। बट चलिए गाइस, यहाँ पे फैंटम के अलावा अगर हम बात करें रे पॉइजन की, या फिर अगर हम बात करें भाई सबको पेलेगा की, तो वो भी आपको बैक एंड पे जरूर देखने को मिलेंगे, बट इस समय पहली जोन ऑलमोस्ट रिंक होती हुई दिखेगी हमें। एंड जैसे कि हम जाते हैं गाइस, ये क्वालिफायर्स राउंड चल रही है, एंड मैनेजमेंट की तरफ से मुझे पता चला है कि फिलहाल क्वालिफायर्स राउंड में आपको एडवांस रूम कार्ड देखने को नहीं मिलेंगे, तो सेटिंग्स प्रीटी मच नॉर्मल है, जैसे आप क्लासिक का गेम खेलते हो एकदम वैसी आपको सेटिंग्स देखने को मिलने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जो भी टीम्स आप हैं उनको भी शायद वो प्रेशर फील नहीं होगा, ऑब्वियसली वो आराम से खेलती हुई दिखेंगी टीम्स, एंड दैट इज अ गुड पार्ट गाइस, नो डाउट इन दैट। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए इस तरीके से खेलना, एक स्लो पेस्ड गेम प्ले, एक शांत गेम प्ले अगर वो अपना निकालते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और चलिए यहाँ पे बात करी जाए इस समय फिनिशर्स की, आपको 17 टीमें और 59 खिलाड़ी देखने को मिलने वाले हैं। फाइनली यू हैव गॉट टीम नंबर 17 वेरी क्लोज टू टीम 18। अब देखते हैं फाइट लेगा या फिर नहीं लेगा, चिकन कौन लेगा, प्रेडिक्ट करो गाइस। बस ऑफ कोर्स गाइस, चिकन कौन लेगा प्रेडिक्ट करिए जल्दी जल्दी फटाफट से, कौन सी टीम यहाँ पे चिकन लेने वाली है जल्दी जल्दी कर दो गाइस, बिकॉज आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग अगर प्यार बरसाओगे तो ही शायद यहाँ पे जो टीम्स है अपने आपको अपने मोराल को कहने के बूस्ट कर पाएंगे। एंड इफ दैट हैपेंस यू ऑल नो दैट द चिकन डिनर माइट नॉट बी दैट फार अवे, सो यस ऑफ कोर्स वो चिकन डिनर यहाँ पे मिल सकता है इन टीम्स को। हालांकि देखिए अभी टीम्स काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी जो इनकी है वो थोड़ी दूर दूर देखने को मिल रही है, प्रॉक्सिमिटी इनकी पास नहीं है। एंड मूविंग ऑनवर्ड्स, इफ आई टॉक अबाउट टीम नंबर 4 यानी कि 4 डॉक्टर्स की स्क्वाड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पंटोप, अशुपराग, मार्डोक एंड ड्रैगन देखने को मिलने वाले हैं। दीज टीम्स आर प्रीटी मच मूविंग इनटू द फाइट, लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू कैपिटलाइज इट एंड हाउ दे आर गोइंग टू पंच इट एंड हाउ दे आर गोइंग टू पंच देयर वे थ्रू इट आउट ऑफ इट। अब गाइस आपको बता दूं, आज 2 मैचेस यहाँ पे इस ग्रुप के अभी देखने को मिलेंगे आपको 7 और 8 बजे से शुरू होने वाले थे। ऑब्वियसली टीम महाकाल इज गोइंग टू विन इट, क्या बात है, पुष्पेंद्र सिंह अपनी फेवरेट टीम को आप कहने के कॉल आउट करते हुए दिखेंगे, दैट्स गुड इनफ। बट गाइस जो चीज मैं आपको बता रहा था दैट यहाँ पे आज आपको मैच नंबर 3 और 4 इस पर्टिकुलर स्ट्रीम पे देखने को मिलेगा, स्ट्रीम के बाद 1 घंटे का डिले रहेगा, यानी कि मान लीजिए 1 घंटे बाद आपको अगली स्ट्रीम देखने को मिलेगी, करीब करीब 1 घंटे बाद, 1 घंटे या 40 मिनट बाद आपको अगली स्ट्रीम देखने को मिलेगी, जिसमें आपको आगे की फाइट्स देखने को मिलेगी, यानी कि आज का मैच नंबर 5 और मैच नंबर 6 देखने को मिलेगा। सो इंतजार रखिएगा गाइस, यहाँ पे जरूर से अपनी जो इंटेंसिटी है उसको आप बचा के रखिएगा, बिकॉज सपोर्ट आपका यहाँ पे हर स्ट्रीम पे आना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड इफ यू गाइस सपोर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा नए सिचुएशंस ओपन अप होते हुए दिखेंगे। बट टीम 4 डॉक्टर्स सभी के लिए काफी कॉर्नर है, पहली जोन खत्म हो चुकी है, दूसरी जोन की बात करी जाए नॉर्दर्न कॉर्नर में ये जोन जाती हुई दिखेगी एज वेल कैन सी, बट देन अगेन टीम्स यहाँ पे देखिए नॉक होते हुए दिखेंगे, आई गेस वो चलती गाड़ी से गिर के बेचारे यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। टीम्स स्ट्रॉ जीजी के लिए अब यहाँ पे दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेंगी, हालांकि इनके टीममेट्स काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो आई बिलीव एक रिवाइवल की सिचुएशन पास हो सकती है। देखिए यहाँ पे अंशार घुसते हुए दिखेंगे फॉर दैट रिवाइवल, दैट्स गुड इनफ फॉर हिम। मूविंग ऑनवर्ड्स, एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन राइज होता हुआ दिखेगा, लेट्स सी हाउ दिस कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड एंड कितने और फिनिशर्स यहाँ पे निकाल के ले पाए। चिकन तो टीम 18 ही निकाल लेगा, सबको पेलेगा, ओहो हो क्या बात है, क्या बात है शुभ्रांशु भाई, इसी तरीके से शुभ्रांशु भाई अपनी टीम को सपोर्ट करिए, बस यही सपोर्ट चाहिए, यही मोराल चाहिए आपकी अपनी फेवरेट टीम्स के लिए, देन ओनली शायद यहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल है वो एंथुजियाज्म दिखा पाएगा और यहाँ पे कहने के मजा काफी ज्यादा आने वाला है। सो यस ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से दैट पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे दैट ये जो टीम्स हैं वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी, एक अच्छा क्लैश रखेंगी, एक अच्छा एग्रेशन यहाँ पे रखेंगी। सो यस ऑफ कोर्स मैं जहाँ तक कहता हूँ मजा तो जरूर से आने वाला है गाइस, आप लोग भी कमेंट डाउन करके बताइए क्या लगता है, किस तरह के आपके थॉट्स हैं इन पूरी चीज़ों के ऊपर कि मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, चैंपियनशिप इस तरह की और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कमेंट डाउन करके बताइए गाइस। अगर आप लोग का ओपिनियन है कि और होनी चाहिए तो जरूर से कमेंट डाउन करके बताइए, स्पैम कर दीजिए वी वांट मोर और कहीं ना कहीं अपने कॉलेजेस को भी पुश करिए कि ऐसी और इवेंट्स ला के रखें। आई नो यहाँ पे MKCG की तरफ से तो ये इवेंट देखने को मिल रहा है, बट कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि टेक यहाँ पे पार्ट ले रहे हैं, बट स्टिल उनकी तरफ से ऐसे कोई खास इवेंट्स देखने को नहीं मिल पाते। तो आप अपनी अपनी एथलेटिक सोसाइटीज को बोलिए, अपने अपने स्पोर्ट्स कॉर्नर्स को बोलिए कि भाई इस तरह के टूर्नामेंट्स बुलाइए, क्योंकि ई स्पोर्ट्स एक बडिंग चीज़ है, जिस तरीके से आप लोग के अपने मेडिकल फील्ड्स होते हैं वैसे इस तरीके से आजकल ई स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ा बड़ा मार्जिनलाइज फील्ड्स यहाँ पे ओपन अप होते हुए दिखेंगे। सो आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप ई स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, अगर आप ई स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप पढ़ाई में जरूर से अच्छे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल। तो आप लोग यहाँ पे जाइए, ज्वाइन करिए इस तरह के टूर्नामेंट्स, बिल्कुल पीछे मत हटा करिए गाइज, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ आप लोगों से एज में, आई वुड लाइक टू से दैट मेरी एज बस 22 है, 22 साल का हूँ, मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा मैं फिलहाल खुद को, साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और 12th मैंने PCP जरूर से ली थी, सो मैं इस बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत फैमिलियर जरूर से हूँ कि किस तरह का प्रेशर रहता है, बट यू गाइज आर मच मोर अहेड ऑफ मी, आप लोग एक तरीके से एक नई पीढ़ी हो, एक आगे की पीढ़ी हो मेरे से, एक नई जनरेशन हो मेरी, बट स्टिल गाइज मैं यहाँ पे यही चीज़ कहूँगा दैट पार्ट लीजिए यार, पार्ट लीजिए, ऐसी नई चीज़ें आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन वाली लाती हुई दिखेंगी। एंड हाई हाई मेयर
जो भी लोग नए हैं वो लोग देख सकते हैं मुझे फिलहाल, एंड आई एम द कास्टर, आई एम द वन हु इज स्पीकिंग एंड द वॉइस ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच। सो गाइज यस, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, छोटा जरूर से हूँ लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी लिव किया मैंने भी आप लोगों के तरीके से, जैसे आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ाई भी करते हो, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी, आप तो ई स्पोर्ट्स भी ले आए MKCG कॉलेज, तो यही से मैं यही चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आगे जिस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, बस यही एक मेरा अनुरोध रहेगा आप लोगों से, आपकी एथलेटिक सोसाइटी से, आपके जो कह सकते हैं जो अभी आपको हेड्स हैं जो भी वगैरह वगैरह, आपकी कम्युनिटी के जो भी हेड है अपने अपने कॉलेजेस के, उनसे यही अनुरोध रहेगा मेरा फिलहाल कि इस तरह के और अमेजिंग टूर्नामेंट्स लाइए, इवेंट्स लाइए, बिकॉज ई स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि घर बैठे इसके लिए कोई फिजिकल नीड नहीं चाहिए होती है, यस ऑफकोर्स आपको माइंड की स्टेबिलिटी चाहिए होती है और रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं, गुड विजन चाहिए होती है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट वही है ना गाइस, जो बंदे फिजिकली भी कैपेबल नहीं है, जो बंदे थक भी जाते हैं थकार के, उनके लिए एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर बन सकता है ये चीज़। सो वुड लाइक टू से दैट एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस बस्ट करना, एंजाइटी रिलीज करना, तो वही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर इस चीज़ में हेल्प हो सकती है तो इन सोसाइटीज़ को मैं ये कहूँगा जरूर से हेल्प करिए, एंड आई विल बी बैक आफ्टर द मैच, तो तब तक के लिए वॉइस को एंजॉय करिए रादर देन द फेस। And anyway guys, you can see that another contestant is about to be there, I believe. यहाँ पे टीम नंबर 3 और शायद ऐसे टीम नंबर 5 की शायद फाइट देखने को मिल सकती है। VP के जो स्क्वाड है वहाँ पे आपको स्वाधीन देखने को मिलेंगे, अश्विन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, उसके अलावा एपिक्स प्रेडिक्टर भी देखने को मिलेंगे। हालांकि टीम नंबर 4 यानी कि 4 डॉक्टर की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, बट उन्होंने फाइट नहीं ली, उन्होंने इस फाइट को जाने दिया यहाँ पे और कहीं ना कहीं इस फाइट को अवॉइड करते हुए दिखेंगे, बट धीरे धीरे करके आगे की फाइट्स और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेंगी। 4 डॉक्टर्स के लिए सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, एक्स एलीट फोर्स के लिए फोर्स आता हुआ दिख रहा है, और सेंटिनल्स के लिए सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, नेमेसिस के लिए सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, तो दिस इज लवली, आप लोग अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ही अच्छी चीज़ आप देखने को मिल रही है। मूविंग ऑनवर्ड्स, अभी तक मुझे कोई खास फाइट देखने को नहीं मिल रही है, बिकॉज मिरामार का मैप है, एक बड़ा मैप होता है, एक ह्यूज मैप होता है, जहाँ पे ऑब्वियसली फाइट्स इतनी शायद ही देखने को नहीं मिलती है शुरुआत में, एंड दैट इज़ वाई मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, थोड़ा बहुत अपना फ्रेंडली बिहेवियर यहाँ पे ना, वही बोलते हैं ना कि थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है अपनी इस समय, बट डोंट वरी, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा आप लोगों को शायद कुछ नए क्लैशेस, कुछ नए एग्रेशंस, कुछ नए रिटेलिशन जरूर से यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे हम लोग तीसरे जोन में जाएंगे, चौथे जोन में जाएंगे, कुछ फाइट्स देखने को मिलेंगी। हालांकि मैं मान सकता हूँ कि अभी मुझे वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही, बट फिर भी आगे का दौर शायद यहाँ पे डिफिकल्ट रहेगा इन टीम्स के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जोन ऑलमोस्ट श्रिंक होती जा रही है और यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीम गेट कीप कर रही है। जैसे टीम नंबर 9 की बात कर लीजिए, डॉक्टर लिपुन यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अलावा आपको यहाँ पे लोगन देखने को मिलेंगे, साथ ही रियोग ये भी प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो ऑफकोर्स दीज आर द फ्यू मेंबर्स। भाई MBBS क्या है, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, अरे सॉरी 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 यार, उमा शंकर भाई अगर आप बुरा मान रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी भाई, ऐसे बात नहीं है, आपने MBBS किया, आप बहुत बड़े हो, मुझसे ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे इवेंट्स अगर आते रहेंगे तो दिमाग के लिए शांति रहती है, बस और क्या बोलूँ मैं फिलहाल, बिकॉज MBBS इज नॉट अ जोक, वी ऑल नो, छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है यार, इतना बड़ा कमिटमेंट है, इट्स लाइक अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, एंड अ गाय हु इज गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर इज गोइंग टू लर्न एवरी सिंगल सेकंड ऑफ हिज लाइफ, कुछ ना कुछ नया रहेगा, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, इस कोरोना में भी हमें कुछ नई सीख जरूर से दी है। सो ऑफकोर्स नो डाउट आप लोग बहुत ही आगे हो, बहुत ही बड़े हो और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबल हो अपने अपने फील्ड्स में, बट एनीवे दिस इज द मैच विच इज एक्चुअली गोइंग ऑन एंड दिस इज द पैराडाइज PGMI चैंपियनशिप प्रेजेंटेड बाई एथलेटिक सोसाइटी ऑफ MKCG कॉलेज। अलॉन्ग विद दिस वी आर गोइंग टू सी अ लॉट मोर कंटेस्टेंट कमिंग अप रियली वेरी सून, बिकॉज कल से फिनाले भी शुरू होने वाले हैं, ये तो सिर्फ अभी आपको क्वालिफायर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे फिनाले यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको और भी ज्यादा मजे यहाँ पे आने वाले हैं जैसे समाज आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। एनीवे टीम नंबर 10 की बात करें तो आपको लॉर्ड सूरज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, साथ ही एक्सेलरेट प्रेजेंट है, अम्लान भी देखने को मिलने वाले हैं, क्लाउड भी आपको देखने को मिलेंगे, लेट्स सी हाउ द एक्चुअली एग्रेशन इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। वेल 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 मूविंग ऑनवर्ड्स, वी हैव गॉट 2 मिनट्स एंड 8 सेकंड्स मोर टू गो आफ्टर दिस थर्ड जोन विल एक्चुअली श्रिंक इन। अभी भी मुझे कुछ खास फाइट्स देखने को नहीं मिल रही है बिकॉज टीम्स अभी भी स्लो पेस है, बट फिलहाल एक रोटेशन आती हुई दिखेगी एंड अगर ये रोटेशन हल्की सी भी गलत हुई गाइज वी ऑल नो वट इज गोइंग टू हैपन एंड दैट इज अ फाइट कमिंग अप रियली वेरी सून। आई बिलीव ये फाइट देखने को मिलेगी, स्प्रेज यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, एक खिलाड़ी नॉकआउट यहाँ पे होने वाले बहुत ही जल्द, ये सब कोर्स वोट हैपन यहाँ पे, लेकिन इनके जो टीममेट्स हैं वो नॉकआउट नहीं होते हुए दिखेंगे, लेकिन फिर भी गीतीश की तरफ से काफी शानदार फाइट यहाँ पे देखने को मिली, काफी शानदार रिटेलिएशन देखने को मिला, दैट वाज गुड एनफ नो डाउट इन दैट, बहुत ही अच्छा फिनिश यहाँ पे निकालते हुए दिखेंगे। बट चलिए गाइस आगे की फाइट किस तरीके से निकलती है, आगे का एग्रेशन किस तरीके से रहता है, आगे की फिनिशेस किस तरीके से निकल के आप आती है, इस चीज पे भी हम लोग यहाँ पे बात जरूर से करते हुए दिखेंगे। स्प्रेज यहाँ पे दिए जाएंगे, 1v1 लेने की कोशिश, ही चोक्स ऑफ, अनदर गाय कम्स इन एंड जस्ट लाइक दैट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं इस समय सिर्फ ये JSP घोल आपको देखने को मिलेंगे, जो आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम के, आखिरी उम्मीदवार देखने को मिलेंगे अपनी टीम के, वही प्रेजेंट है, एक्सलाइट अम्लान यहाँ पे रिवाइवल देते हुए दिखेंगे अपनी टीम मेट को, एंड अम्लान को जैसे ही रिवाइवल मिलेगा आई गेस दे आर गोइंग टू बाउंस बैक, दे आर गोइंग टू एक्चुअली पुश थ्रू वंस अगेन एंड दैट पुशन इज एक्चुअली गोइंग टू बी रियली वेरी वल्नरेबल फॉर द टीम। 1 नेड इज अबाउट टू कम इन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्सलाइट की तरफ से एक शानदार नेड आने वाला है, बट उससे पहले रिवाइवल भी यहाँ पे मिलकर आता हुआ दिखेगा,
इज गुड इनफ। टीम नंबर 10 भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंजॉइंट हो चुकी है, एक तरीके से वापसी करते हुए दिखे गेम के अंदर, गुड इनफ। शुरुआत में उनको टैग यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पड़ गया था, बट फिलहाल जिस तरीके से स्मोक्स एंड बाकी की चीजों का यूज होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मेसमराइजिंग सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि गितेश को फिनिश ऑफ किया जाएगा, तो एक तरीके से एक 3v3 की फाइट अब यहाँ पे बन के आती हुई दिखेगी। कुल की बात करें वो बैक एंड पे यहाँ पे आ चुके हैं, ही इज द वन होल्डिंग द काइंड ऑफ कॉर्नर्स, और यहाँ पे टीपीपी लेने की कोशिश जरूर से करते हुए दिखेंगे। रोबोटिक गेमिंग वेलकम ऑन द चार्ट गाइज। हाय 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 हाय, कैसे हो गाइज आप लोग, वेलकम ऑन द चार्ट। वेल मूविंग ऑनवर्ड्स, एज यू ऑल कैन सी अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट इज अबाउट टू बी देयर, एंड जैसे कि देख सकते हैं फिलहाल जो फिनिशर्स हैं वो काफी ज्यादा मार्जिनलाइज होते हुए दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एक और खिलाड़ी मारे जाते हैं, अगर बात करें खत्म टाटा बाय बाय की, 1v1 लेने यहाँ पे जरूर से गए, लेकिन आई गेस वो ही खत्म होते हुए दिखेंगे, एंड इसी के साथ उनका खत्म टाटा बाय बाय हो चुका है। एंड टीम नंबर 10 सिक्योर सम अमेजिंग 4 फिनिशर्स, दैट्स गुड इनफ। इफ टॉक अबाउट टीम नंबर 18, वेल दे आर एम्प्टी हैंडेड, अभी तक फिनिश यहाँ पे निकाल के नहीं लेके जा पाए हैं, बट देखते हैं धीरे धीरे करके किस तरीके से इनके फिनिशर्स निकलते हैं। आई मीन कितने और फिनिशर्स यहाँ पे टीम निकाल के लेके जा पाएगी, कितने और चैलेंजेस को आप टीम अपलिफ्ट कर पाएगी, हर एक चीज पे हम बात जरूर से करेंगे। बट मूविंग ऑनवर्ड्स, एट दिस मोमेंट प्रिसाइसली द फाइट्स आर लुकिंग ब्लीकर, यहाँ पे कहने की दिक्कतें बढ़ते हुए दिखेंगी टीम्स के लिए, टैग्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे, ऑब्वियसली फिनिशर्स निकाल पाना है टीम्स के लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे निकल के आएगा। बट मूविंग ऑनवर्ड्स, लेट्स सी हाउ दिस चैलेंज इज एक्चुअली गोइंग टू गेट टोटल्ड। यहाँ पे अगर हम बात करें बैक एंड पे, आपको टीम नंबर 9 बी फाइट लेते हुए दिखेंगे, जिनके डॉक्टर लोगन नॉक हो चुके हैं। लिपुन की बात करी जाए, वो भी अपने रोटेशन के लिए यहाँ पे निकलते हुए दिखेंगे। आई गेस देयर इज सम स्मॉल ग्लिच कमिंग अप इन द लॉबी, बट देयर वी गो, लिपुन यहाँ पे पूरा पूरा फॉल बैक करते हुए दिखेंगे। लोगन को आप एम्प्टी हैंडेड छोड़ दिया गया है। बट मूविंग ऑनवर्ड्स, इफ टॉक अबाउट टीम नंबर 13, ये एक ऐसी टीम है गाइस लगातार फिनिशर्स निकाल रही है, बट यहाँ पे देखिए बैक स्टेप होते हुए दिखेंगे। टीम नंबर 14 इज एब्सोल्युटली द वन व्हिच इज क्रशिंग द होप्स, लगातार यहाँ पे स्पेस देते हुए दिख रहे हैं, लगातार फिनिशर्स निकालने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं, गुड इनफ। मूविंग ऑनवर्ड्स, दीस टैग्स आर एब्सोल्युटली गोइंग टू मैसिव, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेड डेविल यहाँ पे बैक एंड पे देखने को मिलेंगे, एक और शानदार नेड हर एक एंगल से कहीं ना कहीं पुश आता हुआ दिखेगा, एंड इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। जैसे कि आप देख सकते हैं दो दो टीम्स यहाँ पे पुश कर चुके हैं, टीम नंबर 4 भी काफी ज्यादा क्लोज है, तो तीन तीन टीम्स आपको एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे अगेन सर्वाइवल एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है फिलहाल। बट लेट्स सी किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से एंगेज कर पाएंगे। आई मीन एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे टीम्स को लेना पड़ेगा, एक बड़ा फाइट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी टीम्स को। बट टीम नंबर 9 की बात करी जाए, रिक प्रॉपर फॉल बैक कर चुके हैं, ई एक्स आर के इन्वोकर की तरफ से भाई सबको पहले का नॉक होते हुए दिखेंगे, एंड दिस इज एब्सोल्युटली डेंजरस गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं टीम नंबर 18 इज अंडर डैमेज, यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सफर कराया जा रहा है। अगर बात करें डॉक्टर पॉइजन की, तो देखिए वो आपको बैक एंड बजाते हुए दिखेंगे, बट डैमेज काफी ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। सामने टीम एक्स एलीट फोर्स की स्क्वाड आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि एक ऐसी स्क्वाड है जो फिनिश यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक देखने को मिलने वाली है। भाई अगर तू खेलने लग गया फिर तो इस मैच का टॉप फ्रैगर पहले ही डिसाइड हो गया है। मैं थोड़ी खेलूंगा यार, क्या बात कर रहा है, आई एम द वन कास्टिंग, मैं गेम में नहीं उतर सकता, आई एम रियली वेरी सॉरी। बट एनीवे, अभी के लिए अगर हम बात करें टीम नंबर 18 यहाँ पे देखने को मिलेगी, वी हैव गॉट फैंटम ओपी, वी हैव गॉट डिप्रेशन, आई गेस डॉक्टर पॉइजन टू बी प्रिसाइज, बट उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेंगे। एज यू ऑल कैन सी रिवाइवल के यहाँ पे जरूर से जा रहे हैं, बट बहुत ही रिस्की बिजनेस है गाइस, अगर वो रिवाइवल पे नहीं पहुंचे तो, एंड यस ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट हैपेंड, पॉइजन वाज टेकन डाउन, फैंटम एसपी इज गोइंग टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ हिज टीम, पूरा फॉल बैक करना इनके लिए एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे निकल के आता हुआ दिखेगा। टॉप फोर्थ जोन के अंदर यहाँ पे जरूर से पहुंच चुके हैं, लेकिन सर्वाइवल में कहीं ना कहीं चूक देखने को मिलेगी जरूर से इनके कॉर्नर से, एंड दैट इज वाई समथिंग Valuable is actually going to happen that he is going to fall back. छोटी सी शाख के अंदर यहाँ पे बैठ गए हैं और इसी शाख के थ्रू आगे का अपना गेम प्ले निकालने की कोशिश जरूर से करते हुए दिखेंगे। बट चलिए मूविंग ऑनवर्ड्स, दूसरी फाइट्स की अगर हम बात करें, हर एक जगह पे आपको कुछ नए क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ नए फिनिशर्स देखने को मिल रहे हैं। बात करें टीम नंबर 9 की, रियुक आखिरी उम्मीदवार देखने को मिलने वाले अपनी टीम के, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव ऑलरेडी बीन फिनिश्ड ऑफ, व्हिच इज नॉट दैट ग्रेट टू बी प्रिसाइज, और जैसे वो फिनिश ऑफ होते दिख रहे हैं मुझे दिक्कतें बढ़ जाएगी उनके लिए आगे, जैसे जैसे मैच बढ़ेगा, जैसे जैसे फिनिशर्स की अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम क्लैशेस की बात करें, वहाँ पे भी आपको एक बड़ा चैलेंज देखने को मिल सकता है। बट टीम नंबर 9 यानी कि रुक की बात करें प्रिसाइसली, वो आपको बैक एंड पे ही देखने को मिलेंगे, इज नॉट द वन हु इज ट्राइंग टू पैसराइज, और फिलहाल इस समय टीपी भी लेने की कोशिश पुरजोर करते हुए दिखेंगे। बट मूविंग ऑनवर्ड्स, वी माइट सी टीम नंबर 18 ऑल्सो ट्राइंग टू टेक अप अ फाइट, बट यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 14 की, वी हैव गॉट ओएसआर या, और ये भी बैक एंड पे देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी हाउ देयर परफॉर्मेंस इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट, कितने और पॉइंट्स आपकी टीम निकाल के लेके जा पाएगी उस पर भी हम यहाँ पे बात जरूर से करेंगे। नो डाउट दीज फाइट्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, टीम्स टेक ओवर करने की कोशिश आप जरूर से करते हुए दिखेंगे, फिनिशर्स निकालने की कोशिश जरूर से करते हुए दिख रही हैं। बट यू कैन सी दैट यहाँ पे टीम नंबर 13 के खिलाड़ी के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर स्प्रेस दिए जा रहे हैं, उनकी गाड़ी आप ऑलरेडी देख सकते हो काफी ज्यादा लेट देखने को मिलेगी यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं इनको फिनिश ऑफ करने की कोशिश पुरजोर करी जा रही है, बट स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं खिलाड़ी यहाँ पे, फैंटम को स्पेस देने की कोशिश, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेड डेविल अपने लेवल से इनैक्ट करने की कोशिश जरूर से करते हुए दिखेंगे। मूविंग ऑनवर्ड्स, इफ आई टॉक अबाउट टीम नंबर 15, यहाँ पे उनके भी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे करके इस जोन के अंदर पहुंचना इनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड यू कैन ऑलरेडी सी दिस इंपॉर्टेंट फाइट कैन बी वे टू रिस्की फॉर द टीम्स, नो डाउट इन दैट।
फिर टॉक अबाउट डॉक्टर, यहाँ पे अगर हम बात करें टीम फोर डॉक्टर्स की स्क्वाड की तो देख सकते हो आप उनको, आपको अंटॉप सर देखने को मिलेंगे, डॉक्टर पंत ओपी जी सर देखने को मिलेंगे, आशु यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बट लॉबी के अंदर जहाँ पे कैजुअलिटीज निकल रही है वो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंगल शॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा है। आई मीन एक आधी टीम कहीं ना कहीं एंगेज कर रही है और एक आधा प्लेयर नॉक हो रहा है, एक आधा प्लेयर फिनिश हो रहा है, कोई मुझे एक हार्ड कोर पुशिंग फाइट देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी टीम पुश करने के समय कोशिश नहीं कर रही है, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगर पुशिंग आता है तो काफ़ी वैल्यूबल फाइट्स निकलेंगे, बट अभी के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस टीम्स देखने को मिल रही हैं एंड द टीम्स आर नॉट ट्राइंग टू नॉट टीम्स आर नॉट ट्राइंग टू पुल रहे, तो क्यों है ऐसा फिलहाल वो भी कमेंट डाउन करके मुझे बता दीजिए फटाफट से, व्हाट इज द इशू, व्हाई यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मार्जिनलाइज द लेट डीले एंड ऑल। बट मूविंग ऑनवर्ड्स, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता हुआ दिखेगा मुझे और भी ज्यादा कंटेस्टेंट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं और टीम्स अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हुए दिख रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं छठी जोन है, इस समय एक और फाइट यहाँ पे पुल थ्रू होती हुई दिखेगी, वी कैन ऑलरेडी सी टीम नंबर 15 इज राइट ओवर देयर, आइटम एंड बुलेट आपको देखने को मिलेंगे, इनके पास 5 किल्स यहाँ पे आ चुके हैं इस टीम के पास प्रीटी मच। पर टीम नेमेसिस की बात करें जाए, नेमेसिस के लिए खतरा बढ़ चुका है, मात्र 1 किल के साथ ही टीम स्टैंड ले रही है इस समय फिलहाल, बट एज द जोन मूव्स इन, इनके लिए दिक्कत यहाँ पे जरूर से देखने को मिलेगी और फिनिश निकाल पाना इनके लिए अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। बट सामने यहाँ पे एक 1v2 का सिचुएशन निकल के आता हुआ दिखेगा, पैराडॉक्स इज द वन ट्राइंग टू सीक एस्केप पाथ, वहाँ पे कहने के वो एक एस्केप पाथ निकालने की कोशिश करेंगे, 1v1 यहाँ पे लिया, शानदार 1v1, ही टेक्स वन ओवर एंड दैट इज गुड इनफ, नेमेसिस के पैराडॉक्स यहाँ पे काफी शानदार एक फिनिश निकाल के जाते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कितना ज्यादा और आगे यहाँ पे ट्रैवल कर पाते हैं, आई बिलीव इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी डिफिकल्ट टास्क को दिखाए, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू एलिमिनेट वन मोर टीम, ओ यहाँ पे टीम नंबर 10 को पूरा फिनिश ऑफ करके यहाँ पे कहने के जाएंगे और 3 किल के साथ ये टीम अब यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, पैराडॉक्स इज अबाउट टू गो डाउन, यस ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट हैपेंड, 3 टीम्स एंड 8 खिलाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं सर्वाइव करते हुए, अ लॉट ऑफ कंटेस्टमेंट वाज देयर, अ लॉट ऑफ फाइट वाज देयर एंड मूविंग ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी अनदर फाइट कमिंग अप रियली वेरी सून एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी दिस वन, टीम नंबर 3 यहाँ पे आ चुकी है फिलहाल, सर्वाइव कर पाना इनके लिए एक चैलेंज यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, 3 टीमें 7 खिलाड़ी अगेन आपको प्रेजेंट देखने को मिलने वाले हैं, विच इज अ बिगर टास्क टू बी प्रिसाइज, एक बड़ा टास्क यहाँ पे देखने को मिलेगा इन टीम्स की तरफ से, रिटेलिएट कर पाना, सर्वाइव कर पाना, बट बुलेट इज द वन विद 2 फिनिशेस एंड ही इज होल्डिंग द ग्राउंड्स, 2 किल्स करके यहाँ पे कहने के अपने ग्राउंड्स को होल्ड करता हुआ दिखेगा एक खिलाड़ी, मूविंग ऑनवर्ड्स चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैच और ज्यादा अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता है वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा बढ़िया क्लैशेस देखने को मिलेंगे, बट इस समय बुलेट की अगर बात करें जाए वो कंप्लीटली प्रोन इन होकर यहाँ पे स्पेस देने की कोशिश करेंगे, बट ये सही टाइम नहीं है इस समय, एक्सेलेट फोर्स और यहाँ पे टीम ओएस का ये जो फाइट है अगर वो निकल जाए उसके बाद वो सेकंड पोजीशन ले सकते हैं, सेकंड पोजीशन के साथ अगर वो आगे मूव ऑन करे तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज एक्सेलेट फोर्स इस समय 14 किल के साथ देखने को मिल रही है जो कि किसी भी मायने में मुझे कम देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया एग्रेशन है इस टीम का प्रिसाइसली, बहुत ही बढ़िया फिनिशर्स यहाँ पे टीम निकाल के बैठी है, विच इज गुड इनफ फॉर देम, मूविंग ऑनवर्ड्स इट कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉट मोर ऑफ अ क्योस इन द लॉबी और भी ज्यादा कंटेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, बट फिलहाल इस समय नीड्स एंड स्मोक्स वगैरह देखने को मिलेंगे जरूर से, यहाँ पे टीम्स अगर रिवॉल्व कर पाती हैं, फिनिश निकाल पाती हैं, ड्राइव कर पाती हैं इनके बीच में तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, बट हालांकि यहाँ पे देखिए आप देखने को मिलेंगे आपको 2 टीमें और 3 खिलाड़ी यहाँ पे देखिए पूरा इस समय एक सर की बात करें जाए काफी बखूबी इन्होंने फाइट को टेक ओवर किया, बुलेट यहाँ पे एक आखिरी उम्मीदवार है उनको भी स्पॉट कर लिया गया आई बिलीव, और 7वीं जोन के अंदर किस तरीके से सर्वाइव निकलता है, किस तरीके से खिलाड़ी सर्वाइव कर पाएगा एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, बट स्टिल समहाउ दिस इज द वन हु इज होल्डिंग द बेस्ट काइंड ऑफ एरियाज गाइस, मानना पड़ेगा जिस तरीके से होल्ड कर रहे हैं अपने एंगल को देखने को काफी ज्यादा शानदार देखने को मिल रहा है, 2 फिनिशर्स इन्होंने निकाली टीम नंबर 5 टीम नंबर 14 की तरफ से, 2 किल्स यहाँ पे टीम XR के खिलाड़ियों ने वापस से स्टील कर ली यानी कि एक्सीलेट फोर्स ने, दैट इज गुड इनफ, बट मूविंग ऑनवर्ड्स अब चैलेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, अब कंटेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो देखना चाहूंगा किस तरीके से फाइट निकलती है, देखना चाहूंगा किस तरीके से क्लैश को अपने डेवलप करते हैं, फिलहाल एक्सेलीट फोर्स की स्क्वाड्स की बात करी जाए वो उनको सामने ही देखने को मिलेगी, और ये देखिएगा इस नीड्स एंड बाकी की चीजों का यानी कि कुछ थ्रोएबल्स का यूज आपको जरूर से देखने को मिलेगा, बट स्टिल दोस थ्रोएबल्स आर नॉट गोइंग टू गेट कनेक्टेड बिकॉज इतना आसान देखने को नहीं मिलेगा, एक और नीड यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, दैट्स गुड इनफ, लगातार थ्रोएबल्स का यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा सामने वाली टीम की तरफ से, बट एक स्प्रे आता है यहाँ पे बहुत ही बखूबी, बट द मैच इज ओवर एंड दिस इज हाउ द विनर चिकन डिनर ऑफ MKCG प्रेजेंस पैराडाइज BGMI चैंपियनशिप क्वालिफायर्स मैच नंबर 3 इज एक्चुअली गोइंग टू गो इनटू द हैंड्स ऑफ टीम एक्स एलीट फोर्स, शुरुआत ही एग्रेसिव थी अंत भी एग्रेसिव देखने को मिलेगा, 17 किल करके आई बिलीव ये टीम अभी अपना परफॉर्मेंस देखे गई है गाइस, आपको गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन, वेल मूविंग ऑनवर्ड्स अ लॉट ऑफ टफ डिसीजंस हैव टू बी मेड कि किस तरीके से रिटेलिएशन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो, किस तरीके से एग्रेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो, हर एक चीज़ पे हम लोग कहीं ना कहीं बात जरूर करेंगे, और चलते हैं टीम नंबर 13 की तरफ यानी कि 4 डॉक्टर्स की स्क्वाड की तरफ अगर बात करी जाए तो आपको यहाँ पर ड्रैगन देखने को मिलेंगे, आशु देखने को मिलने वाले हैं, पंत ओपी सर देखने को मिलेंगे, DSR मैडम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बट लॉबी के अंदर आई बिलीव देयर वाज सम काइंड ऑफ ग्लिच बट नाउ आई गेस इट हैज बीन सॉर्टेड, एंड यहाँ पे कुछ फाइट्स जो चल रही है तो चलिए उनकी तरफ यहाँ पे नजर मार ली जाए फटाफट, सामने टीम नंबर 16 के खिलाड़ी घायल देखने को मिलेंगे आपको, नॉकआउट है वो ऑलरेडी, रीड एज वेल को यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉकआउट किया गया है,
और यहाँ पे टीम नंबर 11 भी आती हुई दिखेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल एंगल्स पे मल्टीपल टीम्स इस समय शुरुआत में ही देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं इस लॉबी के अंदर आपको काफी सारा कंटेस्टमेंट देखने को मिलेगा। ये है ग्रुप ए और सी के बीच में फाइट आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ग्रुप ए और सी के बीच में काफी अच्छा खासा कंटेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एल टी बास प्रेजेंट है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ और मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल टीम नंबर 10 की प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे टीम नंबर 10 के गॉड ड्रैगनार देखने को मिलेंगे, जो कि बैक एंड पे देखने को मिलने वाले हैं। तो हर एक एरिया यहाँ पे कहने के काफी ज्यादा कवर्ड अप है। गॉड ड्रैगनार की बात करी जाए कॉम्प्लेक्स ही फॉल बैक करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सामने ओपन में आपको खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं उनको क्रश करने की कोशिश रखना यहाँ पे बखूबी करते हुए दिखेंगे। ऑल्दो इट्स नॉट दैट इजी गाइस कि यहाँ पे आप जाओ और इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं फिनिश ऑफ कर दो। तो अगेन यहाँ पे इनके लिए एक बड़ा चैलेंज निकल के आता है कि किस तरीके से यहाँ पे टैकल करेंगे सीन को, किस तरीके से अपने फिनिश यहाँ पे निकाल के लेके जा पाएंगे, वो भी कहने के काफी ज्यादा वायबल एक स्टांस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट नो डाउट मूविंग ऑनवर्ड्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस इन द लॉबी। जैसे जैसे मैच आगे निकलेगा गाइस वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा कंटेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और भी ज्यादा फिनिशर्स यहाँ पे टीम्स की तरफ से देखने को मिलने वाली है। सो आई होप आप लोग यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो, आई होप यू गाइस आर मोर देन रेडी टू सी दैट elaborate and actually suspect that how the fight is actually going to go on. चलिए टीम नंबर 13 की बात करें जहाँ पे डॉक्टर के रेगन देखने को मिलेंगे, आपको आशु प्राग यहाँ पे देखने को मिलने वाले, पंतोपी सर भी देखने को मिलेंगे। हर एक एंगल पे कुछ नई टीम्स, कुछ नए खिलाड़ी आपको जरूर से देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ नए चेहरे जरूर से प्रेजेंट हैं। और देखते हैं किस तरीके से फाइट निकलती है, कितने एग्रेशन को आप टीम मैनिपुलेट कर पाती है, क्या रिस्क रहेंगे, किस तरह का डोमिनेशन रहेगा, हर एक चीज पर हम लोग यहाँ पे बात जरूर से करते हुए दिखेंगे, नो डाउट इन दैट। बट दिस इज द कोचिंग की एरिया जहाँ पे आपको टीम्स होल्ड करते हुए दिख रही है, और टीम्स के साई की तरफ से यहाँ पे काफी शानदार एक फिनिश देखने को मिलेगा। एंड टीम चीम्स के पास एक फिनिश यहाँ पे आ चुका है, एंड चाओ जीजी के पास यहाँ पे वो किल देखने को मिलेगी। बट मूविंग ऑनवर्ड्स वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेस्टमेंट कमिंग अप, कहीं ना कहीं छोटे मोटे किल्स छोटे मोटे टैग्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 3 यानी कि सेंटिनल्स की स्क्वाड मुझे खतरे में देखने को मिल रही है। सेंटिनल के सीरियस ब्लैक यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, राम की बात करें जाए वो पानी के अंदर डूब चुके हैं, किंग ओपी की बात करें या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे राम की वो आपको काफी बैक एंड पे देखने को मिलेंगे। कमांडर की बात करें जाए उनके पास यहाँ पे एक MK47 म्यूटेंट आई बिलीव और साथ ही एक शॉटगन यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट्स ऑल दे हैव गॉट। बट यहाँ पे मिहिर की बात करें उनको भी पूरा पूरा फिनिश ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। सो मल्टीपल एंगल्स दैट मीन्स मल्टीपल कैजुअलिटीज, वेल मजा काफी ज्यादा आने वाला है, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैच आगे पैन आउट होगा आपको और भी ज्यादा कंटेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आई होप यू गाइस आर मोर देन रेडी टू एक्चुअली सी मेसमराइज एंड लर्न फ्रॉम दिस। पहले फिर टॉक अबाउट टीम नंबर 18 एंड टीम नंबर 6 के बीच में जो फाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो अगेन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रिटेलेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस समय अगर हम बात करो फिनिशेस यहाँ पे अगर बात करें जाए वो भी काफी काफी ज्यादा स्ट्रॉग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एंड कहीं ना कहीं टीम्स बैलेंस आउट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए देखेंगे। इस समय टॉक अबाउट टीम डॉक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लोगन यहाँ पे प्रेजेंट है, लिपिन यहाँ पे देखने को मिलने वाले जरूर यहाँ पे। वंस अगेन द टैग्स आर एक्चुअली गोइंग टू मैसिव इफ टॉक अबाउट टीम नंबर 18, इनके लिए दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। टीम नंबर 6 की बात करें जाए वो अगेन यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखेंगे, बट फिलहाल अभी अपने होल्ड्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना इस टीम के लिए कहने के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे हीलियस की बात करें जाए वो भी आपको देखने को मिलेंगे बैक एंड पे, उनका भी सर्वाइवल कहने के काफी टफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टीम नंबर 18 की बात करें जाए डॉक्टर लोगन यहाँ पे प्रेजेंट है, सामने आप जैसे कि देख सकते हैं अपने ग्लाइडर्स एंड बाकी की चीज़ों का यूज करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने स्लैम जरूर से दे दिया। बट चलिए बात करते हैं फिनिशेस की, वो भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा इस ग्लाइडर लेके निकलने की कोशिश जरूर से थी, बट इनके ग्लाइडर मुझे यहाँ पे घायल देखने को मिल रहा है, ग्लाइडर ऑलरेडी यहाँ पे फटता हुआ देखेगा। बट चलिए गाइस मूविंग ऑनवर्ड्स एज यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ इंटेंसिटी व्हिच इज गोइंग टू बी देयर। ये देखिएगा इस समय अगर हम बात करें टीम नंबर 18 की, आपको काफी ज्यादा ओपन अप यहाँ पे देखने को मिलने वाले, वन सेकेंड टेक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से फिनिश यहाँ पे निकल के आता है, एनिग्रेशन किस तरीके से देखने को मिलेगा उस चीज पे मैं बात जरूर से करूंगा। वेल मूविंग ऑनवर्ड्स जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस इन कॉर्नर्स वहाँ पे पकड़ के काफी अच्छे तरीके से टीम ने रखा हुआ है, यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हुए देखेंगे अपनी फाइट्स को। बट मूविंग ऑनवर्ड्स यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से गेम यहाँ पे निकलता है। टीम नंबर 18 की बात करें जाए यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको डॉक्टर लोगन, और उसी के आगे परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। फ्यूरियस की हीलियस की बात करें जाए वो देखने को मिलेंगे, एक अच्छा शॉट यहाँ पे कहने के डॉक्टर लोगन की तरफ से इनको इजीली टेकआउट कर सकता है। बट फिलहाल अगर हम बात करें टीम नंबर 4 टीम नंबर 13 टू बी प्रिसाइज, देखते हैं गाइस किस तरीके से फिनिश यहाँ पे निकल के आ पाता है इनकी तरफ से। टीम नंबर 6 की बात करें हीलियस आपको देखने को मिलेंगे, वो भी अपने लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं,
पॉइंट्स उठाने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए देखेंगे, बट मूविंग ऑनवर्ड्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेरी रिस्की टास्क फॉर दिस पर्टिकुलर टीम टू सर्वाइव। बट यहाँ पे टीम नंबर 18 की बात करें, डॉक्टर लोगन के अलावा यहाँ पे मुझे कहीं और फाइट्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस समय टीम नंबर 13 यानी कि टीम डॉक्टर की बात करें, फोर डॉक्टर की, तो उनके लिए सर्वाइवल काफी टफ हो चुका है। एंड रेगोन यहाँ पे एक आखिरी खिलाड़ी देखने को मिलने वाले हैं, स्पेस यहाँ पे जरूर दिए जाएंगे, बट बहुत ही बखूबी रेगोन की लास्ट बुलेट यहाँ पे कनेक्ट होती है, इसी के साथ फिनिश यहाँ पे निकल के आते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं टीम नंबर 13 यानी कि टीम फोर डॉक्टर्स हैव एक्वायर्ड फोर अमेजिंग फिनिशेस, गुड इनफ फॉर देम। बट चलिए अगर हम बात करें 55 खिलाड़ी और 17 टीम्स की यहाँ पे जो देखने को मिलेंगी लॉबी के अंदर, शायद वहाँ पे आपको अगेन कुछ और एग्रेसिव चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाए, बिकॉज टू बी प्रिसाइज टीम नंबर 6 के खिलाड़ी अभी भी काफ़ी कॉर्नर्ड है, उनकी तरफ से मुझे अभी भी कुछ खास क्लैश यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ये दोनों ही टीम्स टीपीपी बेस्ड गेम प्ले क्लिप में निकलती हुई देखेंगी, टीम्स की बात करें उनकी तरफ से भी कुछ शॉट्स यहाँ पे जरूर लिए जाएंगे। आई बिलीव टीम चीम्स इज फाइटिंग इन दिस एरिया, मिलिट्री बेस के ब्रिज के पास आपको यहाँ पे एक अलग ही एग्रेशन देखने को मिल रहा है, एक अलग ही फाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट मूविंग ऑनवर्ड्स सम मोस्ट प्लेयर्स आर अबाउट टू बी देयर। देखते हैं किस तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ पे बैठती है। वहीं अगर बात करें हम पोंडा की, तो उनकी तरफ से भी कुछ और खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, अगेन एक वन वी वन लेने की कोशिश, ओ दैट वाज अ डैम गुड नेड, बहुत ही बखूबी यहाँ पे नेट को कनेक्ट करते हुए देखेंगे, इसी के साथ टेक ओवर जरूर से किया जाएगा। टीम नंबर 7 के जो आखिरी खिलाड़ी हैं वो काफी बैक एंड पे हैं, इनका बचपाना अब यहाँ पे कहने का इम्पॉसिबल देखने को मिलने वाला है। टीम नंबर 15 की बात करें जाए, चीम्स यहाँ पे आते हुए देखेंगे इजीली फिनिश निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया टेक ओवर यहाँ पे किया उन्होंने। टीम चीम्स के पास यहाँ पे 4 खिलाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 4 फिनिश निकालते हुए, दैट इज गुड एनफ फॉर देम। मूविंग ऑनवर्ड्स पहली जोन शायद हमारी बहुत ही जल्द श्रिंक होती हुई दिखेगी, एंड आई बिलीव श्रिंक होना शुरू हो चुकी है, बट देखते हैं कब तक मैं पूरी श्रिंक इन क्लोज होता है और किस तरीके से पूरी फाइट आगे निकल के आती है, बिकॉज अभी के लिए तो काफी टफ डिसीजन निकलेंगे टीम्स के अंदर, काफी नए क्लैशेस डेवलप होंगे, काफी नए रिटेलिएशन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड टू सी दैट हाउ दिस गेम इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट, बट धीरे धीरे करके मैच और ज्यादा एग्रेसिव होता जाएगा, धीरे धीरे करके फाइट्स और ज्यादा एग्रेसिव होती जाएंगे, एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू एंजॉय अ लॉट ऑफ स्टफ। सो नो डाउट, एब्सोल्युटली अ लॉट ऑफ स्टफ इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर, अ लॉट ऑफ कंटेस्टमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर, एंड मैं भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड जरूर से हूँ। एंड यहाँ पे जो फिनिशेस है वो काफी ज्यादा वायबल निकलती हुई देखेंगे, यहाँ पे जो एग्रेशन है वो भी काफी ज्यादा वायबल यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। व्हाट अबाउट यू गाइस, यहाँ पे कमेंट डाउन करके आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है फिलहाल, व्हाट इज योर ओपिनियन दैट हाउ द फाइट्स आर एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन। आई बिलीव इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेरी रिस्की वन। टीम नंबर 5 की बात कर लीजिए आप, यहाँ पे देखिए फिलहाल टीपीपी लेते हुए देखेंगे, एक्सेलीट फोर्स एक ऐसी टीम जो कि यहाँ पे कहने के टेबल टॉपर निकल के आई थी, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अपनी परफॉर्मेंस डालते हुए। सो लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गो। वेल मूविंग ऑनवर्ड्स देखते हैं किस तरीके से एग्रेशन यहाँ पे रहेगा गाइस। टीम नंबर 12 की बात कर लीजिए, वी हैव गॉट इनवोकर, वेल अगेन द पोजीशन इज एक्चुअली समथिंग वेरी रियल एंड इट इज एक्चुअली गोइंग टू एंगेज अ लॉट ऑफ स्टफ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मजेदार फाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी धीरे धीरे करके। बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से फिनिश निकलते हैं, ऐसा एग्रेशन आप देखने को मिलेगा, टीम्स कौन से कितने पॉइंट्स यहाँ पे निकाल पाएगी, कहाँ पे उनसे दिक्कतें होंगी, कहाँ पे रिस्क पड़ेंगे, हर एक चीज पे बात जरूर से करते हुए दिखेंगे आपको। वेल आई गेस हमें फिर से यहाँ पे चलना पड़ेगा टीम नंबर 7 या फिर किसी और टीम की तरफ, यानी कि टीम नंबर 6 की तरफ टू प्रिसाइज। काफी देर से इनके बीच में फाइट चल रही है, काफी देर से नोकझोंक चलती हुई दिख रही है, बट अभी भी कोई खिलाड़ी नॉकआउट होता हुआ नहीं दिखाया, दोनों टीम्स अभी भी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग अ मसल एट दिस पॉइंट, व्हिच इज गुड इनफ फॉर देम। बट यहाँ पे अगर लोगन की बात करी जाए, वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनके लिए रिस्की हो चुका है गाइस। गाइज आप लोग चैट क्यों नहीं कर रहे अभी फिलहाल, यहाँ पे कमेंट्स बंद हो चुके हैं गाइज, व्हाई इज दिस हैपनिंग, फटाफट से चैट करिए, बताइए मुझे क्या व्हाट इज योर कंसर्न, व्हिच टीम एक्चुअली वांट टू सी। वेल गाइस फाइनली हमें यहाँ पे एक ओपनिंग मिल चुकी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं टीम नंबर 18 के जो एक खिलाड़ी हैं यानी कि डॉक्टर मैक्ट्रेस, वो ऑलरेडी नॉक आउट हैं, उनका बचपन इस समय इम्पॉसिबल देखने को मिलेगा। बट लोगन की बात करी जाए, यहाँ पे एस ट्वेल्व के लेके पुशन करते हुए देखेंगे फटाफट से, उनके पास कोई भी लॉन्ग रेंज गन नहीं है, दैट इज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को टेक ओवर कर पाएंगे, किसी को बखूबी फिनिश कर पाएंगे, बट फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करना इनके लिए लाजमी बनता है। देखते हैं किस तरीके से कोशिशें निकलती हैं, कितने और पॉइंट्स को अपलिफ्ट कर पाती हैं, हर एक चीज़ कहने की काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहने वाली है।
ना फिर टॉक अबाउट लिपो ने यहाँ पे देखे वो भी एक्सपोज देखने को मिल रहे हैं, उनको भी यहाँ पे बैकस्टेप किया जा रहा है लगातार, उनके ऊपर प्लेज और कुछ अच्छे शॉट्स यहाँ पे जरूर से लगाए जा रहे हैं, बट फिर भी वो कनेक्शंस बन के नहीं आ पा रहे जिसकी हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी, एंड दैट इज वाई दिस गाय विल बी सक्सेसफुल, मोर देन सक्सेसफुल टू बी प्रिसाइज, टू एक्चुअली फॉल बैक देन अगेन आगे मूव ऑन करते हुए इनके रिस्क बढ़ सकते हैं। आई गेस यहाँ पे लोगन भी कहने का डिसाइड करने की वो फॉल बैक करना चाहे, बट उनका फॉल बैक कर पाना इतना ज़्यादा इजी देखने को नहीं मिलेगा। सामने वाली टीम काफ़ी अच्छा खासा गन कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट है, चाहे आप वीडियोज़ की बात करिए MK47 म्यूटेंट है, इनके पास M249 ने निकम लेके आपको स्टाफ वॉरियर्स देखने को मिलने वाले हैं, वहीं हीलियोज़ की बात करें या फिर बात करें हमें डेल्टा एक्रॉन की, डेल्टा क्रॉन की बात करी जाए तो उनकी तरफ से भी आपको वेक्टर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अगेन फॉल बैक कर पाना लोगन के लिए इस समय इम्पॉसिबल सा देखने को मिलेगा, बट वो अगेन एक 1v3 सिचुएशन आप जरूर से बना सकते हैं बिकॉज उनकी तरफ से शायद ही इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिले। बट चलिए मूविंग ऑनवर्ड्स देखते हैं किस तरीके से गेम यहाँ पे निकलता है। वेल 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 वी हैव गॉट अनदर कंटेस्टमेंट कमिंग अप रियली वेरी सून, यहाँ पे टीम नंबर 5 के खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं डेंजर में देखने को मिलेंगे। वोटेक्स की बात करें जाए उनकी तरफ से यहाँ पे कुछ नए फिनिशर्स, यहाँ पे कुछ नए एग्रेशन यहाँ पे जरूर देखने को मिलने वाले हैं। आई बिलीव यहाँ पे जो कंटेस्टमेंट है अगेन काफ़ी ज़्यादा भारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड कहीं ना कहीं फिनिशर्स निकाल पाना टीम्स के लिए कहीं ना कहीं बड़ा क्रूशियल स्टेप यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। चाहे आप गैम्बलर की बात करें जाए देखिए यहाँ पे अभी और यहाँ पे इस समय बात करें गैम्बलर ही देखने को मिलेंगे, शॉर्ट्स एंड काइनेटिक हैव ऑलरेडी बीन फिनिश्ड ऑफ, तो यहाँ पे जो दो खिलाड़ी हैं उनका लॉस ऑलरेडी होता हुआ दिखेगा। तो चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से फिनिश इनका निकलता है, किस तरीके से एग्रेशन आप देखने को मिलेगा, एंड कितने और पॉइंट्स वहाँ पर टीम अपडेट कर पाएंगे। हालांकि देखिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं फिनिश निकाल पाने टीम्स के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, बट स्टिल दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कम्पीट। X3F को दिखाओ, X3F को भी दिखा दिया मैंने यहाँ पे, डोंट वरी गाइस X3F आपके सामने देखने को मिल रही है, दो किल कर चुके हैं। मिस्टर डीजे यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनके पास यहाँ पे दो फिनिशर्स है, बट मूविंग ऑनवर्ड्स इनको और फिनिश यहाँ पे निकालना है, देखते हैं किस तरीके से एग्रेशन निकल के आता है। बट मूविंग ऑनवर्ड्स अ लॉट ऑफ कंटेस्टमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर, अ लॉट ऑफ फाइट इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर, बट टीम्स यहाँ पे कम्पीट करेंगी, पुश थ्रू करने की कोशिश करेंगी, बट फिर भी देखते हैं गेम किस तरीके से निकलता है, कितनी टीम्स यहाँ पे एनहांस कर पाएंगे अपने फिनिशर्स को। हालांकि इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, नॉट इन दैट, बट मूविंग ऑनवर्ड्स यहाँ पे अगर हम बात करें डॉक्टर गैम्बलर या फिर वोल्टेक्स अभी की, तो वो आप पूरा फॉल बैक करते हुए दिख रहे हैं विद दिस यूएस, दे आर ट्राइंग टू फॉल बैक, बट यहाँ पे आई गेस अभी को काफी ज्यादा टैग यहाँ पे पड़ता हुआ दिखेगा, वन गुड शॉट एंड अभी कैन बी टेकन डाउन इफ दैट शॉट्स कनेक्टेड, बहुत ही ज्यादा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं फॉल बैक कर चुके हैं बहुत ही बखूबी, वोल्टेक्स अभी निकल चुके हैं पूरा प्रॉपरली फॉल बैक यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। मूविंग ऑनवर्ड्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेस्टमेंट कमिंग अप वेरी सून। वेल 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 द कंटेस्टमेंट इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से एग्रेशन और पैन आउट हो पाता है, कितनी टीम्स यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे अपने फिनिशेस को, बिकॉज इस समय मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे टीम्स, और एग्रेशन निकाल पाने टीम्स के लिए अगेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं टीम्स स्लोली बट स्लोली गेन करते हुए दिखेंगे अपने पेस को, और जैसे जैसे केस यहाँ पे गेन होगा जैसे जैसे अपना फिनिशर्स निकलेंगे और भी ज़्यादा एंगेजमेंट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बट सामने वीपी के स्क्वाड टीम नंबर 17 को यहाँ पे राउंड करते हुए दिखेगी और उनको फिनिश ऑफ करने की कोशिश करते हुए दिखेगी, एंड इफ दैट फिनिश कम्स अप इजीली कहीं ना कहीं यहाँ पे टेक ओवर करते हुए दिखेंगे सारी की सारी फाइट्स को। बट देखते हैं गाइस किस तरीके से गेम यहाँ पे निकलता है, कितने और एग्रेशंस को यहाँ पे टीम मूव इन करा पाएंगी। हालांकि अभी के लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं टीम्स के लिए, वी हैव गॉट स्वाधीन एंड द अदर मेंबर्स, इफ टॉक अबाउट टीम नंबर 17 वी हैव गॉट प्रोफेसर रूथलेस, यहाँ पे 2x स्कोप बॉय भी देखने को मिलेंगे, दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बट बाकी के दो खिलाड़ियों की बात करें जाए काफ़ी लंबा एक रोटेशन काट रहे हैं, काफ़ी दूर का एक रोटेशन काटते हुए दिखेंगे। हालांकि इनकी गाड़ी थोड़ी सी स्ट्रक जरूर से हुई थी, बट आई बिलीव यहाँ से पुश कर पाना इस टीम के लिए काफ़ी वैल्यूबल देखने को मिलेगा, एंड जिस तरीके से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं आई बिलीव यहाँ पे कुछ नया कंटेस्टमेंट देखने को जरूर मिलेगा। और फिलहाल टीम नंबर 9 यानी कि डोमिनिक एक्सड्रैक
और शुड आई से डोमिनिक की पूरी पूरी स्क्वाड काफ़ी अच्छा खासा होल्ड प्रोवाइड कर रही है। यू नो 17 अगर आप डायरेक्टली इस कंपाउंड पर स्लैम देती है इनके लगी ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक चैलेंज यहाँ पे निकल के आएगा। बट हालांकि ये फॉल बैक करना चाह रहे हैं, प्लीज इनके ऊपर जरूर से दिए जा रहे हैं टैग्स देने की कोशिश यहाँ पे जरूर से रहेगी। बट फिर भी देवर अनसक्सेसफुल इन रिसीविंग दैट टैग। मूविंग ऑनवर्ड्स यहाँ पे आपको टेस्टेस देखने को मिलेंगे या फिर स्ट्रेंज भी देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि अगेन सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ क्वेश्चन टाइप देखने को मिलेगा। बट आई गेस वी हैव गॉट सम काइंड ऑफ ग्लिचेस इन द लॉबी, सम काइंड ऑफ बग्स इन द लॉबी, बट स्टिल द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट एज यू कैन सी। बात करें यहाँ पे वीपी स्वाधीन की, उनकी तरफ से सेंटिनल के एक स्क्वाड को डाउन जरूर से किया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीपी के जो स्वाधीन है वो बैक एंगल पे फाइट लेते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने सेंटिनल के एक स्क्वाड मेंबर्स को डाउन किया है। फिलहाल टीम सेंटिनल का परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा डाउन जाता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल गाइस यहाँ पे देखिए राम फिनिश ऑफ हो चुके हैं, दैट्स इट फॉर द गाय। मूविंग ऑनवर्ड्स एक्सट्रीएफ की बात करें जाए, दो किल करके टीम पूरा पुश फॉरवर्ड करते हुए दिखेगी, विच इज गुड इनफ फॉर देम। बट आई बिलीव द थर्ड जोन इज अबाउट टू कम इन एंड दिस थर्ड जोन इज एक्चुअली गोइंग टू क्रश द कंपटीशन। काफी कुछ यहाँ पे आपको अमेजिंग देखने को मिलेगा, काफी नए स्क्वाड फाइट्स देखने को मिलेंगे, काफी नए रिटेलिशन देखने को मिलने वाले हैं। बट जी हाँ, अगर बात करें टू एक्स स्कोप गाय की तो उनकी तरफ से भी कहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। रूथलेस भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही आपके पास डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने को मिलने वाले हैं। वी हैव गॉट डॉक्टर स्ट्रेंज आल्सो इन द सीन। मूविंग ऑनवर्ड्स दीज रोटेशंस कैन बी वेरी वाइटल। वहीं अगर बात करें टीम सेंटिनल की, ये जो आज का जो क्वालिफायर है फिलहाल इंटर कॉलेज क्वालिफायर, इसमें आप इनका परफॉर्मेंस काफी डाउन जाता दिख रहा है मुझे। लेट्स होप आगे यहाँ पे कुछ और फिनिश देखने को मिल पाएगी इनकी तरफ से, आगे यहाँ पे कहीं ना कहीं जोन के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। बिकॉज हमने देखे हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों को जो कि जोन के अंदर काफी बखूबी सर्वाइव करते हैं, काफी बखूबी अपना चकस्सा एग्रेशन यहाँ पे डेवलप करते हैं। बट सी हाउ दिस गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गेट पैंड आउट एंड कितनी और फिनिशेस आप टीम निकाल के लेके जा पाती हैं, उस चीज़ में भी हम बात जरूर से करेंगे। बट यस, अभी के लिए मुझे टीम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वेल एस्टैब्लिश देखने को मिल रही है। वी हैव गॉट बीपी अश्विन इन द सीन, एपेक्स प्रेडेटर देखने को मिलेंगे, साथ ही डेविल स्काई 18 देखने को मिलने वाले, डेविल SKS 18 देखने को मिलेंगे। बीपी के स्वाधीन आपको ऑलरेडी बैक एंड पे देखने को मिल रहे हैं, तो फिलहाल टू एक्स स्कोप बॉय या फिर रूथलेस या फिर अगर हम बात करें बाकी मेंबर्स की, तभी वो यहाँ पे कहने के स्कोप इन करके या फिर लेट्स से इनको स्काउट करके कहने के फंसाने की कोशिश करेंगे, शायद इतना ज़्यादा आसान देखने को नहीं मिलेगा। ऑल द मूविंग ऑनवर्ड्स द चैलेंजेस माइट राइज, द फाइट्स माइट राइज एंड देन इवेंचुअली वी माइट सी अनदर कंटेस्टेंट कमिंग अप, वी माइट सी अनदर फेस कमिंग अप इवॉल्विंग इन द फाइट एंड दैट कुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो या लेट्स होप वी आर गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ फाइट इवेंचुअली इन द लॉबी। हालांकि स्प्रेस देने की कोशिश जरूर से करते हुए देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टीम नंबर 17 की बात कर लीजिए, डॉक्टर के खिलाड़ी भी टैग्स ले रहे हैं एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट चलिए वहीं टीम नंबर 7 की बात करें जाए, आपको वहाँ पे प्रिंस 643 देखने को मिलने वाला है, 643 जो कि जोन के अंदर पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटेस्ट किया जाएगा जरूर से। सामने टीम नंबर 15 के स्क्वाड मेंबर्स जरूर से हैं, अगर वो उनको स्पॉट करते हैं तो उनको टेक ओवर करने में कहीं ना कहीं काफ़ी आसान देखने को मिलेगा एक फाइट। बट अभी के लिए मुझे यहाँ पे कोई भी खास टीम इतना ज़्यादा रिटेलिएट करते हुए नहीं दिखेगी। बट चलिए बात कर लीजिए टीम X3F की, तो यहाँ पे आपको मिस्टर डीजे देखने को मिलने वाले हैं, विच इज एक्चुअली टीम एलीट फोर्स। यहाँ पे मिस्टर डीजे आपको देखने को मिलेंगे होल्डिंग दिस पर्टिकुलर एरिया, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू एक्चुअली पुश ऑन टू टीम नंबर 4 एंड दैट कुड बी द केस। टीम नंबर 4 अगर यहाँ पे इनके प्रेशराइजिंग मूवमेंट में देखने को मिलती है, बहुत ही शानदार स्प्रे यहाँ पे देखने को मिलेगा मिस्टर डीजे की तरफ से, एंड दैट वाज अ डैम गुड स्प्रे कमिंग फ्रॉम हिज ओन एंगल। मूविंग ऑनवर्ड्स अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट इज एक्चुअली देयर, डीजे की तरफ से लगातार स्प्रे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इन छोटे छोटे जो ग्लिचेस हैं, छोटे छोटे जो एरियाज हैं, वहाँ पे ये टीम अगेन परफॉर्म करने की कोशिश करती हुई दिखेगी, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ओ बट डीजे वाज टेकन डाउन फाइनली, वन मोर गाय वाज टेकन डाउन एंड दिस इज हाउ टीम नंबर 4 इज अबाउट टू गो डाउन। अच्छा लगा कहीं ना कहीं एग्रेशन। और यहाँ पे इसी के अलावा अगर हम बात करें टीम नंबर 4 की, तो आपको जसवंत भाई देखने को मिलेंगे, बट आई गेस उनको भी फर्स्ट आउट किया जाएगा। टीम नंबर 4 के जो एक आखिरी मेंबर हैं वो आपको काफ़ी दूर देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि जिनका नाम है घोस्ट, काफ़ी दूर सर्वाइव कर रहे हैं और इनके पास यहाँ पे पहुंच पाना इस टीम के लिए अभी फीसिबल भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज थर्ड जोन भी श्रिंक होती हुई दिख रही है एंड दिस जोन इज ऑलरेडी इन टू देयर फेवर, सो वाई टू एक्चुअली पुश इन एंड वाई टू वेस्ट द एनर्जी। बट टीम नंबर 14 की बात करें, स्वाधीन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्वाधीन अपनी तरफ से कॉन्कर करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करेंगे फिनिशेस को। हालांकि अभी के लिए मुझे स्टेबल देखने को मिल रहा है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे एग्रेसिव नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल ज़्यादा एग्रेशन के अंदर डिप्लॉय करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से फिनिश आप इनका निकलता है, कितनी टीम्स आप ना कर पाती हैं। बात करें जाए बीपी स्वाधीन की, वो आपको भी वहाँ पे कहीं ना कहीं बैक साइड एरियाज में देखने को मिलेंगे, बट चलिए गाइस यहाँ पे फिनिश किस तरीके से निकलती है वो एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन। वेल वी हैव गॉट टीम नंबर 17 आल्सो कमिंग अप इन दिस प्लेस राइट नाउ, टू एक्स स्कोप की स्क्वाड भी देखने को मिलेगी। अभी जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा था, शुरुआत की जोन में आपको इतना एग्रेशन देखने को नहीं मिला था, वही चीज़ यहाँ पे कहने की शुरुआत की जोन में पहला थोड़ा सा फाइट यहाँ पे जरूर निकली थी, और उसके बाद एवरीथिंग एल्स वॉज एब्सोल्युटली डोमिनेट। सो इस समय भी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलने वाला है फिलहाल। और चलिए टीम नंबर 16 की बात करें जाए, और यहाँ पे मिहिर देखने को मिलने वाले हैं। वह 14 टीमें 39 खिलाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर पाना टीम्स के लिए अगेन काफी डिफिकल्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बट स्टिल दीज टीम्स आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू एन एक्ट एंड गेट दोस क्लोजर्स।
10 की बात करें चाहे रस्टिक वॉल आपको देखने को मिलेंगे, एक्स गेमर 1245 445 देखने को मिलने वाले हैं, गॉट रेंजर की बात करें चाहे वो भी यहाँ पे मूव इन कर रहे हैं, जोन के अंदर अगेन टीम से कैलिब्रेट कर पाना काफी ज्यादा हार्ड देखने को मिलेगा। वहीं मिहिर की बात करें चाहे वो भी आपको बैकएंड पे ही देखने को मिलने वाले हैं फिलहाल, तो मिहिर इस समय जाते हुए देखेंगे फर्दर ड्रॉप, बट यहाँ पे शायद ड्रॉप से आगे निकल के जोन में पहुंचना, बॉर्डर सिटी का एरिया फिर रूइंस का एरिया पकड़ पाना इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। लेट्स सी हाउ द एक्शन इज एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन। वेल टीम्स की बात करें जाए उनकी टीम भी यहाँ पे कंटेस्ट होती हुई दिख रही है, एंड आई बिलीव टीम नंबर 15 इज ऑल्सो लूजिंग सम काइंड ग्राउंड, जैसा कि आप देख सकते हैं उनके कुछ खिलाड़ियों का लॉस देखने को मिलेगा। हालांकि टीम टीम्स के जो बाकी मेंबर्स हैं वो फॉल बैक करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्स एलीट फोर्स इस मैच के अंदर भी देखिए काफी तगड़ा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, नो डाउट दिस टीम इज एब्सोल्युटली क्रशिंग द कॉम्पिटिशन। 10 किल अभी दोबारा से कर चुके हैं और फिलहाल यहाँ पे आगे रैंगल में देखने को मिलेंगे और ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस, देखने किस तरीके से गेम यहाँ पे निकलता है, किस तरीके से पूरा एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे निकल के आ पाता है वो भी कहने के काफी ज्यादा मजेदार देखने को मिलेगा। पीपी अश्विन की बात करें चाहे वो भी आपको देखने को मिलने वाले, बट उनके ऊपर शॉर्ट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, उनकी गाड़ी यहाँ पे कहने के पंक्चर हो सकती है बहुत ही जल्द, शॉर्ट्स काफी डेंजरस है, बच पाना इनका काफी डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, काफी ओपनली यहाँ पे टीम्स के सामने से निकलते हुए देखेंगे, विच इज अगेन वेरी वेरी डेंजरस। वेल मूविंग ऑनवर्ड्स एज यू कैन सी द फोर्थ जोन इज अबाउट टू गेट कंटेस्टेड, चौथी जोन जैसे जैसे करके आगे मूविंग होगी आपको और ज्यादा फिनिशेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गॉड ड्रैगनार की बात करें चाहे वो भी आपको बैक एंड पे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो आई बिलीव यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कंटेस्टमेंट बढ़ता हुआ देखेगा, जैसे जैसे टीम जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे हमें यहाँ पे और भी ज्यादा कुछ नए फाइट्स देखने को मिलने वाले हैं। टीम नंबर 6 की बात कर लीजिए आप, फ्यूरी ओएस हीलियोस देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑनवर्ड्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस इन द लॉबी, बट मूविंग फर्दर जैसे कि आप देख पा रहे हैं टीम नंबर 10 की बात करी जाए वो भी सर्वाइव करते हुए दिख रहे हैं, बट गाइस यहाँ पे चैट्स काफी नॉर्मल हो चुके हैं, आप लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आप पे बिल्कुल बातचीत नहीं चल रही है, आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग। 12 टीमें 32 खिलाड़ी आपके पास लॉबी के अंदर अभी प्रेजेंट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स यहाँ पे जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। वेल जैसे कि आप देख पा रहे हैं पांचवी जोन जो है वो फिलहाल अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी अमेजिंग देखने को मिलेगी। टीम नंबर 14 की बात कर लीजिए, वीपी सोदीन आपको देखने को मिलने वाले हैं, वी हैव गॉट एपिक्स प्रेडेटर इन द सीन ऑन द अदर कॉर्नर, वुड लाइक टू से दैट टीम नंबर 9 के भी कुछ खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे डोमिनिक इज राक है, जहाँ पे डेरिक देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नूब देखने को मिल रहे हैं, विस्की भी आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि इस टीम के पास मात्र एक किल है, बट अभी कहीं ना कहीं और भी किल्स को चेज करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए देखेंगे, बट लेट्स सी हाउ द एग्रेशन इज एक्चुअली गोइंग टू वांट टू सी। देखिए टीम डोमिनिक की बात करी जाए, देखिए जोन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एज इन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया, वहीं अगर बात करें टीम नंबर 6 की तो फ्यूरी ओएस ने यहाँ पे कहने के पानी के एरिया को होल्ड करने की कोशिश करी है, जो कि अगेन इनके लिए काफी रिस्की हो सकता है, पानी के अंदर सर्वाइव कर पाना इन टीम्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे निकल के आएगा, बट फिर भी कोशिश यहाँ पे जरूर से जारी है इस टीम की तरफ से कि शायद आगे सर्वाइव कर पाए, पुल थ्रू कर पाए, सर्वाइव और कहीं ना कहीं आगे मेकआउट कर पाए अपनी फाइट्स को, बट आई मूविंग ऑनवर्ड्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस इन द लॉबी, एंड कहने के लग सकता है कुछ अच्छा अच्छी फाइट्स यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कुछ अच्छा एग्रेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, सो आई होप यू गाइस आर मोर देन रेडी टू एक्चुअली टेक अप अ फाइट एंड इवेंचुअली एंजॉय विद द काइंड ऑफ इंटेंसिटी विच इज देयर इन द लॉबी। सो लेट्स सी हाउ द कंटेस्टमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू पैन आउट। फिलहाल जहाँ पे जो खिलाड़ी बचे हैं उनकी तरफ भी बात कर ली जाए, टीम डोमिनिक के खिलाड़ी लगातार स्पीड आउट करते हुए दिखेंगे, जरार का आपके सामने है, टास्क देते हुए दिख रहे हैं, लगातार फिनिशर्स निकालने की कोशिश इनकी तरफ से भी देखने को मिलेगी, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू एक्चुअली टेक ओवर द फाइट्स एंड इवेंचुअली गेट दोज अमेजिंग फिनिशर्स इनटू हिज फेवर, बट देखते हैं गाइस क्या इनके लिए पॉसिबल हो पाएगी फाइट निकाल पाना, क्या इनके लिए कहीं ना कहीं ईजी रहेगा इन फाइट्स को निकाल पाना, वही एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, बट येस ऑफकोर्स द क्लैशेज आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू एज यू कैन सी। अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें जरा पीछे का एंगल भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से टीम्स पुश कर सकती हैं हर उस एंगल को फिनिश करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे।
वेल, गॉड रैग्नार इज अबाउट टू गेट क्लोज इन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूमरस फिनिशर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और अलग अलग कहीं ना कहीं पंचर्स यहाँ पे देखने को मिल पा रहे हैं। एंड इट्स प्रीटी क्लियर दैट दीज फाइट्स आर एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ चेओस इन द लॉबी। और जैसे जैसे मैच यहाँ पे आगे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसे जैसे फिनिशर्स यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, टीम्स के लिए अगेन सर्वाइव कर पाना यहाँ पे काफी ज्यादा टफ देखने को मिलने वाला है। बट आई बिलीव येस ऑफकोर्स द टीम्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू एक्चुअली रिएक्ट एंड गेट दोस क्लोजर्स, गुड इनफ। बट मूविंग ऑनवर्ड्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ चेओस एंड आई कैन ऑनली सी दैट द टीम्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कंटेस्ट। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे के फिनिशेस और ज्यादा पे क्रूशियल देखने को मिलेंगे, आगे के फिनिशेस निकाल पाने हैं टीम्स के लिए और ज्यादा पे वल्नरेबल देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिएगा इस वन मैन के लिए जाते हुए देखेंगे एक्सट्रीएफ के एक और मेंबर को पे टेक ओवर किया जाएगा। टीम एक्सट्रीएफ इज एक्चुअली लूजिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड। संजीत आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले बैक एंड पे और ये मॉली के अंदर फंसे संजीत और इसी के साथ होते हुए देखेंगे फिनिश। एंड दिस इज हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन। इस मैच में टीम एक्सट्रीएफ ज्यादा देर तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाई एंड दैट्स अ सैड पार्ट टू एक्चुअली वॉच। टीम संजीत सुडे से टीम एक्सट्रीएफ इज एक्चुअली डन, दे हैव बीन डस्टेड एंड दे हैव बीन फिनिश्ड ऑफ। दैट्स हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गो ऑन। वेल, मूविंग ऑनवर्ड्स अ लॉट मोर ऑफ क्योस इज एक्चुअली गोइंग टू राइज। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कवर्स में आपको टीम्स देखने को मिलेंगी। टीम नंबर 10 के खिलाड़ी की आप बात कर लीजिए, देखिए MG3 लाइट मशीन करके वो बैठे थे लेकिन सेंटिनल्स के खिलाड़ियों ने काफी अच्छा खासा गेम सेंस यहाँ पे रीड किया, बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्ले को टेक आउट यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। सेंटिनल के किंग ओपी की बात कर जाए, ही इज द वन हु इज सर्वाइविंग। लेट्स सी हाउ द गेम इज एक्चुअली गोइंग टू गो फॉर हिम। एंड मूविंग ऑनवर्ड्स इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन, नो डाउट इन दैट। कमांडर इज द वन हु इज गोइंग टू गेट दैट रिवाइवल, दैट्स गुड इनफ। कमांडर विल बी बैक इन द फाइट एंड जैसे ऐसे वापसी अपनी करेंगे वैसे वैसे और कंटेस्टमेंट बढ़ेगा। प्यूरी वो सीरियस उसकी बात करें जाए, वो अभी भी पानी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ही इज द वन नॉट होल्डिंग दैट काइंड ऑफ एरिया, ही इज द वन हु इज जस्ट एब्सोल्युटली डिटरमाइंड दैट हम पानी से ही फाइट लेंगे, पानी से ही आगे मूव ऑन करेंगे एंड वहीं से कहीं ना कहीं उनको बैलेंस मिलता हुआ दिखेगा, विच इज गुड। बट यहाँ पे देखिए फिलहाल टीम नंबर 14 के भी खिलाड़ी यानी कि VP स्वाधीन की बात करें जाए, वो भी पानी के अंदर अपनी गाड़ी लेके घुस चुके हैं, आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हुए देखेंगे, विच इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। सेंट कमांडर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, टीम सेंट्रल के लिए सर्वाइवल काफी मुश्किल है। किंग की बात करें जाए, वो पानी के थ्रू यहाँ पे कहने के आगे पॉस्टुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ही माइट बी एबल टू सर्वाइव। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही पास की जोन है, सर्वाइवल इनके लिए काफी टफ है। सीम सेंटिनल इज द वन हु कैन बी टेकन डाउन एंड यू कैन नॉट सी, यस ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी द केस। सेंटिनल यहां पे जोन से कहीं ना कहीं फिनिश ऑफ हो चुके हैं। वेल, मूविंग ऑनवर्ड्स यू कैन ऑलरेडी सी अनदर स्प्रे इज अबाउट टू बी देयर, जहाँ पे आप देख सकते हैं टीम नंबर 17 की बात करें जाए, डॉक्टर के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। वी हैव गॉट स्ट्रेंज ऐसी भी बाबा, मैम समझा नहीं मैं यहाँ पे रे जो भी आपके कहना चाहते हैं, आप आई गेस उड़िया लैंग्वेज में बोल रहे हैं, दैट इज आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। बट एनीवेज, छह टीम में 12 खिलाड़ी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं छह टीम में 12 खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। जहाँ पे बात करें जाए इस समय टीम नंबर 8 की यानी कि जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कौडल जनार्दन, बादशाह, डोमिनिक नूब, अनुसिक अलावा जरा यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। टीम्स कंप्लीट कर रही है, मीर की आप बात यहाँ पे कर लीजिए, वो भी कंप्लीट यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। टीम नंबर 17 इज द वन होल्डिंग, हु इज होल्डिंग द मेजर एरिया ऑफ द जोन, और पर्टिकुलरली अपनी जोन को इस तरीके से होल्ड कर पाना इस टीम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। बट जैसे ऐसे मैच के अंदर आगे ड्राइव होंगे लोग, और यहाँ पे जैसे कि दिख रहे हैं अब सेवंथ जोन भी 20-21 सेकंड के अंदर शुरुआत लेती हुई दिखेगी, सर्वाइवल अगेन बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक शानदार नेट जाता हुआ देखेगा, बट दिस नेट इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू गेट कनेक्टेड बिकॉज थोड़ा सा इल प्लेस नेट था एंड दैट इज वाई यहाँ पे बिल्कुल भी कनेक्शंस मुझे नहीं लगता कि बन पाएंगे। फिलहाल दूसरा नेट भी यहाँ पे गया, हल्का फुल्का डैमेज शायद इस नेट से जरूर हो सकता था, बट नो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इनफ। नाउ अगेन दे आर एक्चुअली गोइंग टू गेट एक्सपोज रियली वेरी सून, बट देखते हैं गाइस किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। वेल, ऐसी भी नूब विमसार नूब नूपड़ा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई आप लोग, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। बट एनी वे जैसे कि आप देख सकते हैं टीम नंबर 8 की बात करें जाए, अभी आप बॉल पाशाह, अभी आप बॉल गोल्ड फ्लैग, वो भी यहाँ पे कहीं के पुश करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे इनको भी फिनिश ऑफ किया जाएगा, इसी के साथ गोश्त को टेक आउट करने के बाद यहाँ पे देखिए अब टीम नंबर say why you're stranger now, your eyes escape from mine when I sit you down, don't you feel like we're holding on onto a fairy tale but the magic's gone. Time to talk.
won't stop. I ride in your body like a drum. But yeah, but yeah, on top. Boy, I take it like I'm on top. Go and give it to me, baby, don't stop. I ride in your body like a drum. But yeah, but yeah, baby, don't stop. I'll ride in your body like a drum.